दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं, महर्षि एक बेहतरीन मूवी थी महेश बाबू की, जो कि 2019 में आई थी। तो यह महर्षि मूवी थी कैसी और मूवी का स्टोरी कैसा था एक्सप्लेन करने वाले हैं और कुछ इस मूवी से रिलेटेड इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों यह मूवी आई थी 2019 में और इस मूवी के डायरेक्टर थे वामसी पेड़पल्ली और इस मूवी को लिखा था वामसी पेड़पल्ली और दीन और अहिशोर सुलेमान द्वारा इस मूवी को लिखा गया था। इस मूवी के बजट की बात करते हैं तो जहां तक इस मूवी का बजट था 100 से लेकर 130 करोड़ तक का और इसमें बॉक्स ऑफिस 175 से लेकर 200 करोड़ की कमाई की थी। जैसा कि आप लोग जानते हैं, ज़्यादातर महेश बाबू की मूवीज रिलीज होते ही ब्लॉकबस्टर हो जाती हैं क्योंकि इनकी मूवी बहुत ही बेहतरीन होती हैं और यह उन्हीं की एक एक्शन ड्रामा फिल्म थी। इस मूवी की कास्टिंग की बात करें तो इसमें आपको महेश बाबू अमेरिका स्थित व्यवसायी ऋषि के ऋषि कुमार के रूप में देखने को मिलते हैं। पूजा हेगड़े एज अ पूजा महालक्ष्मी ऋषि की गर्लफ्रेंड और रविशंकर के रूप में अल्लारी नरेश ऋषि के सबसे अच्छे दोस्त और जगपति बाबू आपको एज ए विवेक मित्तल यानी विलन के रूप में मुंबई बेल्ट एक बिजनेसमैन और त्रिविक्रम पूजा के दादा के रूप में कैकला सत्यनारायण और पूजा के नाना कस्तूरी राम के रूप में कोटा श्रीनिवास राव देखने को मिलते हैं। ऋषि के पिता सत्यनारायण के रूप में प्रकाश राज, जयसुदा यशोदा के रूप में ऋषि की माँ और मीनाक्षी दीक्षित ऐसा निधि पल्लवी के रूप में अन्य रावी की प्रेमिका देखने को मिलती हैं। कुल मिलाकर मूवी बहुत बेहतरीन, इस मूवी में कई सारे लोग देखने को मिलते हैं और सहायक भूमिकाओं में। इस मूवी के साउंड ट्रैक की बात करें तो फिल्म का साउंड ट्रैक एल्बम और पृष्ठभूमि संगीत देवी प्रसाद द्वारा तैयार किया गया था। संगीत सभी गीत श्री मणि द्वारा लिखे गए थे और पूरा साउंड ट्रैक एल्बम 1 मई 2019 को फिल्म के प्री रिलीज इवेंट पर जारी किया गया था जहाँ विभिन्न संगीत कलाकारों ने गाने प्रस्तुत किए थे। रिलीज की बात करें, फिल्म मूल रूप से 25 अप्रैल 2019 को रिलीज होने वाली थी लेकिन 6 मार्च 2019 को दिल राजू ने घोषणा की कि पोस्ट प्रोडक्शन कार्य में देरी के कारण फिल्म को स्थगित कर दिया गया था। फिर 9 मई 2019 को नाटकीय रूप से मूवी को रिलीज किया गया था। महर्षि 8 मई 2019 को भारत में इसकी आधिकारिक रिलीज से एक दिन पहले संयुक्त राज्य अमेरिका में लगभग 2500 स्क्रीनों पर रिलीज हुई। बेंगलुरु में फिल्म को 400 स्क्रीनों पर रिलीज किया गया। इस प्रकार यह उस समय की उच्च स्क्रीन वाली पहली तेलुगु फिल्म बन गई थी। फिल्म को 2020 में तमिल में पुंगलुक्का और कन्नड़ में वीरा महर्षि और मलयालम में डब करके रिलीज किया गया था। फिलहाल हिंदी में इसका नाम महर्षि ही रखा गया था। फिल्म के सैटेलाइट अधिकार सन टीवी नेटवर्क द्वारा लगभग 250 मिलियन द्वारा खरीदे गए थे और तेलुगु संस्करण जेमिनी टीवी को 150 मिलियन में खरीदे गए बेच दिया गया था। इस फिल्म के अधिकार को फिल्म को तेलुगु संस्करण टेलीविजन प्रीमियर 6 अक्टूबर 2019 को दशहरा के अवसर पर जेमिनी टीवी पर इसका प्रीमियर हुआ था। टेलीविजन पर इसके प्रीमियर ने टारगेट रेटिंग पॉइंट्स TRP रेटिंग 9.3 दर्ज की थी जबकि चैनल पर इसके 5वीं बार प्रीमियर ने 10.28 की TRP रेटिंग दर्ज की थी और औसतन अन्य प्रीमियर की TRP रेटिंग भी 4 से अधिक है। फिल्म के डिजिटल अधिकार Amazon प्राइम वीडियो द्वारा खरीदे गए थे लगभग 110 मिलियन द्वारा और इसका प्रीमियर फिल्म की नाटकीय रिलीज के 54 दिन बाद 3 जुलाई 2019 को किया गया था। फिल्म तमिल और कन्नड़ डब संस्करणों के साथ रिलीज हुई। सैटेलाइट अधिकार स्टार इंडिया द्वारा हासिल किए गए थे। फिल्म के तमिल कन्नड़ और मलयालम डब संस्करणों का प्रीमियर क्रमशः 18 अक्टूबर 2020 को स्टार विजय स्टार सुरणा और जी केरलम पर हुआ था। फिलहाल यह ऑफिशियली हिंदी में डब नहीं हुई है। बात करें इसमें स्टोरी में आपको केरीसी कुमार संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित एक समृद्ध कंपनी ओरिजिन के मुख्य कार्यकारी के रूप में देखने को मिलते हैं। उनको घोषित किया जाता है। वह अपनी माँ को अपने साथ रहने के लिए भारत से लाता है। निधि उसकी सहकर्मी उसे आश्चर्यित करने के लिए एक पार्टी का आयोजन करती है। इसमें बचपन के उसके दोस्त कन्ना और जो कुछ वर्षों से उससे नहीं मिले थे प्रोफेसर चंद्रशेखर और कॉलेज के दोस्त भी शामिल होंगे। कहानी वापस फ्लैशबैक में आती है यानी पीछे चली जाती है। 7 साल पहले ऋषि हैदराबाद के एक मध्यम वर्गीय एकल परिवार से थे। उनके पिता सत्यनारायण जो एक निजी निगम के क्लर्क थे और उनकी कम कमाई के कारण कर्जा हो गया था। उसकी विफलता के कारण ऋषि के उनके यानी अपने पिता के साथ संबंध अच्छे नहीं थे। ऋषि ने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन पूरी करने के लिए वाजा की स्थिति का प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय IIT में दाखिला लिया और इसलिए उन्हें वहां जाना पड़ा। ऋषि उनके रूममेट रविशंकर और पूजा सिया सभी सहपाठी होने के कारण सबसे अच्छे दोस्त बन जाते हैं और एक गरीब किसान का बेटा है रवि और जैसे अपने बेटे के बारे में मासूम विमोदन ने उसे अमेरिका में अच्छी कमाई वाली नौकरी पाने के लिए एक लक्ष्य के लिए प्रेरित किया है और वास्तव में दबाव भी डाला जाता है। उनका एक सहपाठी अजय ऋषि से ईर्ष्या करता है क्योंकि वह पढ़ाई में उसे आगे निकल गया होता है। आगे मूवी में क्या होता है मूवी में देख कर ही पता लगा। मूवी दोस्तों बहुत ही मूवी की स्टोरी भी बहुत ही बेहतरीन, आगे कई सारे ट्विस्ट देखने को मिलते हैं आपको इस मूवी में। इस मूवी को आप फ्री में देख सकते हैं डिजी पर हॉटस्टार पे अमेजन प्राइम वीडियो पर सब्सक्रिप्शन के साथ। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं महर्षि एक बेहतरीन मूवी थी महेश बाबू की जो कि 2019 में आई थी। तो यह महर्षि मूवी थी कैसी और मूवी का स्टोरी कैसा था एक्सप्लेन करने वाले हैं और कुछ इस मूवी से रिलेटेड इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों यह मूवी आई थी 2019 में और इस मूवी के डायरेक्टर थे वामसी पेड़पल्ली और
इस मूवी को लिखा था वामसी पिडिप्पली और दीन और अहिशोर सुलेमान द्वारा इस मूवी को लिखा गया था। इस मूवी के बजट की बात करते हैं तो जहां तक इस मूवी का बजट था 100 से लेकर 130 करोड़ तक का और इसमें बॉक्स ऑफिस 175 से लेकर 200 करोड़ की कमाई की थी। जैसे कि आप लोग जानते हैं ज़्यादातर महेश बाबू की मूवीज रिलीज होते ही ब्लॉकबस्टर हो जाती हैं क्योंकि इनकी मूवी बहुत ही बेहतरीन होती हैं और यह उन्हीं की एक एक्शन ड्रामा फिल्म थी। इस मूवी की कास्टिंग की बात करें तो इसमें आपको महेश बाबू अमेरिका स्थित व्यवसायी ऋषि के ऋषि कुमार के रूप में देखने को मिलते हैं। पूजा हेगड़े राजा पूजा महालक्ष्मी ऋषि की गर्लफ्रेंड और रविशंकर के रूप में अल्लारी नरेश ऋषि के सबसे अच्छे दोस्त और जगपति बाबू आपको एज ए विवेक मित्तल यानी विलन के रूप में मुंबई बेल्ट एक बिजनेसमैन और त्रिविक्रम पूजा के दादा के रूप में कैकला सत्यनारायण और पूजा के नाना कस्तूरी राम के रूप में कोटा श्रीनिवास राव देखने को मिलते हैं। ऋषि के पिता सत्यनारायण के रूप में प्रकाश राज जयसुदा यशोदा के रूप में ऋषि की माँ और मीनाक्षी दीक्षित ऐसा निधि पल्लवी के रूप में अन्य रावी की प्रेमिका देखने को मिलती हैं। कुल मिलाकर मूवी बहुत बेहतरीन। इस मूवी में कई सारे लोग देखने को मिलते हैं और सहायक भूमिकाओं में। इस मूवी के साउंड ट्रैक की बात करें तो फिल्म का साउंड ट्रैक एल्बम और पश्चिमी संगीत देवी प्रसाद द्वारा तैयार किया गया था। संगीत सभी गीत श्री मणि द्वारा लिखे गए थे और पूरा साउंड ट्रैक एल्बम 1 मई 2019 को फिल्म के प्री रिलीज इवेंट पर जारी किया गया था जहाँ विभिन्न संगीत कलाकारों ने गाने प्रस्तुत किए थे। रिलीज की बात करें फिल्म मूल रूप से 25 अप्रैल 2019 को रिलीज होने वाली थी लेकिन 6 मार्च 2019 को दिल राजू ने घोषणा की कि पोस्ट प्रोडक्शन कार्य में देरी के कारण फिल्म को स्थगित कर दिया गया था। फिर 9 मई 2019 को नाटकीय रूप से मूवी को रिलीज किया गया था। महर्षि 8 मई 2019 को भारत में इसकी आधिकारिक रिलीज से एक दिन पहले संयुक्त राज्य अमेरिका में लगभग 2500 स्क्रीनों पर रिलीज हुई। बेंगलुरु में फिल्म को 400 स्क्रीनों पर रिलीज किया गया। इस प्रकार यह उस समय की उच्च स्क्रीन वाली पहली तेलुगु फिल्म बन गई थी। फिल्म को 2020 में तमिल में उंगलुक्का और कन्नड़ में वीरा महर्षि और मलयालम में डब करके रिलीज किया गया था। फिलहाल हिंदी में इसका नाम महर्षि ही रखा गया था। फिल्म के सैटेलाइट अधिकार सन टीवी नेटवर्क द्वारा लगभग 250 मिलियन द्वारा खरीदे गए थे और तेलुगु संस्करण जेमिनी टीवी को 150 मिलियन में खरीदे गए बेच दिया गया था। इस फिल्म के अधिकार को फिल्म को तेलुगु संस्करण टेलीविजन प्रीमियर 6 अक्टूबर 2019 को दशहरा के अवसर पर जेमिनी टीवी पर इसका प्रीमियर हुआ था। टेलीविजन पर इसके प्रीमियर ने टारगेट रेटिंग पॉइंट्स टीआरपी रेटिंग 9.3 दर्ज की थी जबकि चैनल पर इसके 5वीं बार प्रीमियर ने 10.28 की टीआरपी रेटिंग दर्ज की थी और औसतन अन्य प्रीमियर की टीआरपी रेटिंग भी 4 से अधिक है। फिल्म के डिजिटल अधिकार अमेज़न प्राइम वीडियो द्वारा खरीदे गए थे लगभग 110 मिलियन द्वारा और इसका प्रीमियर फिल्म की नाटकीय रिलीज के 54 दिन बाद 3 जुलाई 2019 को किया गया था। फिल्म तमिल और कन्नड़ डब संस्करणों के साथ रिलीज हुई। सैटेलाइट अधिकार स्टार इंडिया द्वारा हासिल किए गए थे। फिल्म के तमिल कन्नड़ और मलयालम डब संस्करणों का प्रीमियर क्रमशः 18 अक्टूबर 2020 को स्टार विजय स्टार सुरोना और जी केरलम पर हुआ था। फिलहाल यह ऑफिशियली हिंदी में डब नहीं हुई है। बात करें स्टोरी में आपको के ऋषि कुमार संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित एक समृद्ध कंपनी ओरिजिन के मुख्य कार्यकारी के रूप में देखने को मिलते हैं। उनको घोषित किया जाता है। वह अपनी मां को अपने साथ रहने के लिए भारत से लाता है। निधि उसकी सहकर्मी उसे आश्चर्यित करने के लिए एक पार्टी का आयोजन करती है। इसमें बचपन के उसके दोस्त कन्ना और जो कुछ वर्षों से उससे नहीं मिले थे प्रोफेसर चंद्रशेखर और कॉलेज के दोस्त भी शामिल होंगे। कहानी वापस फ्लैशबैक में आती है यानी पीछे चली जाती है। 7 साल पहले ऋषि हैदराबाद के एक मध्यम वर्गीय एकल परिवार से थे। उनके पिता सत्यनारायण जो एक निजी निगम के क्लर्क थे और उनकी कम कमाई के कारण कर्जा हो गया था। उसकी विफलता के कारण ऋषि के अपने पिता के साथ संबंध अच्छे नहीं थे। ऋषि ने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन पूरी करने के लिए वाजा की स्थिति का प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय IIT में दाखिला लिया और इसलिए उन्हें वहां जाना पड़ा। ऋषि उनके रूममेट रविशंकर और पूजा सिया सभी सहपाठी होने के कारण सबसे अच्छे दोस्त बन जाते हैं और करीब एक गरीब किसान का बेटा है रवि और जैसे अपने बेटे के बारे में मासूम विमोद ने उसे अमेरिका में अच्छी कमाई वाली नौकरी पाने के लिए एक लक्ष्य के लिए प्रेरित किया है और वास्तव में दबाव भी डाला जाता है। उनका एक सहपाठी अजय ऋषि से ईर्ष्या करता है क्योंकि वह पढ़ाई में उसे आगे निकल गया होता है। आगे मूवी में क्या होता है मूवी में देखकर ही पता लगा। मूवी दोस्तों बहुत ही मूवी की स्टोरी भी बहुत ही बेहतरीन आगे कई सारे ट्विस्ट देखने को मिलते हैं आपको इस मूवी में। इस मूवी को आप फ्री में देख सकते हैं डीजी पर हॉटस्टार पे अमेजन प्राइम वीडियो पर सब्सक्रिप्शन के साथ। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं महर्षि एक बेहतरीन मूवी थी महेश बाबू की जो कि 2019 में आई थी। तो यह महर्षि मूवी थी कैसी और मूवी का स्टोरी कैसा था एक्सप्लेन करने वाले हैं और कुछ इस मूवी से इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों यह मूवी आई थी 2019 में और इस मूवी के डायरेक्टर थे वामसी पिडिप्पली और
इस मूवी को लिखा था वामसी पिडिप्पली और दीन और अहिसोर सुलेमान द्वारा इस मूवी को लिखा गया था। इस मूवी के बजट की बात करते हैं तो जहां तक इस मूवी का बजट था 100 से लेकर 130 करोड़ तक का और इसमें बॉक्स ऑफिस पर 175 से लेकर 200 करोड़ की कमाई की थी। जैसे कि आप लोग जानते हैं ज़्यादातर महेश बाबू की मूवीज रिलीज होते ही ब्लॉकबस्टर हो जाती हैं क्योंकि इनकी मूवी बहुत ही बेहतरीन होती हैं और यह उन्हीं की एक एक्शन ड्रामा फिल्म थी। इस मूवी की कास्टिंग की बात करें तो इसमें आपको महेश बाबू अमेरिका स्थित व्यवसायी ऋषि के ऋषि कुमार के रूप में देखने को मिलते हैं। पूजा हेगड़े राजा पूजा महालक्ष्मी ऋषि की गर्लफ्रेंड और रविशंकर के रूप में अल्लारी नरेश ऋषि के सबसे अच्छे दोस्त और जगपति बाबू आपको एज ए विवेक मित्तल यानी विलन के रूप में मुंबई बेल्ट एक बिजनेसमैन और त्रिविक्रम पूजा के दादा के रूप में कैकला सत्यनारायण और पूजा के नाना कस्तूरी राम के रूप में कोटा श्रीनिवास राव देखने को मिलते हैं। ऋषि के पिता सत्यनारायण के रूप में प्रकाश राज जयसुदा यशोदा के रूप में ऋषि की माँ और मीनाक्षी दीक्षित ऐसा निधि पल्लवी के रूप में अन्या रावी की प्रेमिका देखने को मिलती हैं। कुल मिलाकर मूवी बहुत बेहतरीन। इस मूवी में कई सारे लोग देखने को मिलते हैं और सहायक भूमिकाओं में। इस मूवी के साउंड ट्रैक की बात करें तो फिल्म का साउंड ट्रैक एल्बम और पश्चिमी संगीत देवी प्रसाद द्वारा तैयार किया गया था। संगीत सभी गीत श्री मणि द्वारा लिखे गए थे और पूरा साउंड ट्रैक एल्बम 1 मई 2019 को फिल्म के प्री रिलीज इवेंट पर जारी किया गया था जहाँ विभिन्न संगीत कलाकारों ने गाने प्रस्तुत किए थे। रिलीज की बात करें फिल्म मूल रूप से 25 अप्रैल 2019 को रिलीज होने वाली थी लेकिन 6 मार्च 2019 को दिल राजू ने घोषणा की कि पोस्ट प्रोडक्शन कार्य में देरी के कारण फिल्म को स्थगित कर दिया गया था। फिर 9 मई 2019 को नाटकीय रूप से मूवी को रिलीज किया गया था। माहिर ऋषि 8 मई 2019 को भारत में इसकी आधिकारिक रिलीज से एक दिन पहले संयुक्त राज्य अमेरिका में लगभग 2500 स्क्रीनों पर रिलीज हुई। बेंगलुरु में फिल्म को 400 स्क्रीनों पर रिलीज किया गया। इस प्रकार यह उस समय की उच्च स्क्रीन वाली पहली तेलुगु फिल्म बन गई थी। फिल्म को 2020 में तमिल में उंगलुक्का और कन्नड़ में वीरा महर्षि और मलयालम में डब करके रिलीज किया गया था। फिलहाल हिंदी में इसका नाम महर्षि ही रखा गया था। फिल्म के सैटेलाइट अधिकार सन टीवी नेटवर्क द्वारा लगभग 250 मिलियन द्वारा खरीदे गए थे और तेलुगु संस्करण जेमिनी टीवी को 150 मिलियन में खरीदे गए बेच दिया गया था। इस फिल्म के अधिकार को फिल्म को तेलुगु संस्करण टेलीविजन प्रीमियर 6 अक्टूबर 2019 को दशहरा के अवसर पर जेमिनी टीवी पर इसका प्रीमियर हुआ था। टेलीविजन पर इसके प्रीमियर ने टारगेट रेटिंग पॉइंट्स टीआरपी रेटिंग 9.3 दर्ज की थी जबकि चैनल पर इसके 5वीं बार प्रीमियर ने 10.28 की टीआरपी रेटिंग दर्ज की थी और औसतन अन्य प्रीमियर की टीआरपी रेटिंग भी 4 से अधिक है। फिल्म के डिजिटल अधिकार अमेज़न प्राइम वीडियो द्वारा खरीदे गए थे लगभग 110 मिलियन द्वारा और इसका प्रीमियर फिल्म की नाटकीय रिलीज के 54 दिन बाद 3 जुलाई 2019 को किया गया था। फिल्म तमिल और कन्नड़ डब संस्करणों के साथ रिलीज हुई। सैटेलाइट अधिकार स्टार इंडिया द्वारा हासिल किए गए थे। फिल्म के तमिल कन्नड़ और मलयालम डब संस्करणों का प्रीमियर क्रमशः 18 अक्टूबर 2020 को स्टार विजय स्टार सुरोना और जी केरलम पर हुआ था। फिलहाल यह ऑफिशियली हिंदी में डब नहीं हुई है। बात करें स्टोरी की स्टोरी में आपको के ऋषि कुमार संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित एक समृद्ध कंपनी ओरिजिन के मुख्य कार्यकारी के रूप में देखने को मिलते हैं। उनको घोषित किया जाता है। वो अपनी माँ को अपने साथ रहने के लिए भारत से लाता है। निधि उसकी सहकर्मी उसे आश्चर्यचकित करने के लिए एक पार्टी का आयोजन करती है। इसमें बचपन के उसके दोस्त कन्ना और जो कुछ वर्षों से उससे नहीं मिले थे प्रोफेसर चंद्रशेखर और कॉलेज के दोस्त भी शामिल होंगे। कहानी वापस फ्लैक्स बैक में आती है यानी पीछे चली जाती है। 7 साल पहले ऋषि हैदराबाद के एक मध्यम वर्गीय एकल परिवार से थे। उनके पिता सत्यनारायण जो एक निजी निगम के कलर्क थे और उनकी कम कमाई के कारण कर्जा हो गया था। उसकी विफलता के कारण ऋषि के अपने पिता के साथ संबंध अच्छे नहीं थे। ऋषि ने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन पूरी करने के लिए वाजा की स्थिति का प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय IIT में दाखिला लिया और इसलिए उन्हें वहां जाना पड़ा। ऋषि उनके रूममेट रविशंकर पूजा सिया सभी सहपाठी होने के कारण सबसे अच्छे दोस्त बन जाते हैं और करीब एक गरीब किसान का बेटा है रवि और जैसे अपने बेटे के बारे में मासूम विमोद ने उसे अमेरिका में अच्छी कमाई वाली नौकरी पाने के लिए एक लक्ष्य के लिए प्रेरित किया है और वास्तव में दबाव भी डाला जाता है। उनका एक सहपाठी अजय ऋषि से ईर्ष्या करता है क्योंकि वह पढ़ाई में उसे आगे निकल गया होता है। आगे मूवी में क्या होता है मूवी में देख कर ही पता लगा। मूवी दोस्तों बहुत ही मूवी की स्टोरी भी बहुत ही बेहतरीन। आगे कई सारे ट्विस्ट देखने को मिलते हैं आपको इस मूवी में। इस मूवी को आप फ्री में देख सकते हैं डीजी पर हॉटस्टार पे अमेजन प्राइम वीडियो पर सब्सक्रिप्शन के साथ। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं महर्षि एक बेहतरीन मूवी थी महेश बाबू की जो कि 2019 में आई थी। तो यह महर्षि मूवी थी कैसी और मूवी का स्टोरी कैसा था एक्सप्लेन करने वाले हैं और कुछ इस मूवी से इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में बात करेंगे।
तो दोस्तों यह मूवी आई थी 2019 में और इस मूवी के डायरेक्टर थे वामसी पेड़पल्ली और इस मूवी को लिखा था वामसी पेड़पल्ली और दीन और अहिशोर सुलेमान द्वारा इस मूवी को लिखा गया था। इस मूवी के बजट की बात करते हैं तो जहां तक इस मूवी का बजट था 100 से लेकर 130 करोड़ तक का और इसमें बॉक्स ऑफिस पर 175 से लेकर 200 करोड़ की कमाई की थी। जैसे कि आप लोग जानते हैं ज़्यादातर महेश बाबू की मूवीज रिलीज होते ही ब्लॉकबस्टर हो जाती हैं क्योंकि इनकी मूवी बहुत ही बेहतरीन होती हैं और यह उन्हीं की एक एक्शन ड्रामा फिल्म थी। इस मूवी की कास्टिंग की बात करें तो इसमें आपको महेश बाबू अमेरिका स्थित व्यवसायी ऋषि के ऋषि कुमार के रूप में देखने को मिलते हैं। पूजा हेगड़े एज अ पूजा महालक्ष्मी ऋषि की गर्लफ्रेंड और रविशंकर के रूप में अल्लारी नरेश ऋषि के सबसे अच्छे दोस्त और जगपति बाबू आपको एज अ विवेक मित्तल यानी विलन के रूप में मुंबई बेस्ड एक बिजनेसमैन और त्रिविक्रम पूजा के दादा के रूप में कैकला सत्यनारायण और पूजा के नाना कस्तूरी राम के रूप में कोटा श्रीनिवास राव देखने को मिलते हैं। ऋषि के पिता सत्यनारायण के रूप में प्रकाश राज जयसुदा यशोदा के रूप में ऋषि की माँ और मीनाक्षी दीक्षित ऐसा निधि पल्लवी के रूप में अन्या रावी की प्रेमिका देखने को मिलती हैं। कुल मिलाकर मूवी बहुत बेहतरीन। इस मूवी में कई सारे लोग देखने को मिलते हैं और सहायक भूमिकाओं में। इस मूवी के साउंड ट्रैक की बात करें तो फिल्म का साउंड ट्रैक एल्बम और पश्चिमी संगीत देवी प्रसाद द्वारा तैयार किया गया था। संगीत सभी गीत श्री मणि द्वारा लिखे गए थे और पूरा साउंड ट्रैक एल्बम 1 मई 2019 को फिल्म के प्री रिलीज इवेंट पर जारी किया गया था जहाँ विभिन्न संगीत कलाकारों ने गाने प्रस्तुत किए थे। रिलीज की बात करें फिल्म मूल रूप से 25 अप्रैल 2019 को रिलीज होने वाली थी लेकिन 6 मार्च 2019 को दिल राजू ने घोषणा की कि पोस्ट प्रोडक्शन कार्य में देरी के कारण फिल्म को स्थगित कर दिया गया था। फिर 9 मई 2019 को नाटकीय रूप से मूवी को रिलीज किया गया था। माहिर ऋषि 8 मई 2019 को भारत में इसकी आधिकारिक रिलीज से एक दिन पहले संयुक्त राज्य अमेरिका में लगभग 2500 स्क्रीनों पर रिलीज हुई। बेंगलुरु में फिल्म को 400 स्क्रीनों पर रिलीज किया गया। इस प्रकार यह उस समय की उच्च स्क्रीन वाली पहली तेलुगु फिल्म बन गई थी। फिल्म को 2020 में तमिल में उंगलुक्का और कन्नड़ में वीरा महर्षि और मलयालम में डब करके रिलीज किया गया था। फिलहाल हिंदी में इसका नाम महर्षि ही रखा गया था। फिल्म के सैटेलाइट अधिकार सन टीवी नेटवर्क द्वारा लगभग 250 मिलियन द्वारा खरीदे गए थे और तेलुगु संस्करण जेमिनी टीवी को 150 मिलियन में खरीदे गए बेच दिया गया था। इस फिल्म के अधिकार को फिल्म को तेलुगु संस्करण टेलीविजन प्रीमियर 6 अक्टूबर 2019 को दशहरा के अवसर पर जेमिनी टीवी पर इसका प्रीमियर हुआ था। टेलीविजन पर इसके प्रीमियर ने टारगेट रेटिंग पॉइंट्स टीआरपी रेटिंग 9.3 दर्ज की थी जबकि चैनल पर इसके पांचवी बार प्रीमियर ने 10.28 की टीआरपी रेटिंग दर्ज की थी और औसतन अन्य प्रीमियर की टीआरपी रेटिंग भी 4 से अधिक है। फिल्म के डिजिटल अधिकार अमेज़न प्राइम वीडियो द्वारा खरीदे गए थे लगभग 110 मिलियन द्वारा और इसका प्रीमियर फिल्म की नाटकीय रिलीज के 54 दिन बाद 3 जुलाई 2019 को किया गया था। फिल्म तमिल और कन्नड़ डब संस्करणों के साथ रिलीज हुई। सैटेलाइट अधिकार स्टार इंडिया द्वारा हासिल किए गए थे। फिल्म के तमिल कन्नड़ और मलयालम डब संस्करणों का प्रीमियर क्रमशः 18 अक्टूबर 2020 को स्टार विजय स्टार सुरोना और जी केरलम पर हुआ था। फिलहाल यह ऑफिशियली हिंदी में डब नहीं हुई है। बात करें स्टोरी में आपको के ऋषि कुमार संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित एक समृद्ध कंपनी ओरिजिन के मुख्य कार्यकारी के रूप में देखने को मिलते हैं। उनको घोषित किया जाता है। वह अपनी मां को अपने साथ रहने के लिए भारत से लाता है। निधि उसकी सहकर्मी उसे आश्चर्यचकित करने के लिए एक पार्टी का आयोजन करती है। इसमें बचपन के उसके दोस्त कन्ना और जो कुछ वर्षों से उससे नहीं मिले थे प्रोफेसर चंद्रशेखर और कॉलेज के दोस्त भी शामिल होंगे। कहानी वापस फ्लैशबैक में आती है यानी पीछे चली जाती है। 7 साल पहले ऋषि हैदराबाद के एक मध्यम वर्गीय एकल परिवार से थे। उनके पिता सत्यनारायण जो एक निजी निगम के कलर्क थे और उनकी कम कमाई के कारण कर्जा हो गया था। उसकी विफलता के कारण ऋषि के उनके यानी अपने पिता के साथ संबंध अच्छे नहीं थे। ऋषि ने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन पूरी करने के लिए वाजा की स्थिति का प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय IIT में दाखिला लिया और इसलिए उन्हें वहां जाना पड़ा। ऋषि उनके रूममेट रविशंकर और पूजा सिया सभी सहपाठी होने के कारण सबसे अच्छे दोस्त बन जाते हैं और करीब एक गरीब किसान का बेटा है रवि और जैसे अपने बेटे के बारे में मासूम विमोदन ने उसे अमेरिका में अच्छी कमाई वाली नौकरी पाने के लिए एक लक्ष्य के लिए प्रेरित किया है और वास्तव में दबाव भी डाला जाता है। उनका एक सहपाठी अजय ऋषि से ईर्ष्या करता है क्योंकि वह पढ़ाई में उसे आगे निकल गया होता है। आगे मूवी में क्या होता है मूवी में देख कर ही पता लगा। मूवी दोस्तों बहुत ही मूवी की स्टोरी भी बहुत ही बेहतरीन आगे कई सारे ट्विस्ट देखने को मिलते हैं आपको इस मूवी में। इस मूवी को आप फ्री में देख सकते हैं डिजिटल हॉटस्टार पे अमेजन प्राइम वीडियो पर सब्सक्रिप्शन के साथ। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं महर्षि एक बेहतरीन मूवी थी महेश बाबू की जो कि 2019 में आई थी। तो यह महर्षि मूवी थी कैसी और मूवी का स्टोरी कैसा था एक्सप्लेन करने वाले हैं और कुछ इस मूवी से इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों यह मूवी आई थी 2019 में और इस मूवी के डायरेक्टर थे वामसी पेड़पल्ली
और इस मूवी को लिखा था वामसी पेडिपल्ली और दीन और अहिसोर सुलेमान द्वारा इस मूवी को लिखा गया था। इस मूवी के बजट की बात करते हैं तो जहां तक इस मूवी का बजट था 100 से लेकर 130 करोड़ तक का और इसमें बॉक्स ऑफिस 175 से लेकर 200 करोड़ की कमाई की थी। जैसे कि आप लोग जानते हैं ज़्यादातर महेश बाबू की मूवीज रिलीज होते ही ब्लॉकबस्टर हो जाती हैं क्योंकि इनकी मूवी बहुत ही बेहतरीन होती हैं और यह उन्हीं की एक एक्शन ड्रामा फिल्म थी। इस मूवी की कास्टिंग की बात करें तो इसमें आपको महेश बाबू अमेरिका स्थित व्यवसायी ऋषि के ऋषि कुमार के रूप में देखने को मिलते हैं। पूजा हेगड़े एज पूजा महालक्ष्मी ऋषि की गर्लफ्रेंड और रविशंकर के रूप में अल्लारी नरेश ऋषि के सबसे अच्छे दोस्त। और जगपति बाबू आपको एज विवेक मित्तल यानी विलन के रूप में मुंबई बेस्ड एक बिजनेसमैन और त्रिविक्रम पूजा के दादा के रूप में कैकला सत्यनारायण और पूजा के नाना कस्तूरी राम के रूप में कोटा श्रीनिवास राव देखने को मिलते हैं। ऋषि के पिता सत्यनारायण के रूप में प्रकाश राज जयसुदा यशोदा के रूप में ऋषि की माँ और मीनाक्षी दीक्षित ऐसा निधि पल्लवी के रूप में अन्या रावी की प्रेमिका देखने को मिलती हैं। कुल मिलाकर मूवी बहुत बेहतरीन है। इस मूवी में कई सारे लोग देखने को मिलते हैं और सहायक भूमिकाओं में। इस मूवी के साउंड ट्रैक की बात करें तो फिल्म का साउंड ट्रैक एल्बम और पश्चिमी संगीत देवी प्रसाद द्वारा तैयार किया गया था। संगीत सभी गीत श्री मणि द्वारा लिखे गए थे और पूरा साउंड ट्रैक एल्बम 1 मई 2019 को फिल्म के प्री रिलीज इवेंट पर जारी किया गया था जहाँ विभिन्न संगीत कलाकारों ने गाने प्रस्तुत किए थे। रिलीज की बात करें फिल्म मूल रूप से 25 अप्रैल 2019 को रिलीज होने वाली थी लेकिन 6 मार्च 2019 को दिल राजू ने घोषणा की कि पोस्ट प्रोडक्शन कार्य में देरी के कारण फिल्म को स्थगित कर दिया गया था। फिर 9 मई 2019 को नाटकीय रूप से मूवी को रिलीज किया गया था। माहिर ऋषि 8 मई 2019 को भारत में इसकी आधिकारिक रिलीज से एक दिन पहले संयुक्त राज्य अमेरिका में लगभग 2500 स्क्रीनों पर रिलीज हुई। बेंगलुरु में फिल्म को 400 स्क्रीनों पर रिलीज किया गया। इस प्रकार यह उस समय की उच्च स्क्रीन वाली पहली तेलुगु फिल्म बन गई थी। फिल्म को 2020 में तमिल में उंगलुक्का और कन्नड़ में वीरा महर्षि और मलयालम में डब करके रिलीज किया गया था। फिलहाल हिंदी में इसका नाम महर्षि ही रखा गया था। फिल्म के सैटेलाइट अधिकार सन टीवी नेटवर्क द्वारा लगभग 250 मिलियन द्वारा खरीदे गए थे और तेलुगु संस्करण जेमिनी टीवी को 150 मिलियन में खरीदे गए बेच दिया गया था। इस फिल्म के अधिकार को फिल्म को तेलुगु संस्करण टेलीविजन प्रीमियर 6 अक्टूबर 2019 को दशहरा के अवसर पर जेमिनी टीवी पर इसका प्रीमियर हुआ था। टेलीविजन पर इसके प्रीमियर ने टारगेट रेटिंग पॉइंट्स टीआरपी रेटिंग 9.3 दर्ज की थी जबकि चैनल पर इसके 5वीं बार प्रीमियर ने 10.28 की टीआरपी रेटिंग दर्ज की थी और औसतन अन्य प्रीमियर की टीआरपी रेटिंग भी 4 से अधिक है। फिल्म के डिजिटल अधिकार अमेजॉन प्राइम वीडियो द्वारा खरीदे गए थे लगभग 110 मिलियन द्वारा और इसका प्रीमियर फिल्म की नाटकीय रिलीज के 54 दिन बाद 3 जुलाई 2019 को किया गया था। फिल्म तमिल और कन्नड़ डब संस्करणों के साथ रिलीज हुई। सैटेलाइट अधिकार स्टार इंडिया द्वारा हासिल किए गए थे। फिल्म के तमिल कन्नड़ और मलयालम डब संस्करणों का प्रीमियर क्रमशः 18 अक्टूबर 2020 को स्टार विजय स्टार सुरोना और जी केरलम पर हुआ था। फिलहाल यह ऑफिशियली हिंदी में डब नहीं हुई है। बात करें स्टोरी में आपको के ऋषि कुमार संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित एक समृद्ध कंपनी ओरिजिन के मुख्य कार्यकारी के रूप में देखने को मिलते हैं। उनको घोषित किया जाता है। वह अपनी मां को अपने साथ रहने के लिए भारत से लाता है। निधि उसकी सहकर्मी उसे आश्चर्य करने के लिए एक पार्टी का आयोजन करती है। इसमें बचपन के उसके दोस्त कन्ना और जो कुछ वर्षों से उससे नहीं मिले थे प्रोफेसर चंद्रशेखर और कॉलेज के दोस्त भी शामिल होंगे। कहानी वापस फ्लैशबैक में आती है यानी पीछे चली जाती है। 7 साल पहले ऋषि हैदराबाद के एक मध्यम वर्गीय एकल परिवार से थे। उनके पिता सत्यनारायण जो एक निजी निगम के कलर्क थे और उनकी कम कमाई के कारण कर्जा हो गया था। उसकी विफलता के कारण ऋषि के उनके यानी अपने पिता के साथ संबंध अच्छे नहीं थे। ऋषि ने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन पूरी करने के लिए वाजा की स्थिति का प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय IIT में दाखिला लिया और इसलिए उन्हें वहां जाना पड़ा। ऋषि उनके रूममेट रविशंकर और पूजा सिया सभी सहपाठी होने के कारण सबसे अच्छे दोस्त बन जाते हैं और एक गरीब किसान का बेटा है रवि और जैसे अपने बेटे के बारे में मासूम विमोदन ने उसे अमेरिका में अच्छी कमाई वाली नौकरी पाने के लिए एक लक्ष्य के लिए प्रेरित किया है और वास्तव में दबाव भी डाला जाता है। उनका एक सहपाठी अजय ऋषि से ईर्ष्या करता है क्योंकि वह पढ़ाई में उसे आगे निकल गया होता है। आगे मूवी में क्या होता है मूवी में देख कर ही पता लगा। मूवी दोस्तों बहुत ही मूवी की स्टोरी भी बहुत ही बेहतरीन आगे कई सारे ट्विस्ट देखने को मिलते हैं आपको इस मूवी में। इस मूवी को आप फ्री में देख सकते हैं डीजी पर हॉटस्टार पे अमेजॉन प्राइम वीडियो पर सब्सक्रिप्शन के साथ। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं महर्षि एक बेहतरीन मूवी थी महेश बाबू की जो कि 2019 में आई थी। तो यह महर्षि मूवी थी कैसी और मूवी का स्टोरी कैसा था एक्सप्लेन करने वाले हैं और कुछ इस मूवी से इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों यह मूवी आई थी 2019 में और इस मूवी के डायरेक्टर थे वामसी पेडिपल्ली और
इस मूवी को लिखा था वामसी प्रपल्ली और दीन और अहिशोर सुलेमान द्वारा इस मूवी को लिखा गया था। इस मूवी के बजट की बात करते हैं तो जहां तक इस मूवी का बजट था 100 से लेकर 130 करोड़ तक का और इसमें बॉक्स ऑफिस 175 से लेकर 200 करोड़ की कमाई की थी। जैसे कि आप लोग जानते हैं ज़्यादातर महेश बाबू की मूवीज रिलीज होते ही ब्लॉकबस्टर हो जाती हैं क्योंकि इनकी मूवी बहुत ही बेहतरीन होती हैं और यह उन्हीं की एक एक्शन ड्रामा फिल्म थी। इस मूवी की कास्टिंग की बात करें तो इसमें आपको महेश बाबू अमेरिका स्थित व्यवसायी ऋषि कुमार के रूप में देखने को मिलते हैं। पूजा हेगड़े अच्छा पूजा महालक्ष्मी ऋषि की गर्लफ्रेंड और रविशंकर के रूप में अल्लारी नरेश ऋषि के सबसे अच्छे दोस्त और जगपति बाबू आपको ऐसे विवेक मित्तल यानी विलन के रूप में मुंबई बेल्ट एक बिजनेसमैन और त्रिविक्रम पूजा के दादा के रूप में कैकला सत्यनारायण और पूजा के नाना कस्तूरी राम के रूप में कोटा श्रीनिवास राव देखने को मिलते हैं। ऋषि के पिता सत्यनारायण के रूप में प्रकाश राज जयसुदा यशोदा के रूप में ऋषि की माँ और मीनाक्षी दीक्षित ऐसा निधि पल्लवी के रूप में अन्या रावी की प्रेमिका देखने को मिलती हैं। कुल मिलाकर मूवी बहुत बेहतरीन। इस मूवी में कई सारे लोग देखने को मिलते हैं और सहायक भूमिकाओं में। इस मूवी के साउंड ट्रैक की बात करें तो फिल्म का साउंड ट्रैक एल्बम और पश्चिमी संगीत देवी प्रसाद द्वारा तैयार किया गया था। संगीत सभी गीत श्री मणि द्वारा लिखे गए थे और पूरा साउंड ट्रैक एल्बम 1 मई 2019 को फिल्म के प्री रिलीज इवेंट पर जारी किया गया था जहाँ विभिन्न संगीत कलाकारों ने गाने प्रस्तुत किए थे। रिलीज की बात करें फिल्म मूल रूप से 25 अप्रैल 2019 को रिलीज होने वाली थी लेकिन 6 मार्च 2019 को दिल राजू ने घोषणा की कि पोस्ट प्रोडक्शन में देरी के कारण फिल्म को स्थगित कर दिया गया था। फिर 9 मई 2019 को नाटकीय रूप से मूवी को रिलीज किया गया था। महेश ऋषि 8 मई 2019 को भारत में इसकी आधिकारिक रिलीज से एक दिन पहले संयुक्त राज्य अमेरिका में लगभग 2500 स्क्रीनों पर रिलीज हुई। बेंगलुरु में फिल्म को 400 स्क्रीनों पर रिलीज किया गया। इस प्रकार यह उस समय की उच्च स्क्रीन वाली पहली तेलुगु फिल्म बन गई थी। फिल्म को 2020 में तमिल में पुंगलुक्का और कन्नड़ में वीरा महर्षि और मलयालम में डब करके रिलीज किया गया था। फिलहाल हिंदी में इसका नाम महर्षि ही रखा गया। फिल्म के सैटेलाइट अधिकार सन टीवी नेटवर्क द्वारा लगभग 250 मिलियन द्वारा खरीदे गए थे और तेलुगु संस्करण जेमिनी टीवी को 150 मिलियन में खरीदे गए बेच दिया गया था। इस फिल्म के अधिकार को फिल्म को तेलुगु संस्करण टेलीविजन प्रीमियर 6 अक्टूबर 2019 को दशहरा के अवसर पर जेमिनी टीवी पर इसका प्रीमियर हुआ था। टेलीविजन पर इसके प्रीमियर ने टारगेट रेटिंग पॉइंट्स टीआरपी रेटिंग 9.3 दर्ज की थी जबकि चैनल पर इसके पांचवी बार प्रीमियर ने 10.28 की टीआरपी रेटिंग दर्ज की थी और औसतन अन्य प्रीमियर की टीआरपी रेटिंग भी 4 से अधिक है। फिल्म के डिजिटल अधिकार अमेज़न प्राइम वीडियो द्वारा खरीदे गए थे लगभग 110 मिलियन द्वारा और इसका प्रीमियर फिल्म की नाटकीय रिलीज के 54 दिन बाद 3 जुलाई 2019 को किया गया था। फिल्म तमिल और कन्नड़ डब संस्करणों के साथ रिलीज हुई। सैटेलाइट अधिकार स्टार इंडिया द्वारा हासिल किए गए थे। फिल्म के तमिल कन्नड़ और मलयालम डब संस्करणों का प्रीमियर क्रमशः 18 अक्टूबर 2020 को स्टार विजय स्टार सुरोना और जी केरलम पर हुआ था। फिलहाल यह ऑफिशियली हिंदी में डब नहीं हुई है। बात करें स्टोरी में आपको के ऋषि कुमार संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित एक समृद्ध कंपनी ओरिजिन के मुख्य कार्यकारी के रूप में देखने को मिलते हैं। उनको घोषित किया जाता है। वह अपनी माँ को अपने साथ रहने के लिए भारत से लाता है। निधि उसकी सहकर्मी उसे आश्चर्य करने के लिए एक पार्टी का आयोजन करती है। इसमें बचपन के उसके दोस्त कन्ना और जो कुछ वर्षों से उससे नहीं मिले थे प्रोफेसर चंद्रशेखर और कॉलेज के दोस्त भी शामिल होंगे। कहानी वापस फ्लैशबैक में आती है यानी पीछे चली जाती है। 7 साल पहले ऋषि हैदराबाद के एक मध्यम वर्गीय एकल परिवार से थे। उनके पिता सत्यनारायण जो एक निजी निगम के क्लर्क थे और उनकी कम कमाई के कारण कर्जा हो गया था। उसकी विफलता के कारण ऋषि के उनके यानी अपने पिता के साथ संबंध अच्छे नहीं थे। ऋषि ने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन पूरी करने के लिए वाजा की स्थिति का प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय IIT में दाखिला लिया और इसलिए उन्हें वहाँ जाना पड़ा। ऋषि उनके रूममेट रविशंकर और पूजा सिया सभी सहपाठी होने के कारण सबसे अच्छे दोस्त बन जाते हैं और एक गरीब किसान का बेटा है रवि और जैसे अपने बेटे के बारे में मासूम विमोदन ने उसे अमेरिका में अच्छी कमाई वाली नौकरी पाने के लिए एक लक्ष्य के लिए प्रेरित किया है और वास्तव में दबाव भी डाला जाता है। उनका एक सहपाठी अजय ऋषि से ईर्ष्या करता है क्योंकि वह पढ़ाई में उसे आगे निकल गया होता है। आगे मूवी में क्या होता है मूवी में देख कर ही पता लगा। मूवी दोस्तों बहुत ही मूवी की स्टोरी भी बहुत ही बेहतरीन आगे कई सारे ट्विस्ट देखने को मिलते हैं आपको इस मूवी में। इस मूवी को आप फ्री में देख सकते हैं डिजी पर हॉटस्टार पर अमेजन प्राइम वीडियो पर सब्सक्रिप्शन के साथ। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं महर्षि एक बेहतरीन मूवी थी महेश बाबू की जो कि 2019 में आई थी। तो यह महर्षि मूवी थी कैसी और मूवी का स्टोरी कैसा था एक्सप्लेन करने वाले हैं और कुछ इस मूवी से इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों यह मूवी आई थी 2019 में और इस मूवी के डायरेक्टर थे वामसी प्रपल्ली और
इस मूवी को लिखा था वामसी प्रपल्ली और दीन और अहिसोर सुलेमान द्वारा इस मूवी को लिखा गया था। इस मूवी के बजट की बात करते हैं तो जहां तक इस मूवी का बजट था 100 से लेकर 130 करोड़ तक का और इसमें बॉक्स ऑफिस 175 से लेकर 200 करोड़ की कमाई की थी। जैसे कि आप लोग जानते हैं ज़्यादातर महेश बाबू की मूवीज रिलीज होते ही ब्लॉकबस्टर हो जाती हैं क्योंकि इनकी मूवी बहुत ही बेहतरीन होती हैं और यह उन्हीं की एक एक्शन ड्रामा फिल्म थी। इस मूवी की कास्टिंग की बात करें तो इसमें आपको महेश बाबू अमेरिका स्थित व्यवसायी ऋषि कुमार के रूप में देखने को मिलते हैं। पूजा हेगड़े अच्छा पूजा महालक्ष्मी ऋषि की गर्लफ्रेंड और रविशंकर के रूप में अल्लारी नरेश ऋषि के सबसे अच्छे दोस्त और जगपति बाबू आपको अच्छा विवेक मित्तल यानी विलन के रूप में मुंबई बेल्ट एक बिजनेसमैन और त्रिविक्रम पूजा के दादा के रूप में कैकला सत्यनारायण और पूजा के नाना कस्तूरी राम के रूप में कोटा श्रीनिवास राव देखने को मिलते हैं। ऋषि के पिता सत्यनारायण के रूप में प्रकाश राज जयसुदा यशोदा के रूप में ऋषि की माँ और मीनाक्षी दीक्षित ऐसा निधि पल्लवी के रूप में अन्य रावी की प्रेमिका देखने को मिलती हैं। कुल मिलाकर मूवी बहुत बेहतरीन इस मूवी में कई सारे लोग देखने को मिलते हैं और सहायक भूमिकाओं में। इस मूवी के साउंड ट्रैक की बात करें तो फिल्म का साउंड ट्रैक एल्बम और पश्चिमी संगीत देवी प्रसाद द्वारा तैयार किया गया था। संगीत सभी गीत श्री मणि द्वारा लिखे गए थे और पूरा साउंड ट्रैक एल्बम 1 मई 2019 को फिल्म के प्री रिलीज इवेंट पर जारी किया गया था जहाँ विभिन्न संगीत कलाकारों ने गाने प्रस्तुत किए थे। रिलीज की बात करें फिल्म मूल रूप से 25 फरवरी 2019 को रिलीज होने वाली थी लेकिन 6 मार्च 2019 को दिल राजू ने घोषणा की कि पोस्ट प्रोडक्शन कार्य में देरी के कारण फिल्म को स्थगित कर दिया गया था। फिर 9 मई 2019 को नाटकीय रूप से मूवी को रिलीज किया गया था। महर्षि 8 मई 2019 को भारत में इसकी आधिकारिक रिलीज से एक दिन पहले संयुक्त राज्य अमेरिका में लगभग 2500 स्क्रीनों पर रिलीज हुई। बेंगलुरु में फिल्म को 400 स्क्रीनों पर रिलीज किया गया। इस प्रकार यह उस समय की उच्च स्क्रीन वाली पहली तेलुगु फिल्म बन गई थी। फिल्म को 2020 में तमिल में पुंगलुक्का और कन्नड़ में वीरा महर्षि और मलयालम में डब करके रिलीज किया गया था। फिलहाल हिंदी में इसका नाम महर्षि ही रखा गया था। फिल्म के सैटेलाइट अधिकार सन टीवी नेटवर्क द्वारा लगभग 250 मिलियन द्वारा खरीदे गए थे और तेलुगु संस्करण जेमिनी टीवी को 150 मिलियन में खरीदे गए बेच दिया गया था। इस फिल्म के अधिकार को फिल्म को तेलुगु संस्करण टेलीविजन प्रीमियर 6 अक्टूबर 2019 को दशहरा के अवसर पर जेमिनी टीवी पर इसका प्रीमियर हुआ था। टेलीविजन पर इसके प्रीमियर ने टारगेट रेटिंग पॉइंट्स TRP रेटिंग 9.3 दर्ज की थी जबकि चैनल पर इसके 5वीं बार प्रीमियर ने 10.28 की TRP रेटिंग दर्ज की थी और औसतन अन्य प्रीमियर की TRP रेटिंग भी 4 से अधिक है। फिल्म के डिजिटल अधिकार Amazon प्राइम वीडियो द्वारा खरीदे गए थे लगभग 110 मिलियन द्वारा और इसका प्रीमियर फिल्म की नाटकीय रिलीज के 54 दिन बाद 3 जुलाई 2019 को किया गया था। फिल्म तमिल और कन्नड़ डब संस्करणों के साथ रिलीज हुई। सैटेलाइट अधिकार स्टार इंडिया द्वारा हासिल किए गए थे। फिल्म के तमिल कन्नड़ और मलयालम डब संस्करणों का प्रीमियर क्रमशः 18 अक्टूबर 2020 को स्टार विजय स्टार सुरोना और जी केरलम पर हुआ था। फिलहाल यह ऑफिशियली हिंदी में डब नहीं हुई है। बात करें इसमें स्टोरी में आपको केरीसी कुमार संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित एक समृद्ध कंपनी ओरिजिन के मुख्य कार्यकारी के रूप में देखने को मिलते हैं। उनको घोषित किया जाता है। वह अपनी माँ को अपने साथ रहने के लिए भारत से लाता है। निधि उसकी सहकर्मी उसे आश्चर्यित करने के लिए एक पार्टी का आयोजन करती है। इसमें बचपन के उसके दोस्त कन्ना और जो कुछ वर्षों से उससे नहीं मिले थे प्रोफेसर चंद्रशेखर और कॉलेज के दोस्त भी शामिल होंगे। कहानी वापस फ्लैशबैक में आती है यानी पीछे चली जाती है। 7 साल पहले ऋषि हैदराबाद के एक मध्यम वर्गीय एकल परिवार से थे। उनके पिता सत्यनारायण जो एक निजी निगम के क्लर्क थे और उनकी कम कमाई के कारण कर्जा हो गया था। उसकी विफलता के कारण ऋषि के उनके यानी अपने पिता के साथ संबंध अच्छे नहीं थे। ऋषि ने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन पूरी करने के लिए बाजार की स्थिति का प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय IIT में दाखिला लिया और इसलिए उन्हें वहां जाना पड़ा। ऋषि उनके रूममेट रविशंकर और पूजा सिया सभी सहपाठी होने के कारण सबसे अच्छे दोस्त बन जाते हैं और एक गरीब किसान का बेटा है रवि और जैसे अपने बेटे के बारे में मासूम विमोदन ने उसे अमेरिका में अच्छी कमाई वाली नौकरी पाने के लिए एक लक्ष्य के लिए प्रेरित किया है और वास्तव में दबाव भी डाला जाता है। उनका एक सहपाठी अजय ऋषि से ईर्ष्या करता है क्योंकि वह पढ़ाई में उसे आगे निकल गया होता है। आगे मूवी में क्या होता है मूवी में देख कर ही पता लगा। मूवी दोस्तों बहुत ही मूवी की स्टोरी भी बहुत ही बेहतरीन आगे कई सारे ट्विस्ट देखने को मिलते हैं आपको इस मूवी में। इस मूवी को आप फ्री में देख सकते हैं डिजी पर हॉटस्टार पर अमेजॉन प्राइम वीडियो पर सब्सक्रिप्शन के साथ। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं महर्षि एक बेहतरीन मूवी थी महेश बाबू की जो कि 2019 में आई थी। तो यह महर्षि मूवी थी कैसी और मूवी का स्टोरी कैसा था एक्सप्लेन करने वाले हैं और कुछ इस मूवी से इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों यह मूवी आई थी 2019 में और इस मूवी के डायरेक्टर थे वामसी प्रपल्ली और
इस मूवी को लिखा था वामसी पिडिप्पली और दीन और अहिसोर सुलेमान द्वारा इस मूवी को लिखा गया था। इस मूवी के बजट की बात करते हैं तो जहां तक इस मूवी का बजट था 100 से लेकर 130 करोड़ तक का और इसमें बॉक्स ऑफिस 175 से लेकर 200 करोड़ की कमाई की थी। जैसे कि आप लोग जानते हैं ज़्यादातर महेश बाबू की मूवीज रिलीज होते ही ब्लॉकबस्टर हो जाती हैं क्योंकि इनकी मूवी बहुत ही बेहतरीन होती हैं और यह उन्हीं की एक एक्शन ड्रामा फिल्म थी। इस मूवी की कास्टिंग की बात करें तो इसमें आपको महेश बाबू अमेरिका स्थित व्यवसायी ऋषि के ऋषि कुमार के रूप में देखने को मिलते हैं। पूजा हेगड़े राजा पूजा महालक्ष्मी ऋषि की गर्लफ्रेंड और रविशंकर के रूप में अल्लारी नरेश ऋषि के सबसे अच्छे दोस्त और जगपति बाबू आपको एज ए विवेक मित्तल यानी विलन के रूप में मुंबई बेल्ट एक बिजनेसमैन और त्रिविक्रम पूजा के दादा के रूप में कैकला सत्यनारायण और पूजा के नाना कस्तूरी राम के रूप में कोटा श्रीनिवास राव देखने को मिलते हैं। ऋषि के पिता सत्यनारायण के रूप में प्रकाश राज जयसुदा यशोदा के रूप में ऋषि की माँ और मीनाक्षी दीक्षित ऐसा निधि पल्लवी के रूप में अन्य रावी की प्रेमिका देखने को मिलती हैं। कुल मिलाकर मूवी बहुत बेहतरीन। इस मूवी में कई सारे लोग देखने को मिलते हैं और सहायक भूमिकाओं में। इस मूवी के साउंड ट्रैक की बात करें तो फिल्म का साउंड ट्रैक एल्बम और पश्चिमी संगीत देवी प्रसाद द्वारा तैयार किया गया था। संगीत सभी गीत श्री मणि द्वारा लिखे गए थे और पूरा साउंड ट्रैक एल्बम 1 मई 2019 को फिल्म के प्री रिलीज इवेंट पर जारी किया गया था जहाँ विभिन्न संगीत कलाकारों ने गाने प्रस्तुत किए थे। रिलीज की बात करें फिल्म मूल रूप से 25 अप्रैल 2019 को रिलीज होने वाली थी लेकिन 6 मार्च 2019 को दिल राजू ने घोषणा की कि पोस्ट प्रोडक्शन कार्य में देरी के कारण फिल्म को स्थगित कर दिया गया था। फिर 9 मई 2019 को नाटकीय रूप से मूवी को रिलीज किया गया था। माही ऋषि 8 मई 2019 को भारत में इसकी आधिकारिक रिलीज से एक दिन पहले संयुक्त राज्य अमेरिका में लगभग 2500 स्क्रीनों पर रिलीज हुई। बेंगलुरु में फिल्म को 400 स्क्रीनों पर रिलीज किया गया। इस प्रकार यह उस समय की उच्च स्क्रीन वाली पहली तेलुगु फिल्म बन गई थी। फिल्म को 2020 में तमिल में उंगलुक्का और कन्नड़ में वीरा महर्षि और मलयालम में डब करके रिलीज किया गया था। फिलहाल हिंदी में इसका नाम महर्षि ही रखा गया था। फिल्म के सैटेलाइट अधिकार सन टीवी नेटवर्क द्वारा लगभग 250 मिलियन द्वारा खरीदे गए थे और तेलुगु संस्करण जेमिनी टीवी को 150 मिलियन में खरीदे गए बेच दिया गया था। इस फिल्म के अधिकार को फिल्म को तेलुगु संस्करण टेलीविजन प्रीमियर 6 अक्टूबर 2019 को दशहरा के अवसर पर जेमिनी टीवी पर इसका प्रीमियर हुआ था। टेलीविजन पर इसके प्रीमियर ने टारगेट रेटिंग पॉइंट्स टीआरपी रेटिंग 9.3 दर्ज की थी जबकि चैनल पर इसके 5वीं बार प्रीमियर ने 10.28 की टीआरपी रेटिंग दर्ज की थी और औसतन अन्य प्रीमियर की टीआरपी रेटिंग भी 4 से अधिक है। फिल्म के डिजिटल अधिकार अमेज़न प्राइम वीडियो द्वारा खरीदे गए थे लगभग 110 मिलियन द्वारा और इसका प्रीमियर फिल्म की नाटकीय रिलीज के 54 दिन बाद 3 जुलाई 2019 को किया गया था। फिल्म तमिल और कन्नड़ डब संस्करणों के साथ रिलीज हुई। सैटेलाइट अधिकार स्टार इंडिया द्वारा हासिल किए गए थे। फिल्म के तमिल कन्नड़ और मलयालम डब संस्करणों का प्रीमियर क्रमशः 18 अक्टूबर 2020 को स्टार विजय स्टार सुरोना और जी केरलम पर हुआ था। फिलहाल यह ऑफिशियली हिंदी में डब नहीं हुई है। बात करें स्टोरी में आपको के ऋषि कुमार संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित एक समृद्ध कंपनी ओरिजिन के मुख्य कार्यकारी के रूप में देखने को मिलते हैं। उनको घोषित किया जाता है। वह अपनी मां को अपने साथ रहने के लिए भारत से लाता है। निधि उसकी सहकर्मी उसे आश्चर्यित करने के लिए एक पार्टी का आयोजन करती है। इसमें बचपन के उसके दोस्त कन्ना और जो कुछ वर्षों से उससे नहीं मिले थे प्रोफेसर चंद्रशेखर और कॉलेज के दोस्त भी शामिल होंगे। कहानी वापस फ्लैशबैक में आती है यानी पीछे चली जाती है। 7 साल पहले ऋषि हैदराबाद के एक मध्यम वर्गीय एकल परिवार से थे। उनके पिता सत्यनारायण जो एक निजी निगम के क्लर्क थे और उनकी कम कमाई के कारण कर्जा हो गया था। उसकी विफलता के कारण ऋषि के अपने पिता के साथ संबंध अच्छे नहीं थे। ऋषि ने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन पूरी करने के लिए वाजा की स्थिति का प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय IIT में दाखिला लिया और इसलिए उन्हें वहां जाना पड़ा। ऋषि उनके रूममेट रविशंकर पूजा सिया सभी सहपाठी होने के कारण सबसे अच्छे दोस्त बन जाते हैं और करीब एक गरीब किसान का बेटा है रवि और जैसे अपने बेटे के बारे में मासूम विमोद ने उसे अमेरिका में अच्छी कमाई वाली नौकरी पाने के लिए एक लक्ष्य के लिए प्रेरित किया है और वास्तव में दबाव भी डाला जाता है। उनका एक सहपाठी अजय ऋषि से ईर्ष्या करता है क्योंकि वह पढ़ाई में उसे आगे निकल गया होता है। आगे मूवी में क्या होता है मूवी में देखकर ही पता लगा। मूवी दोस्तों बहुत ही मूवी की स्टोरी भी बहुत ही बेहतरीन आगे कई सारे ट्विस्ट देखने को मिलते हैं आपको इस मूवी में। इस मूवी को आप फ्री में देख सकते हैं डीजी पर हॉटस्टार पे अमेजन प्राइम वीडियो पर सब्सक्रिप्शन के साथ। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं महर्षि एक बेहतरीन मूवी थी महेश बाबू की जो कि 2019 में आई थी। तो यह महर्षि मूवी थी कैसी और मूवी का स्टोरी कैसा था एक्सप्लेन करने वाले हैं और कुछ इस मूवी से इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों यह मूवी आई थी 2019 में और इस मूवी के डायरेक्टर थे वामसी पिडिप्पली
और इस मूवी को लिखा था वामसी पेड़पल्ली और दीन और अहिसोर सुलेमान द्वारा इस मूवी को लिखा गया था। इस मूवी के बजट की बात करते हैं तो जहां तक इस मूवी का बजट था 100 से लेकर 130 करोड़ तक का, और इसमें बॉक्स ऑफिस पर 175 से लेकर 200 करोड़ की कमाई की थी। जैसे कि आप लोग जानते हैं ज़्यादातर महेश बाबू की मूवीज रिलीज होते ही ब्लॉकबस्टर हो जाती हैं, क्योंकि इनकी मूवी बहुत ही बेहतरीन होती हैं और यह उन्हीं की एक एक्शन ड्रामा फिल्म थी। इस मूवी की कास्टिंग की बात करें तो इसमें आपको महेश बाबू अमेरिका स्थित व्यवसायी ऋषि के ऋषि कुमार के रूप में देखने को मिलते हैं। पूजा हेगड़े राजा पूजा महालक्ष्मी ऋषि की गर्लफ्रेंड, और रविशंकर के रूप में अल्लारी नरेश ऋषि के सबसे अच्छे दोस्त, और जगपति बाबू आपको एज ए विवेक मित्तल यानी विलन के रूप में मुंबई बेल्ट एक बिजनेसमैन, और त्रिविक्रम पूजा के दादा के रूप में कैकला सत्यनारायण, और पूजा के नाना कस्तूरी राम के रूप में कोटा श्रीनिवास राव देखने को मिलते हैं। ऋषि के पिता सत्यनारायण के रूप में प्रकाश राज, यशोदा यशोदा के रूप में ऋषि की माँ, और मीनाक्षी दीक्षित ऐसा निधि पल्लवी के रूप में अन्या रावी की प्रेमिका देखने को मिलती हैं। कुल मिलाकर मूवी बहुत बेहतरीन, इस मूवी में कई सारे लोग देखने को मिलते हैं और सहायक भूमिकाओं में। इस मूवी के साउंड ट्रैक की बात करें तो फिल्म का साउंड ट्रैक एल्बम और पश्चिमी संगीत देवी प्रसाद द्वारा तैयार किया गया था। संगीत सभी गीत श्री मणि द्वारा लिखे गए थे, और पूरा साउंड ट्रैक एल्बम 1 मई 2019 को फिल्म के प्री रिलीज इवेंट पर जारी किया गया था, जहाँ विभिन्न संगीत कलाकारों ने गाने प्रस्तुत किए थे। रिलीज की बात करें, फिल्म मूल रूप से 25 अप्रैल 2019 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन 6 मार्च 2019 को दिल राजू ने घोषणा की कि पोस्ट प्रोडक्शन कार्य में देरी के कारण फिल्म को स्थगित कर दिया गया था। फिर 9 मई 2019 को नाटकीय रूप से मूवी को रिलीज किया गया था। माहिर ऋषि 8 मई 2019 को भारत में इसकी आधिकारिक रिलीज से एक दिन पहले संयुक्त राज्य अमेरिका में लगभग 2500 स्क्रीनों पर रिलीज हुई। बेंगलुरु में फिल्म को 400 स्क्रीनों पर रिलीज किया गया। इस प्रकार यह उस समय की उच्च स्क्रीन वाली पहली तेलुगु फिल्म बन गई थी। फिल्म को 2020 में तमिल में उंगलुक्का और कन्नड़ में वीरा महर्षि और मलयालम में डब करके रिलीज किया गया था। फिलहाल हिंदी में इसका नाम महर्षि ही रखा गया था। फिल्म के सैटेलाइट अधिकार सन टीवी नेटवर्क द्वारा लगभग 250 मिलियन द्वारा खरीदे गए थे, और तेलुगु संस्करण जेमिनी टीवी को 150 मिलियन में खरीदे गए बेच दिया गया था। इस फिल्म के अधिकार को फिल्म को तेलुगु संस्करण टेलीविजन प्रीमियर 6 अक्टूबर 2019 को दशहरा के अवसर पर जेमिनी टीवी पर इसका प्रीमियर हुआ था। टेलीविजन पर इसके प्रीमियर ने टारगेट रेटिंग पॉइंट्स टीआरपी रेटिंग 9.3 दर्ज की थी, जबकि चैनल पर इसके 5वीं बार प्रीमियर ने 10.28 की टीआरपी रेटिंग दर्ज की थी, और औसतन अन्य प्रीमियर की टीआरपी रेटिंग भी 4 से अधिक है। फिल्म के डिजिटल अधिकार अमेज़न प्राइम वीडियो द्वारा खरीदे गए थे लगभग 110 मिलियन द्वारा, और इसका प्रीमियर फिल्म की नाटकीय रिलीज के 54 दिन बाद 3 जुलाई 2019 को किया गया था। फिल्म तमिल और कन्नड़ डब संस्करणों के साथ रिलीज हुई। सैटेलाइट अधिकार स्टार इंडिया द्वारा हासिल किए गए थे। फिल्म के तमिल कन्नड़ और मलयालम डब संस्करणों का प्रीमियर क्रमशः 18 अक्टूबर 2020 को स्टार विजय, स्टार सुरोना और जी केरलम पर हुआ था। फिलहाल यह ऑफिशियली हिंदी में डब नहीं हुई है। बात करें स्टोरी में आपको के ऋषि कुमार संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित एक समृद्ध कंपनी ओरिजिन के मुख्य कार्यकारी के रूप में देखने को मिलते हैं। उनको घोषित किया जाता है। वो अपनी माँ को अपने साथ रहने के लिए भारत से लाता है। निधि उसकी सहकर्मी उसे आश्चर्यचकित करने के लिए एक पार्टी का आयोजन करती है। इसमें बचपन के उसके दोस्त कन्ना और जो कुछ वर्षों से उससे नहीं मिले थे प्रोफेसर चंद्रशेखर और कॉलेज के दोस्त भी शामिल होंगे। कहानी वापस फ्लैक्स बैक में आती है, यानी पीछे चली जाती है। 7 साल पहले ऋषि हैदराबाद के एक मध्यम वर्गीय एकल परिवार से थे। उनके पिता सत्यनारायण जो एक निजी निगम के कलर्क थे और उनकी कम कमाई के कारण कर्जा हो गया था। उसकी विफलता के कारण ऋषि के अपने पिता के साथ संबंध अच्छे नहीं थे। ऋषि ने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन पूरी करने के लिए वाजा की स्थिति का प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय IIT में दाखिला लिया, और इसलिए उन्हें वहां जाना पड़ा। ऋषि उनके रूममेट रविशंकर पूजा सिया सभी सहपाठी होने के कारण सबसे अच्छे दोस्त बन जाते हैं, और करीब एक गरीब किसान का बेटा है रवि, और जैसे अपने बेटे के बारे में मासूम विमोदन ने उसे अमेरिका में अच्छी कमाई वाली नौकरी पाने के लिए एक लक्ष्य के लिए प्रेरित किया है, और वास्तव में दबाव भी डाला जाता है। उनका एक सहपाठी अजय ऋषि से ईर्ष्या करता है क्योंकि वह पढ़ाई में उसे आगे निकल गया होता है। आगे मूवी में क्या होता है मूवी में देख कर ही पता लगा। मूवी दोस्तों बहुत ही, मूवी की स्टोरी भी बहुत ही बेहतरीन, आगे कई सारे ट्विस्ट देखने को मिलते हैं आपको इस मूवी में। इस मूवी को आप फ्री में देख सकते हैं डीजी पर, हॉटस्टार पे, अमेजॉन प्राइम वीडियो पर सब्सक्रिप्शन के साथ। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं महर्षि एक बेहतरीन मूवी थी महेश बाबू की, जो कि 2019 में आई थी। तो यह महर्षि मूवी थी कैसी और मूवी का स्टोरी कैसा था एक्सप्लेन करने वाले हैं, और कुछ इस मूवी से इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों यह मूवी आई थी 2019 में, और इस मूवी के डायरेक्टर थे वामसी पेड़पल्ली,
और इस मूवी को लिखा था वामसी पेड़पल्ली और दीन और अहिसोर सुलेमान द्वारा इस मूवी को लिखा गया था। इस मूवी के बजट की बात करते हैं तो जहां तक इस मूवी का बजट था 100 से लेकर 130 करोड़ तक का, और इसमें बॉक्स ऑफिस 175 से लेकर 200 करोड़ की कमाई की थी। जैसे कि आप लोग जानते हैं ज़्यादातर महेश बाबू की मूवीज रिलीज होते ही ब्लॉकबस्टर हो जाती हैं, क्योंकि इनकी मूवी बहुत ही बेहतरीन होती हैं और यह उन्हीं की एक एक्शन ड्रामा फिल्म थी। इस मूवी की कास्टिंग की बात करें तो इसमें आपको महेश बाबू अमेरिका स्थित व्यवसायी ऋषि के ऋषि कुमार के रूप में देखने को मिलते हैं। पूजा हेगड़े एज अ पूजा महालक्ष्मी ऋषि की गर्लफ्रेंड, और रविशंकर के रूप में अल्लारी नरेश ऋषि के सबसे अच्छे दोस्त, और जगपति बाबू आपको एज अ विवेक मित्तल यानी विलन के रूप में मुंबई बेस्ड एक बिजनेसमैन, और त्रिविक्रम पूजा के दादा के रूप में कैकला सत्यनारायण और पूजा के नाना कस्तूरी राम के रूप में कोटा श्रीनिवास राव देखने को मिलते हैं। ऋषि के पिता सत्यनारायण के रूप में प्रकाश राज, जयसुदा यशोदा के रूप में ऋषि की माँ, और मीनाक्षी दीक्षित ऐसा निधि पल्लवी के रूप में अन्या रावी की प्रेमिका देखने को मिलती हैं। कुल मिलाकर मूवी बहुत बेहतरीन, इस मूवी में कई सारे लोग देखने को मिलते हैं और सहायक भूमिकाओं में। इस मूवी के साउंड ट्रैक की बात करें तो फिल्म का साउंड ट्रैक एल्बम और पश्चिमी संगीत देवी प्रसाद द्वारा तैयार किया गया था। संगीत सभी गीत श्री मणि द्वारा लिखे गए थे, और पूरा साउंड ट्रैक एल्बम 1 मई 2019 को फिल्म के प्री रिलीज इवेंट पर जारी किया गया था, जहाँ विभिन्न संगीत कलाकारों ने गाने प्रस्तुत किए थे। रिलीज की बात करें, फिल्म मूल रूप से 25 अप्रैल 2019 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन 6 मार्च 2019 को दिल राजू ने घोषणा की कि पोस्ट प्रोडक्शन कार्य में देरी के कारण फिल्म को स्थगित कर दिया गया था। फिर 9 मई 2019 को नाटकीय रूप से मूवी को रिलीज किया गया था। माहिर ऋषि 8 मई 2019 को भारत में इसकी आधिकारिक रिलीज से एक दिन पहले संयुक्त राज्य अमेरिका में लगभग 2500 स्क्रीनों पर रिलीज हुई। बेंगलुरु में फिल्म को 400 स्क्रीनों पर रिलीज किया गया। इस प्रकार यह उस समय की उच्च स्क्रीन वाली पहली तेलुगु फिल्म बन गई थी। फिल्म को 2020 में तमिल में उंगलुक्का और कन्नड़ में वीरा महर्षि और मलयालम में डब करके रिलीज किया गया था। फिलहाल हिंदी में इसका नाम महर्षि ही रखा गया था। फिल्म के सैटेलाइट अधिकार सन टीवी नेटवर्क द्वारा लगभग 250 मिलियन द्वारा खरीदे गए थे, और तेलुगु संस्करण जेमिनी टीवी को 150 मिलियन में खरीदे गए बेच दिया गया था। इस फिल्म के अधिकार को फिल्म को तेलुगु संस्करण टेलीविजन प्रीमियर 6 अक्टूबर 2019 को दशहरा के अवसर पर जेमिनी टीवी पर इसका प्रीमियर हुआ था। टेलीविजन पर इसके प्रीमियर ने टारगेट रेटिंग पॉइंट्स टीआरपी रेटिंग 9.3 दर्ज की थी, जबकि चैनल पर इसके 5वीं बार प्रीमियर ने 10.28 की टीआरपी रेटिंग दर्ज की थी, और औसतन अन्य प्रीमियर की टीआरपी रेटिंग भी 4 से अधिक है। फिल्म के डिजिटल अधिकार अमेज़न प्राइम वीडियो द्वारा खरीदे गए थे लगभग 110 मिलियन द्वारा, और इसका प्रीमियर फिल्म की नाटकीय रिलीज के 54 दिन बाद 3 जुलाई 2019 को किया गया था। फिल्म तमिल और कन्नड़ डब संस्करणों के साथ रिलीज हुई। सैटेलाइट अधिकार स्टार इंडिया द्वारा हासिल किए गए थे। फिल्म के तमिल कन्नड़ और मलयालम डब संस्करणों का प्रीमियर क्रमशः 18 अक्टूबर 2020 को स्टार विजय, स्टार सुरोना और जी केरलम पर हुआ था। फिलहाल यह ऑफिशियली हिंदी में डब नहीं हुई है। बात करें स्टोरी में आपको के ऋषि कुमार संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित एक समृद्ध कंपनी ओरिजिन के मुख्य कार्यकारी के रूप में देखने को मिलते हैं। उनको घोषित किया जाता है। वह अपनी मां को अपने साथ रहने के लिए भारत से लाता है। निधि उसकी सहकर्मी उसे आश्चर्यचकित करने के लिए एक पार्टी का आयोजन करती है। इसमें बचपन के उसके दोस्त कन्ना और जो कुछ वर्षों से उससे नहीं मिले थे प्रोफेसर चंद्रशेखर और कॉलेज के दोस्त भी शामिल होंगे। कहानी वापस फ्लैशबैक में आती है, यानी पीछे चली जाती है। 7 साल पहले ऋषि हैदराबाद के एक मध्यम वर्गीय एकल परिवार से थे। उनके पिता सत्यनारायण जो एक निजी निगम के कलर्क थे और उनकी कम कमाई के कारण कर्जा हो गया था। उसकी विफलता के कारण ऋषि के उनके यानी अपने पिता के साथ संबंध अच्छे नहीं थे। ऋषि ने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन पूरी करने के लिए वाजा की स्थिति का प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय IIT में दाखिला लिया, और इसलिए उन्हें वहां जाना पड़ा। ऋषि उनके रूममेट रविशंकर और पूजा सिया सभी सहपाठी होने के कारण सबसे अच्छे दोस्त बन जाते हैं। और करीब एक गरीब किसान का बेटा है रवि, और जैसे अपने बेटे के बारे में मासूम विमोदन ने उसे अमेरिका में अच्छी कमाई वाली नौकरी पाने के लिए एक लक्ष्य के लिए प्रेरित किया है। और वास्तव में दबाव भी डाला जाता है। उनका एक सहपाठी अजय ऋषि से ईर्ष्या करता है, क्योंकि वह पढ़ाई में उसे आगे निकल गया होता है। आगे मूवी में क्या होता है मूवी में देख कर ही पता लगा। मूवी दोस्तों बहुत ही, मूवी की स्टोरी भी बहुत ही बेहतरीन, आगे कई सारे ट्विस्ट देखने को मिलते हैं आपको इस मूवी में। इस मूवी को आप फ्री में देख सकते हैं डिजिटल हॉटस्टार पे, अमेजॉन प्राइम वीडियो पर सब्सक्रिप्शन के साथ। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं महर्षि एक बेहतरीन मूवी थी महेश बाबू की, जो कि 2019 में आई थी। तो यह महर्षि मूवी थी कैसी और मूवी का स्टोरी कैसा था एक्सप्लेन करने वाले हैं, और कुछ इस मूवी से इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों यह मूवी आई थी 2019 में, और इस मूवी के डायरेक्टर थे वामसी पेड़पल्ली,
और इस मूवी को लिखा था वामसी पेडपल्ली और दीन और अहिसोर सुलेमान द्वारा इस मूवी को लिखा गया था। इस मूवी के बजट की बात करते हैं तो जहां तक इस मूवी का बजट था 100 से लेकर 130 करोड़ तक का और इसमें बॉक्स ऑफिस 175 से लेकर 200 करोड़ की कमाई की थी। जैसे कि आप लोग जानते हैं ज़्यादातर महेश बाबू की मूवीज रिलीज होते ही ब्लॉकबस्टर हो जाती हैं क्योंकि इनकी मूवी बहुत ही बेहतरीन होती हैं और यह उन्हीं की एक एक्शन ड्रामा फिल्म थी। इस मूवी की कास्टिंग की बात करें तो इसमें आपको महेश बाबू अमेरिका स्थित व्यवसायी ऋषि के ऋषि कुमार के रूप में देखने को मिलते हैं। पूजा हेगड़े एज ए पूजा महालक्ष्मी ऋषि की गर्लफ्रेंड और रविशंकर के रूप में अल्लारी नरेश ऋषि के सबसे अच्छे दोस्त। और जगपति बाबू आपको एज ए विवेक मित्तल यानी विलन के रूप में मुंबई बेस्ड एक बिजनेसमैन और त्रिविक्रम पूजा के दादा के रूप में कैकला सत्यनारायण और पूजा के नाना कस्तूरी राम के रूप में कोटा श्रीनिवास राव देखने को मिलते हैं। ऋषि के पिता सत्यनारायण के रूप में प्रकाश राज जयसुदा यशोदा के रूप में ऋषि की माँ और मीनाक्षी दीक्षित ऐसा निधि पल्लवी के रूप में अन्या रावी की प्रेमिका देखने को मिलती हैं। कुल मिलाकर मूवी बहुत बेहतरीन है। इस मूवी में कई सारे लोग देखने को मिलते हैं और सहायक भूमिकाओं में। इस मूवी के साउंड ट्रैक की बात करें तो फिल्म का साउंड ट्रैक एल्बम और पश्चिमी संगीत देवी प्रसाद द्वारा तैयार किया गया था। संगीत सभी गीत श्री मणि द्वारा लिखे गए थे और पूरा साउंड ट्रैक एल्बम 1 मई 2019 को फिल्म के प्री रिलीज इवेंट पर जारी किया गया था जहाँ विभिन्न संगीत कलाकारों ने गाने प्रस्तुत किए थे। रिलीज की बात करें फिल्म मूल रूप से 25 अप्रैल 2019 को रिलीज होने वाली थी लेकिन 6 मार्च 2019 को दिल राजू ने घोषणा की कि पोस्ट प्रोडक्शन कार्य में देरी के कारण फिल्म को स्थगित कर दिया गया था। फिर 9 मई 2019 को नाटकीय रूप से मूवी को रिलीज किया गया था। माहिर ऋषि 8 मई 2019 को भारत में इसकी आधिकारिक रिलीज से एक दिन पहले संयुक्त राज्य अमेरिका में लगभग 2500 स्क्रीनों पर रिलीज हुई। बेंगलुरु में फिल्म को 400 स्क्रीनों पर रिलीज किया गया। इस प्रकार यह उस समय की उच्च स्क्रीन वाली पहली तेलुगु फिल्म बन गई थी। फिल्म को 2020 में तमिल में उंगलुक्का और कन्नड़ में वीरा महर्षि और मलयालम में डब करके रिलीज किया गया था। फिलहाल हिंदी में इसका नाम महर्षि ही रखा गया था। फिल्म के सैटेलाइट अधिकार सन टीवी नेटवर्क द्वारा लगभग 250 मिलियन द्वारा खरीदे गए थे और तेलुगु संस्करण जेमिनी टीवी को 150 मिलियन में खरीदे गए बेच दिया गया था। इस फिल्म के अधिकार को फिल्म को तेलुगु संस्करण टेलीविजन प्रीमियर 6 अक्टूबर 2019 को दशहरा के अवसर पर जेमिनी टीवी पर इसका प्रीमियर हुआ था। टेलीविजन पर इसके प्रीमियर ने टारगेट रेटिंग पॉइंट्स टीआरपी रेटिंग 9.3 दर्ज की थी जबकि चैनल पर इसके 5वीं बार प्रीमियर ने 10.28 की टीआरपी रेटिंग दर्ज की थी और औसतन अन्य प्रीमियर की टीआरपी रेटिंग भी 4 से अधिक है। फिल्म के डिजिटल अधिकार अमेजॉन प्राइम वीडियो द्वारा खरीदे गए थे लगभग 110 मिलियन द्वारा और इसका प्रीमियर फिल्म की नाटकीय रिलीज के 54 दिन बाद 3 जुलाई 2019 को किया गया था। फिल्म तमिल और कन्नड़ डब संस्करणों के साथ रिलीज हुई। सैटेलाइट अधिकार स्टार इंडिया द्वारा हासिल किए गए थे। फिल्म के तमिल कन्नड़ और मलयालम डब संस्करणों का प्रीमियर क्रमशः 18 अक्टूबर 2020 को स्टार विजय स्टार सुरोना और जी केरलम पर हुआ था। फिलहाल यह ऑफिशियली हिंदी में डब नहीं हुई है। बात करें स्टोरी में आपको के ऋषि कुमार संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित एक समृद्ध कंपनी ओरिजिन के मुख्य कार्यकारी के रूप में देखने को मिलते हैं। उनको घोषित किया जाता है। वह अपनी माँ को अपने साथ रहने के लिए भारत से लाता है। निधि उसकी सहकर्मी उसे आश्चर्य करने के लिए एक पार्टी का आयोजन करती है। इसमें बचपन के उसके दोस्त कन्ना और जो कुछ वर्षों से उससे नहीं मिले थे प्रोफेसर चंद्रशेखर और कॉलेज के दोस्त भी शामिल होंगे। कहानी वापस फ्लैशबैक में आती है यानी पीछे चली जाती है। 7 साल पहले ऋषि हैदराबाद के एक मध्यम वर्गीय एकल परिवार से थे। उनके पिता सत्यनारायण जो एक निजी निगम के कलर्क थे और उनकी कम कमाई के कारण कर्जा हो गया था। उसकी विफलता के कारण ऋषि के उनके यानी अपने पिता के साथ संबंध अच्छे नहीं थे। ऋषि ने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन पूरी करने के लिए वाजा की स्थिति का प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय IIT में दाखिला लिया और इसलिए उन्हें वहाँ जाना पड़ा। ऋषि उनके रूममेट रविशंकर और पूजा सिया सभी सहपाठी होने के कारण सबसे अच्छे दोस्त बन जाते हैं और एक गरीब किसान का बेटा है रवि और जैसे अपने बेटे के बारे में मासूम विमोदन ने उसे अमेरिका में अच्छी कमाई वाली नौकरी पाने के लिए एक लक्ष्य के लिए प्रेरित किया है और वास्तव में दबाव भी डाला जाता है। उनका एक सहपाठी अजय ऋषि से ईर्ष्या करता है क्योंकि वह पढ़ाई में उसे आगे निकल गया होता है। आगे मूवी में क्या होता है मूवी में देख कर ही पता लगा। मूवी दोस्तों बहुत ही मूवी की स्टोरी भी बहुत ही बेहतरीन आगे कई सारे ट्विस्ट देखने को मिलते हैं आपको इस मूवी में। इस मूवी को आप फ्री में देख सकते हैं डीजी पर हॉटस्टार पे अमेजॉन प्राइम वीडियो पर सब्सक्रिप्शन के साथ। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं महर्षि एक बेहतरीन मूवी थी महेश बाबू की जो कि 2019 में आई थी। तो यह महर्षि मूवी थी कैसी और मूवी का स्टोरी कैसा था एक्सप्लेन करने वाले हैं और कुछ इस मूवी से इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों यह मूवी आई थी 2019 में और इस मूवी के डायरेक्टर थे वामसी पेडपल्ली और
इस मूवी को लिखा था वामसी पिडिपल्ली और दीन और अहिसोर सुलेमान द्वारा इस मूवी को लिखा गया था। इस मूवी के बजट की बात करते हैं तो जहां तक इस मूवी का बजट था 100 से लेकर 130 करोड़ तक का और इसमें बॉक्स ऑफिस 175 से लेकर 200 करोड़ की कमाई की थी। जैसे कि आप लोग जानते हैं ज़्यादातर महेश बाबू की मूवीज रिलीज होते ही ब्लॉकबस्टर हो जाती हैं क्योंकि इनकी मूवी बहुत ही बेहतरीन होती हैं और यह उन्हीं की एक एक्शन ड्रामा फिल्म थी। इस मूवी की कास्टिंग की बात करें तो इसमें आपको महेश बाबू अमेरिका स्थित व्यवसायी ऋषि कुमार के रूप में देखने को मिलते हैं। पूजा हेगड़े अच्छा पूजा महालक्ष्मी ऋषि की गर्लफ्रेंड और रविशंकर के रूप में अल्लारी नरेश ऋषि के सबसे अच्छे दोस्त और जगपति बाबू आपको ऐसे विवेक मित्तल यानी विलन के रूप में मुंबई बेल्ट एक बिजनेसमैन और त्रिविक्रम पूजा के दादा के रूप में कैकला सत्यनारायण और पूजा के नाना कस्तूरी राम के रूप में कोटा श्रीनिवास राव देखने को मिलते हैं। ऋषि के पिता सत्यनारायण के रूप में प्रकाश राज जयसुदा यशोदा के रूप में ऋषि की माँ और मीनाक्षी दीक्षित ऐसा निधि पल्लवी के रूप में अन्या रावी की प्रेमिका देखने को मिलती हैं। कुल मिलाकर मूवी बहुत बेहतरीन है। इस मूवी में कई सारे लोग देखने को मिलते हैं और सहायक भूमिकाओं में। इस मूवी के साउंड ट्रैक की बात करें तो फिल्म का साउंड ट्रैक एल्बम और पश्चिमी संगीत देवी प्रसाद द्वारा तैयार किया गया था। संगीत सभी गीत श्री मणि द्वारा लिखे गए थे और पूरा साउंड ट्रैक एल्बम 1 मई 2019 को फिल्म के प्री रिलीज इवेंट पर जारी किया गया था जहाँ विभिन्न संगीत कलाकारों ने गाने प्रस्तुत किए थे। रिलीज की बात करें फिल्म मूल रूप से 25 अप्रैल 2019 को रिलीज होने वाली थी लेकिन 6 मार्च 2019 को दिल राजू ने घोषणा की कि पोस्ट प्रोडक्शन कार्य में देरी के कारण फिल्म को स्थगित कर दिया गया था। फिर 9 मई 2019 को नाटकीय रूप से मूवी को रिलीज किया गया था। महेश ऋषि 8 मई 2019 को भारत में इसकी आधिकारिक रिलीज से एक दिन पहले संयुक्त राज्य अमेरिका में लगभग 2500 स्क्रीनों पर रिलीज हुई। बेंगलुरु में फिल्म को 400 स्क्रीनों पर रिलीज किया गया। इस प्रकार यह उस समय की उच्च स्क्रीन वाली पहली तेलुगु फिल्म बन गई थी। फिल्म को 2020 में तमिल में पोंगलुक्का अरुवन कन्नड़ में वीरा महर्षि और मलयालम में डब करके रिलीज किया गया था। फिलहाल हिंदी में इसका नाम महर्षि रखा गया। फिल्म के सैटेलाइट अधिकार सन टीवी नेटवर्क द्वारा लगभग 250 मिलियन द्वारा खरीदे गए थे और तेलुगु संस्करण जेमिनी टीवी को 150 मिलियन में खरीदे गए बेच दिया गया था। इस फिल्म के अधिकार को फिल्म को तेलुगु संस्करण टेलीविजन प्रीमियर 6 अक्टूबर 2019 को दशहरा के अवसर पर जेमिनी टीवी पर इसका प्रीमियर हुआ था। टेलीविजन पर इसके प्रीमियर ने टारगेट रेटिंग पॉइंट्स टीआरपी रेटिंग 9.3 दर्ज की थी जबकि चैनल पर इसके 5वीं बार प्रीमियर ने 10.28 की टीआरपी रेटिंग दर्ज की थी और औसतन अन्य प्रीमियर की टीआरपी रेटिंग भी 4 से अधिक है। फिल्म के डिजिटल अधिकार अमेज़न प्राइम वीडियो द्वारा खरीदे गए थे लगभग 110 मिलियन द्वारा और इसका प्रीमियर फिल्म की नाटकीय रिलीज के 54 दिन बाद 3 जुलाई 2019 को किया गया था। फिल्म तमिल और कन्नड़ डब संस्करणों के साथ रिलीज हुई। सैटेलाइट अधिकार स्टार इंडिया द्वारा हासिल किए गए थे। फिल्म के तमिल कन्नड़ और मलयालम डब संस्करणों का प्रीमियर क्रमशः 18 अक्टूबर 2020 को स्टार विजय स्टार सुरोना और जी केरलम पर हुआ था। फिलहाल यह ऑफिशियली हिंदी में डब नहीं हुई है। बात करें स्टोरी में आपको के ऋषि कुमार संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित एक समृद्ध कंपनी ओरिजिन के मुख्य कार्यकारी के रूप में देखने को मिलते हैं। उनको घोषित किया जाता है। वह अपनी माँ को अपने साथ रहने के लिए भारत से लाता है। निधि उसकी सहकर्मी उसे आश्चर्य करने के लिए एक पार्टी का आयोजन करती है। इसमें बचपन के उसके दोस्त कन्ना और जो कुछ वर्षों से उससे नहीं मिले थे प्रोफेसर चंद्रशेखर और कॉलेज के दोस्त भी शामिल होंगे। कहानी वापस फ्लैशबैक में आती है यानी पीछे चली जाती है। 7 साल पहले ऋषि हैदराबाद के एक मध्यम वर्गीय एकल परिवार से थे। उनके पिता सत्यनारायण जो एक निजी निगम के क्लर्क थे और उनकी कम कमाई के कारण कर्जा हो गया था। उसकी विफलता के कारण ऋषि के उनके यानी अपने पिता के साथ संबंध अच्छे नहीं थे। ऋषि ने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन पूरी करने के लिए वाजा की स्थिति का प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय IIT में दाखिला लिया और इसलिए उन्हें वहाँ जाना पड़ा। ऋषि उनके रूममेट रविशंकर और पूजा सिया सभी सहपाठी होने के कारण सबसे अच्छे दोस्त बन जाते हैं और एक गरीब किसान का बेटा है रवि और जैसे अपने बेटे के बारे में मासूम विमोदन ने उसे अमेरिका में अच्छी कमाई वाली नौकरी पाने के लिए एक लक्ष्य के लिए प्रेरित किया है और वास्तव में दबाव भी डाला जाता है। उनका एक सहपाठी अजय ऋषि से ईर्ष्या करता है क्योंकि वह पढ़ाई में उसे आगे निकल गया होता है। आगे मूवी में क्या होता है मूवी में देख कर ही पता लगा। मूवी दोस्तों बहुत ही मूवी की स्टोरी भी बहुत ही बेहतरीन आगे कई सारे ट्विस्ट देखने को मिलते हैं आपको इस मूवी में। इस मूवी को आप फ्री में देख सकते हैं डिजी पर हॉटस्टार पर अमेजन प्राइम वीडियो पर सब्सक्रिप्शन के साथ। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं महर्षि एक बेहतरीन मूवी थी महेश बाबू की जो कि 2019 में आई थी। तो यह महर्षि मूवी थी कैसी और मूवी का स्टोरी कैसा था एक्सप्लेन करने वाले हैं और कुछ इस मूवी से इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों यह मूवी आई थी 2019 में और इस मूवी के डायरेक्टर थे वामसी पिडिपल्ली
और इस मूवी को लिखा था वामसी प्रपल्ली और दीन और अहिसोर सुलेमान द्वारा इस मूवी को लिखा गया था। इस मूवी के बजट की बात करते हैं तो जहां तक इस मूवी का बजट था 100 से लेकर 130 करोड़ तक का और इसमें बॉक्स ऑफिस 175 से लेकर 200 करोड़ की कमाई की थी। जैसे कि आप लोग जानते हैं ज़्यादातर महेश बाबू की मूवीज रिलीज होते ही ब्लॉकबस्टर हो जाती हैं क्योंकि इनकी मूवी बहुत ही बेहतरीन होती हैं और यह उन्हीं की एक एक्शन ड्रामा फिल्म थी। इस मूवी की कास्टिंग की बात करें तो इसमें आपको महेश बाबू अमेरिका स्थित व्यवसायी ऋषि कुमार के रूप में देखने को मिलते हैं। पूजा हेगड़े एज अ पूजा महालक्ष्मी ऋषि की गर्लफ्रेंड और रविशंकर के रूप में अल्लारी नरेश ऋषि के सबसे अच्छे दोस्त और जगपति बाबू आपको एज ए विवेक मित्तल यानी विलन के रूप में मुंबई बेल्ट एक बिजनेसमैन और त्रिविक्रम पूजा के दादा के रूप में कैकला सत्यनारायण और पूजा के नाना कस्तूरी राम के रूप में कोटा श्रीनिवास राव देखने को मिलते हैं। ऋषि के पिता सत्यनारायण के रूप में प्रकाश राज जयसुदा यशोदा के रूप में ऋषि की माँ और मीनाक्षी दीक्षित ऐसा निधि पल्लवी के रूप में अन्य रावी की प्रेमिका देखने को मिलती हैं। कुल मिलाकर मूवी बहुत बेहतरीन, इस मूवी में कई सारे लोग देखने को मिलते हैं और सहायक भूमिकाओं में। इस मूवी के साउंड ट्रैक की बात करें तो फिल्म का साउंड ट्रैक एल्बम और पश्चिमी संगीत देवी प्रसाद द्वारा तैयार किया गया था। संगीत सभी गीत श्री मणि द्वारा लिखे गए थे और पूरा साउंड ट्रैक एल्बम 1 मई 2019 को फिल्म के प्री रिलीज इवेंट पर जारी किया गया था जहाँ विभिन्न संगीत कलाकारों ने गाने प्रस्तुत किए थे। रिलीज की बात करें फिल्म मूल रूप से 25 फरवरी 2019 को रिलीज होने वाली थी लेकिन 6 मार्च 2019 को दिल राजू ने घोषणा की कि पोस्ट प्रोडक्शन कार्य में देरी के कारण फिल्म को स्थगित कर दिया गया था। फिर 9 मई 2019 को नाटकीय रूप से मूवी को रिलीज किया गया था। महर्षि 8 मई 2019 को भारत में इसकी आधिकारिक रिलीज से एक दिन पहले संयुक्त राज्य अमेरिका में लगभग 2500 स्क्रीनों पर रिलीज हुई। बेंगलुरु में फिल्म को 400 स्क्रीनों पर रिलीज किया गया। इस प्रकार यह उस समय की उच्च स्क्रीन वाली पहली तेलुगु फिल्म बन गई थी। फिल्म को 2020 में तमिल में पुंगलुक्का और कन्नड़ में वीरा महर्षि और मलयालम में डब करके रिलीज किया गया था। फिलहाल हिंदी में इसका नाम महर्षि ही रखा गया था। फिल्म के सैटेलाइट अधिकार सन टीवी नेटवर्क द्वारा लगभग 250 मिलियन द्वारा खरीदे गए थे और तेलुगु संस्करण जेमिनी टीवी को 150 मिलियन में खरीदे गए बेच दिया गया था। इस फिल्म के अधिकार को फिल्म को तेलुगु संस्करण टेलीविजन प्रीमियर 6 अक्टूबर 2019 को दशहरा के अवसर पर जेमिनी टीवी पर इसका प्रीमियर हुआ था। टेलीविजन पर इसके प्रीमियर ने टारगेट रेटिंग पॉइंट्स TRP रेटिंग 9.3 दर्ज की थी जबकि चैनल पर इसके 5वीं बार प्रीमियर ने 10.28 की TRP रेटिंग दर्ज की थी और औसतन अन्य प्रीमियर की TRP रेटिंग भी 4 से अधिक है। फिल्म के डिजिटल अधिकार Amazon प्राइम वीडियो द्वारा खरीदे गए थे लगभग 110 मिलियन द्वारा और इसका प्रीमियर फिल्म की नाटकीय रिलीज के 54 दिन बाद 3 जुलाई 2019 को किया गया था। फिल्म तमिल और कन्नड़ डब संस्करणों के साथ रिलीज हुई। सैटेलाइट अधिकार स्टार इंडिया द्वारा हासिल किए गए थे। फिल्म के तमिल कन्नड़ और मलयालम डब संस्करणों का प्रीमियर क्रमशः 18 अक्टूबर 2020 को स्टार विजय स्टार सुरणा और जी केरलम पर हुआ था। फिलहाल यह ऑफिशियली हिंदी में डब नहीं हुई है। बात करें इसमें स्टोरी में आपको केरीसी कुमार संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित एक समृद्ध कंपनी ओरिजिन के मुख्य कार्यकारी के रूप में देखने को मिलते हैं। उनको घोषित किया जाता है। वह अपनी मां को अपने साथ रहने के लिए भारत से लाता है। निधि उसकी सहकर्मी उसे आश्चर्यित करने के लिए एक पार्टी का आयोजन करती है। इसमें बचपन के उसके दोस्त कन्ना और जो कुछ वर्षों से उससे नहीं मिले थे प्रोफेसर चंद्रशेखर और कॉलेज के दोस्त भी शामिल होंगे। कहानी वापस फ्लैशबैक में आती है यानी पीछे चली जाती है। 7 साल पहले ऋषि हैदराबाद के एक मध्यम वर्गीय एकल परिवार से थे। उनके पिता सत्यनारायण जो एक निजी निगम के क्लर्क थे और उनकी कम कमाई के कारण कर्जा हो गया था। उसकी विफलता के कारण ऋषि के उनके यानी अपने पिता के साथ संबंध अच्छे नहीं थे। ऋषि ने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन पूरी करने के लिए वाजा की स्थिति का प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय IIT में दाखिला लिया और इसलिए उन्हें वहां जाना पड़ा। ऋषि उनके रूममेट रविशंकर और पूजा सिया सभी सहपाठी होने के कारण सबसे अच्छे दोस्त बन जाते हैं और एक गरीब किसान का बेटा है रवि और जैसे अपने बेटे के बारे में मासूम विमोदन ने उसे अमेरिका में अच्छी कमाई वाली नौकरी पाने के लिए एक लक्ष्य के लिए प्रेरित किया है और वास्तव में दबाव भी डाला जाता है। उनका एक सहपाठी अजय ऋषि से ईर्ष्या करता है क्योंकि वह पढ़ाई में उसे आगे निकल गया होता है। आगे मूवी में क्या होता है मूवी में देख कर ही पता लगा। मूवी दोस्तों बहुत ही मूवी की स्टोरी भी बहुत ही बेहतरीन आगे कई सारे ट्विस्ट देखने को मिलते हैं आपको इस मूवी में। इस मूवी को आप फ्री में देख सकते हैं डिजी पर हॉटस्टार पर अमेजॉन प्राइम वीडियो पर सब्सक्रिप्शन के साथ। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं महर्षि एक बेहतरीन मूवी थी महेश बाबू की जो कि 2019 में आई थी। तो यह महर्षि मूवी थी कैसी और मूवी का स्टोरी कैसा था एक्सप्लेन करने वाले हैं और कुछ इस मूवी से इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में बात करेंगे।
तो दोस्तों यह मूवी आई थी 2019 में और इस मूवी के डायरेक्टर थे वामसी पेड़पल्ली और इस मूवी को लिखा था वामसी पेड़पल्ली और दीन और अहिशोर सुलेमान द्वारा इस मूवी को लिखा गया था। इस मूवी के बजट की बात करते हैं तो जहां तक इस मूवी का बजट था 100 से लेकर 130 करोड़ तक का और इसमें बॉक्स ऑफिस 175 से लेकर 200 करोड़ की कमाई की थी। जैसे कि आप लोग जानते हैं ज़्यादातर महेश बाबू की मूवीज रिलीज होते ही ब्लॉकबस्टर हो जाती हैं क्योंकि इनकी मूवी बहुत ही बेहतरीन होती हैं और यह उन्हीं की एक एक्शन ड्रामा फिल्म थी। इस मूवी की कास्टिंग की बात करें तो इसमें आपको महेश बाबू अमेरिका स्थित व्यवसायी ऋषि के ऋषि कुमार के रूप में देखने को मिलते हैं। पूजा हेगड़े राजा पूजा महालक्ष्मी ऋषि की गर्लफ्रेंड और रविशंकर के रूप में अल्लारी नरेश ऋषि के सबसे अच्छे दोस्त और जगपति बाबू आपको एज ए विवेक मित्तल यानी विलन के रूप में मुंबई बेल्ट एक बिजनेसमैन और त्रिविक्रम पूजा के दादा के रूप में कैकला सत्यनारायण और पूजा के नाना कस्तूरी राम के रूप में कोटा श्रीनिवास राव देखने को मिलते हैं। ऋषि के पिता सत्यनारायण के रूप में प्रकाश राज जयसुदा यशोदा के रूप में ऋषि की माँ और मीनाक्षी दीक्षित ऐसा निधि पल्लवी के रूप में अन्य रावी की प्रेमिका देखने को मिलती हैं। कुल मिलाकर मूवी बहुत बेहतरीन। इस मूवी में कई सारे लोग देखने को मिलते हैं और सहायक भूमिकाओं में। इस मूवी के साउंड ट्रैक की बात करें तो फिल्म का साउंड ट्रैक एल्बम और पश्चिमी संगीत देवी प्रसाद द्वारा तैयार किया गया था। संगीत सभी गीत श्री मणि द्वारा लिखे गए थे और पूरा साउंड ट्रैक एल्बम 1 मई 2019 को फिल्म के प्री रिलीज इवेंट पर जारी किया गया था जहाँ विभिन्न संगीत कलाकारों ने गाने प्रस्तुत किए थे। रिलीज की बात करें फिल्म मूल रूप से 25 अप्रैल 2019 को रिलीज होने वाली थी लेकिन 6 मार्च 2019 को दिल राजू ने घोषणा की कि पोस्ट प्रोडक्शन कार्य में देरी के कारण फिल्म को स्थगित कर दिया गया था। फिर 9 मई 2019 को नाटकीय रूप से मूवी को रिलीज किया गया था। महर्षि 8 मई 2019 को भारत में इसकी आधिकारिक रिलीज से एक दिन पहले संयुक्त राज्य अमेरिका में लगभग 2500 स्क्रीनों पर रिलीज हुई। बेंगलुरु में फिल्म को 400 स्क्रीनों पर रिलीज किया गया। इस प्रकार यह उस समय की उच्च स्क्रीन वाली पहली तेलुगु फिल्म बन गई थी। फिल्म को 2020 में तमिल में उंगलुक्का और कन्नड़ में वीरा महर्षि और मलयालम में डब करके रिलीज किया गया था। फिलहाल हिंदी में इसका नाम महर्षि ही रखा गया था। फिल्म के सैटेलाइट अधिकार सन टीवी नेटवर्क द्वारा लगभग 250 मिलियन द्वारा खरीदे गए थे और तेलुगु संस्करण जेमिनी टीवी को 150 मिलियन में खरीदे गए बेच दिया गया था। इस फिल्म के अधिकार को फिल्म को तेलुगु संस्करण टेलीविजन प्रीमियर 6 अक्टूबर 2019 को दशहरा के अवसर पर जेमिनी टीवी पर इसका प्रीमियर हुआ था। टेलीविजन पर इसके प्रीमियर ने टारगेट रेटिंग पॉइंट्स टीआरपी रेटिंग 9.3 दर्ज की थी जबकि चैनल पर इसके 5वीं बार प्रीमियर ने 10.28 की टीआरपी रेटिंग दर्ज की थी और औसतन अन्य प्रीमियर की टीआरपी रेटिंग भी 4 से अधिक है। फिल्म के डिजिटल अधिकार अमेज़न प्राइम वीडियो द्वारा खरीदे गए थे लगभग 110 मिलियन द्वारा और इसका प्रीमियर फिल्म की नाटकीय रिलीज के 54 दिन बाद 3 जुलाई 2019 को किया गया था। फिल्म तमिल और कन्नड़ डब संस्करणों के साथ रिलीज हुई। सैटेलाइट अधिकार स्टार इंडिया द्वारा हासिल किए गए थे। फिल्म के तमिल कन्नड़ और मलयालम डब संस्करणों का प्रीमियर क्रमशः 18 अक्टूबर 2020 को स्टार विजय स्टार सुरोना और जी केरलम पर हुआ था। फिलहाल यह ऑफिशियली हिंदी में डब नहीं हुई है। बात करें की स्टोरी में आपको के ऋषि कुमार संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित एक समृद्ध कंपनी ओरिजिन के मुख्य कार्यकारी के रूप में देखने को मिलते हैं। उनको घोषित किया जाता है। वह अपनी मां को अपने साथ रहने के लिए भारत से लाता है। निधि उसकी सहकर्मी उसे आश्चर्यित करने के लिए एक पार्टी का आयोजन करती है। इसमें बचपन के उसके दोस्त कन्ना और जो कुछ वर्षों से उससे नहीं मिले थे प्रोफेसर चंद्रशेखर और कॉलेज के दोस्त भी शामिल होंगे। कहानी वापस फ्लैशबैक में आती है यानी पीछे चली जाती है। 7 साल पहले ऋषि हैदराबाद के एक मध्यम वर्गीय एकल परिवार से थे। उनके पिता सत्यनारायण जो एक निजी निगम के क्लर्क थे और उनकी कम कमाई के कारण कर्जा हो गया था। उसकी विफलता के कारण ऋषि के अपने पिता के साथ संबंध अच्छे नहीं थे। ऋषि ने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन पूरी करने के लिए वाजा की स्थिति का प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय IIT में दाखिला लिया और इसलिए उन्हें वहां जाना पड़ा। ऋषि उनके रूममेट रविशंकर और पूजा सिया सभी सहपाठी होने के कारण सबसे अच्छे दोस्त बन जाते हैं और करीब एक गरीब किसान का बेटा है रवि और जैसे अपने बेटे के बारे में मासूम विमोद ने उसे अमेरिका में अच्छी कमाई वाली नौकरी पाने के लिए एक लक्ष्य के लिए प्रेरित किया है और वास्तव में दबाव भी डाला जाता है। उनका एक सहपाठी अजय ऋषि से ईर्ष्या करता है क्योंकि वह पढ़ाई में उसे आगे निकल गया होता है। आगे मूवी में क्या होता है मूवी में देखकर ही पता लगा। मूवी दोस्तों बहुत ही मूवी की स्टोरी भी बहुत ही बेहतरीन। आगे कई सारे ट्विस्ट देखने को मिलते हैं आपको इस मूवी में। इस मूवी को आप फ्री में देख सकते हैं डीजी पर हॉटस्टार पे अमेजन प्राइम वीडियो पर सब्सक्रिप्शन के साथ। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं महर्षि एक बेहतरीन मूवी थी महेश बाबू की जो कि 2019 में आई थी। तो यह महर्षि मूवी थी कैसी और मूवी का स्टोरी कैसा था एक्सप्लेन करने वाले हैं और कुछ इस मूवी से इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों यह मूवी आई थी 2019 में और इस मूवी के डायरेक्टर थे वामसी पेड़पल्ली और
इस मूवी को लिखा था वामसी पिडिप्पली और दीन और अहिसोर सुलेमान द्वारा इस मूवी को लिखा गया था। इस मूवी के बजट की बात करते हैं तो जहां तक इस मूवी का बजट था 100 से लेकर 130 करोड़ तक का और इसमें बॉक्स ऑफिस पर 175 से लेकर 200 करोड़ की कमाई की थी। जैसे कि आप लोग जानते हैं ज़्यादातर महेश बाबू की मूवीज रिलीज होते ही ब्लॉकबस्टर हो जाती हैं क्योंकि इनकी मूवी बहुत ही बेहतरीन होती हैं और यह उन्हीं की एक एक्शन ड्रामा फिल्म थी। इस मूवी की कास्टिंग की बात करें तो इसमें आपको महेश बाबू अमेरिका स्थित व्यवसायी ऋषि के ऋषि कुमार के रूप में देखने को मिलते हैं। पूजा हेगड़े राजा पूजा महालक्ष्मी ऋषि की गर्लफ्रेंड और रविशंकर के रूप में अल्लारी नरेश ऋषि के सबसे अच्छे दोस्त और जगपति बाबू आपको एज ए विवेक मित्तल यानी विलन के रूप में मुंबई बेल्ट एक बिजनेसमैन और त्रिविक्रम पूजा के दादा के रूप में कैकला सत्यनारायण और पूजा के नाना कस्तूरी राम के रूप में कोटा श्रीनिवास राव देखने को मिलते हैं। ऋषि के पिता सत्यनारायण के रूप में प्रकाश राज जयसुदा यशोदा के रूप में ऋषि की माँ और मीनाक्षी दीक्षित ऐसा निधि पल्लवी के रूप में अन्या रावी की प्रेमिका देखने को मिलती हैं। कुल मिलाकर मूवी बहुत बेहतरीन। इस मूवी में कई सारे लोग देखने को मिलते हैं और सहायक भूमिकाओं में। इस मूवी के साउंड ट्रैक की बात करें तो फिल्म का साउंड ट्रैक एल्बम और पश्चिमी संगीत देवी प्रसाद द्वारा तैयार किया गया था। संगीत सभी गीत श्री मणि द्वारा लिखे गए थे और पूरा साउंड ट्रैक एल्बम 1 मई 2019 को फिल्म के प्री रिलीज इवेंट पर जारी किया गया था जहाँ विभिन्न संगीत कलाकारों ने गाने प्रस्तुत किए थे। रिलीज की बात करें फिल्म मूल रूप से 25 अप्रैल 2019 को रिलीज होने वाली थी लेकिन 6 मार्च 2019 को दिल राजू ने घोषणा की कि पोस्ट प्रोडक्शन कार्य में देरी के कारण फिल्म को स्थगित कर दिया गया था। फिर 9 मई 2019 को नाटकीय रूप से मूवी को रिलीज किया गया था। माहिर ऋषि 8 मई 2019 को भारत में इसकी आधिकारिक रिलीज से एक दिन पहले संयुक्त राज्य अमेरिका में लगभग 2500 स्क्रीनों पर रिलीज हुई। बेंगलुरु में फिल्म को 400 स्क्रीनों पर रिलीज किया गया। इस प्रकार यह उस समय की उच्च स्क्रीन वाली पहली तेलुगु फिल्म बन गई थी। फिल्म को 2020 में तमिल में उंगलुक्का और कन्नड़ में वीरा महर्षि और मलयालम में डब करके रिलीज किया गया था। फिलहाल हिंदी में इसका नाम महर्षि ही रखा गया था। फिल्म के सैटेलाइट अधिकार सन टीवी नेटवर्क द्वारा लगभग 250 मिलियन द्वारा खरीदे गए थे और तेलुगु संस्करण जेमिनी टीवी को 150 मिलियन में खरीदे गए बेच दिया गया था। इस फिल्म के अधिकार को फिल्म को तेलुगु संस्करण टेलीविजन प्रीमियर 6 अक्टूबर 2019 को दशहरा के अवसर पर जेमिनी टीवी पर इसका प्रीमियर हुआ था। टेलीविजन पर इसके प्रीमियर ने टारगेट रेटिंग पॉइंट्स टीआरपी रेटिंग 9.3 दर्ज की थी जबकि चैनल पर इसके 5वीं बार प्रीमियर ने 10.28 की टीआरपी रेटिंग दर्ज की थी और औसतन अन्य प्रीमियर की टीआरपी रेटिंग भी 4 से अधिक है। फिल्म के डिजिटल अधिकार अमेज़न प्राइम वीडियो द्वारा खरीदे गए थे लगभग 110 मिलियन द्वारा और इसका प्रीमियर फिल्म की नाटकीय रिलीज के 54 दिन बाद 3 जुलाई 2019 को किया गया था। फिल्म तमिल और कन्नड़ डब संस्करणों के साथ रिलीज हुई। सैटेलाइट अधिकार स्टार इंडिया द्वारा हासिल किए गए थे। फिल्म के तमिल कन्नड़ और मलयालम डब संस्करणों का प्रीमियर क्रमशः 18 अक्टूबर 2020 को स्टार विजय स्टार सुरोना और जी केरलम पर हुआ था। फिलहाल यह ऑफिशियली हिंदी में डब नहीं हुई है। बात करें स्टोरी की स्टोरी में आपको के ऋषि कुमार संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित एक समृद्ध कंपनी ओरिजिन के मुख्य कार्यकारी के रूप में देखने को मिलते हैं। उनको घोषित किया जाता है। वो अपनी माँ को अपने साथ रहने के लिए भारत से लाता है। निधि उसकी सहकर्मी उसे आश्चर्यचकित करने के लिए एक पार्टी का आयोजन करती है। इसमें बचपन के उसके दोस्त कन्ना और जो कुछ वर्षों से उससे नहीं मिले थे प्रोफेसर चंद्रशेखर और कॉलेज के दोस्त भी शामिल होंगे। कहानी वापस फ्लैक्स बैक में आती है यानी पीछे चली जाती है। 7 साल पहले ऋषि हैदराबाद के एक मध्यम वर्गीय एकल परिवार से थे। उनके पिता सत्यनारायण जो एक निजी निगम के कलर्क थे और उनकी कम कमाई के कारण कर्जा हो गया था। उसकी विफलता के कारण ऋषि के अपने पिता के साथ संबंध अच्छे नहीं थे। ऋषि ने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन पूरी करने के लिए वाजा की स्थिति का प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय IIT में दाखिला लिया और इसलिए उन्हें वहां जाना पड़ा। ऋषि उनके रूममेट रविशंकर और पूजा सिया सभी सहपाठी होने के कारण सबसे अच्छे दोस्त बन जाते हैं और करीब एक गरीब किसान का बेटा है रवि और जैसे अपने बेटे के बारे में मासूम विमोदन ने उसे अमेरिका में अच्छी कमाई वाली नौकरी पाने के लिए एक लक्ष्य के लिए प्रेरित किया है और वास्तव में दबाव भी डाला जाता है। उनका एक सहपाठी अजय ऋषि से ईर्ष्या करता है क्योंकि वह पढ़ाई में उसे आगे निकल गया होता है। आगे मूवी में क्या होता है मूवी में देख कर ही पता लगा। मूवी दोस्तों बहुत ही मूवी की स्टोरी भी बहुत ही बेहतरीन आगे कई सारे ट्विस्ट देखने को मिलते हैं आपको इस मूवी में। इस मूवी को आप फ्री में देख सकते हैं डीजी पर हॉटस्टार पे अमेजन प्राइम वीडियो पर सब्सक्रिप्शन के साथ। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं महर्षि एक बेहतरीन मूवी थी महेश बाबू की जो कि 2019 में आई थी। तो यह महर्षि मूवी थी कैसी और मूवी का स्टोरी कैसा था एक्सप्लेन करने वाले हैं और कुछ इस मूवी से इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों यह मूवी आई थी 2019 में और इस मूवी के डायरेक्टर थे वामसी पिडिप्पली और
इस मूवी को लिखा था वामसी पिडिप्पली और दीन और अहिसोर सुलेमान द्वारा इस मूवी को लिखा गया था। इस मूवी के बजट की बात करते हैं तो जहां तक इस मूवी का बजट था 100 से लेकर 130 करोड़ तक का, और इसमें बॉक्स ऑफिस 175 से लेकर 200 करोड़ की कमाई की थी। जैसे कि आप लोग जानते हैं ज़्यादातर महेश बाबू की मूवीज रिलीज होते ही ब्लॉकबस्टर हो जाती हैं, क्योंकि इनकी मूवी बहुत ही बेहतरीन होती हैं और यह उन्हीं की एक एक्शन ड्रामा फिल्म थी। इस मूवी की कास्टिंग की बात करें तो इसमें आपको महेश बाबू अमेरिका स्थित व्यवसायी ऋषि के ऋषि कुमार के रूप में देखने को मिलते हैं। पूजा हेगड़े एज अ पूजा महालक्ष्मी ऋषि की गर्लफ्रेंड, और रविशंकर के रूप में अल्लारी नरेश ऋषि के सबसे अच्छे दोस्त, और जगपति बाबू आपको एज अ विवेक मित्तल यानी विलन के रूप में मुंबई बेस्ड एक बिजनेसमैन, और त्रिविक्रम पूजा के दादा के रूप में कैकला सत्यनारायण, और पूजा के नाना कस्तूरी राम के रूप में कोटा श्रीनिवास राव देखने को मिलते हैं। ऋषि के पिता सत्यनारायण के रूप में प्रकाश राज, जयसुदा यशोदा के रूप में ऋषि की माँ, और मीनाक्षी दीक्षित ऐसा निधि पल्लवी के रूप में अन्या रावी की प्रेमिका देखने को मिलती हैं। कुल मिलाकर मूवी बहुत बेहतरीन, इस मूवी में कई सारे लोग देखने को मिलते हैं और सहायक भूमिकाओं में। इस मूवी के साउंड ट्रैक की बात करें तो फिल्म का साउंड ट्रैक एल्बम और पश्चिमी संगीत देवी प्रसाद द्वारा तैयार किया गया था। संगीत सभी गीत श्री मणि द्वारा लिखे गए थे, और पूरा साउंड ट्रैक एल्बम 1 मई 2019 को फिल्म के प्री रिलीज इवेंट पर जारी किया गया था, जहाँ विभिन्न संगीत कलाकारों ने गाने प्रस्तुत किए थे। रिलीज की बात करें, फिल्म मूल रूप से 25 अप्रैल 2019 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन 6 मार्च 2019 को दिल राजू ने घोषणा की कि पोस्ट प्रोडक्शन कार्य में देरी के कारण फिल्म को स्थगित कर दिया गया था। फिर 9 मई 2019 को नाटकीय रूप से मूवी को रिलीज किया गया था। माहिर ऋषि 8 मई 2019 को भारत में इसकी आधिकारिक रिलीज से एक दिन पहले संयुक्त राज्य अमेरिका में लगभग 2500 स्क्रीनों पर रिलीज हुई। बेंगलुरु में फिल्म को 400 स्क्रीनों पर रिलीज किया गया। इस प्रकार यह उस समय की उच्च स्क्रीन वाली पहली तेलुगु फिल्म बन गई थी। फिल्म को 2020 में तमिल में उंगलुक्का और कन्नड़ में वीरा महर्षि और मलयालम में डब करके रिलीज किया गया था। फिलहाल हिंदी में इसका नाम महर्षि ही रखा गया था। फिल्म के सैटेलाइट अधिकार सन टीवी नेटवर्क द्वारा लगभग 250 मिलियन द्वारा खरीदे गए थे, और तेलुगु संस्करण जेमिनी टीवी को 150 मिलियन में खरीदे गए बेच दिया गया था। इस फिल्म के अधिकार को फिल्म को तेलुगु संस्करण टेलीविजन प्रीमियर 6 अक्टूबर 2019 को दशहरा के अवसर पर जेमिनी टीवी पर इसका प्रीमियर हुआ था। टेलीविजन पर इसके प्रीमियर ने टारगेट रेटिंग पॉइंट्स टीआरपी रेटिंग 9.3 दर्ज की थी, जबकि चैनल पर इसके पांचवी बार प्रीमियर ने 10.28 की टीआरपी रेटिंग दर्ज की थी, और औसतन अन्य प्रीमियर की टीआरपी रेटिंग भी 4 से अधिक है। फिल्म के डिजिटल अधिकार अमेज़न प्राइम वीडियो द्वारा खरीदे गए थे लगभग 110 मिलियन द्वारा, और इसका प्रीमियर फिल्म की नाटकीय रिलीज के 54 दिन बाद 3 जुलाई 2019 को किया गया था। फिल्म तमिल और कन्नड़ डब संस्करणों के साथ रिलीज हुई। सैटेलाइट अधिकार स्टार इंडिया द्वारा हासिल किए गए थे। फिल्म के तमिल कन्नड़ और मलयालम डब संस्करणों का प्रीमियर क्रमशः 18 अक्टूबर 2020 को स्टार विजय, स्टार सुरोना और जी केरलम पर हुआ था। फिलहाल यह ऑफिशियली हिंदी में डब नहीं हुई है। बात करें स्टोरी में आपको के ऋषि कुमार संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित एक समृद्ध कंपनी ओरिजिन के मुख्य कार्यकारी के रूप में देखने को मिलते हैं। उनको घोषित किया जाता है। वह अपनी मां को अपने साथ रहने के लिए भारत से लाता है। निधि उसकी सहकर्मी उसे आश्चर्यचकित करने के लिए एक पार्टी का आयोजन करती है। इसमें बचपन के उसके दोस्त कन्ना और जो कुछ वर्षों से उससे नहीं मिले थे प्रोफेसर चंद्रशेखर और कॉलेज के दोस्त भी शामिल होंगे। कहानी वापस फ्लैश बैक में आती है, यानी पीछे चली जाती है। 7 साल पहले ऋषि हैदराबाद के एक मध्यम वर्गीय एकल परिवार से थे। उनके पिता सत्यनारायण जो एक निजी निगम के कलर्क थे और उनकी कम कमाई के कारण कर्जा हो गया था। उसकी विफलता के कारण ऋषि के उनके यानी अपने पिता के साथ संबंध अच्छे नहीं थे। ऋषि ने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन पूरी करने के लिए वाजा की स्थिति का प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय IIT में दाखिला लिया, और इसलिए उन्हें वहां जाना पड़ा। ऋषि उनके रूममेट रविशंकर और पूजा सिया सभी सहपाठी होने के कारण सबसे अच्छे दोस्त बन जाते हैं, और करीब एक गरीब किसान का बेटा है रवि, और जैसे अपने बेटे के बारे में मासूम विमोदन ने उसे अमेरिका में अच्छी कमाई वाली नौकरी पाने के लिए एक लक्ष्य के लिए प्रेरित किया है, और वास्तव में दबाव भी डाला जाता है। उनका एक सहपाठी अजय ऋषि से ईर्ष्या करता है क्योंकि वह पढ़ाई में उसे आगे निकल गया होता है। आगे मूवी में क्या होता है मूवी में देख कर ही पता लगा। मूवी दोस्तों बहुत ही मूवी की स्टोरी भी बहुत ही बेहतरीन, आगे कई सारे ट्विस्ट देखने को मिलते हैं आपको इस मूवी में। इस मूवी को आप फ्री में देख सकते हैं डिजिटल हॉटस्टार पे, अमेजॉन प्राइम वीडियो पर सब्सक्रिप्शन के साथ। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं महर्षि एक बेहतरीन मूवी थी महेश बाबू की, जो कि 2019 में आई थी। तो यह महर्षि मूवी थी कैसी और मूवी का स्टोरी कैसा था एक्सप्लेन करने वाले हैं, और कुछ इस मूवी से इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में बात करेंगे।
तो दोस्तों यह मूवी आई थी 2019 में और इस मूवी के डायरेक्टर थे वामसी पेड़पल्ली और इस मूवी को लिखा था वामसी पेड़पल्ली और दीन और अहिशोर सुलेमान द्वारा इस मूवी को लिखा गया था। इस मूवी के बजट की बात करते हैं तो जहां तक इस मूवी का बजट था 100 से लेकर 130 करोड़ तक का और इसमें बॉक्स ऑफिस 175 से लेकर 200 करोड़ की कमाई की थी। जैसे कि आप लोग जानते हैं ज़्यादातर महेश बाबू की मूवीज रिलीज होते ही ब्लॉकबस्टर हो जाती हैं क्योंकि इनकी मूवी बहुत ही बेहतरीन होती हैं और यह उन्हीं की एक एक्शन ड्रामा फिल्म थी। इस मूवी की कास्टिंग की बात करें तो इसमें आपको महेश बाबू अमेरिका स्थित व्यवसायी ऋषि के ऋषि कुमार के रूप में देखने को मिलते हैं। पूजा हेगड़े एज पूजा महालक्ष्मी ऋषि की गर्लफ्रेंड और रविशंकर के रूप में अल्लारी नरेश ऋषि के सबसे अच्छे दोस्त और जगपति बाबू आपको एज विवेक मित्तल यानी विलन के रूप में मुंबई बेस्ड एक बिजनेसमैन और त्रिविक्रम पूजा के दादा के रूप में कैकला सत्यनारायण और पूजा के नाना कस्तूरी राम के रूप में कोटा श्रीनिवास राव देखने को मिलते हैं। ऋषि के पिता सत्यनारायण के रूप में प्रकाश राज जयसुदा यशोदा के रूप में ऋषि की माँ और मीनाक्षी दीक्षित ऐसा निधि पल्लवी के रूप में अन्या रावी की प्रेमिका देखने को मिलती हैं। कुल मिलाकर मूवी बहुत बेहतरीन है। इस मूवी में कई सारे लोग देखने को मिलते हैं और सहायक भूमिकाओं में। इस मूवी के साउंड ट्रैक की बात करें तो फिल्म का साउंड ट्रैक एल्बम और पश्चिमी संगीत देवी प्रसाद द्वारा तैयार किया गया था। संगीत सभी गीत श्री मणि द्वारा लिखे गए थे और पूरा साउंड ट्रैक एल्बम 1 मई 2019 को फिल्म के प्री रिलीज इवेंट पर जारी किया गया था जहाँ विभिन्न संगीत कलाकारों ने गाने प्रस्तुत किए थे। रिलीज की बात करें फिल्म मूल रूप से 25 अप्रैल 2019 को रिलीज होने वाली थी लेकिन 6 मार्च 2019 को दिलराजू ने घोषणा की कि पोस्ट प्रोडक्शन कार्य में देरी के कारण फिल्म को स्थगित कर दिया गया था। फिर 9 मई 2019 को नाटकीय रूप से मूवी को रिलीज किया गया था। महेश ऋषि 8 मई 2019 को भारत में इसकी आधिकारिक रिलीज से एक दिन पहले संयुक्त राज्य अमेरिका में लगभग 2500 स्क्रीनों पर रिलीज हुई। बेंगलुरु में फिल्म को 400 स्क्रीनों पर रिलीज किया गया। इस प्रकार यह उस समय की उच्च स्क्रीन वाली पहली तेलुगु फिल्म बन गई थी। फिल्म को 2020 में तमिल में उंगलुक्का और कन्नड़ में वीरा महर्षि और मलयालम में डब करके रिलीज किया गया था। फिलहाल हिंदी में इसका नाम महर्षि ही रखा गया था। फिल्म के सैटेलाइट अधिकार सन टीवी नेटवर्क द्वारा लगभग 250 मिलियन द्वारा खरीदे गए थे और तेलुगु संस्करण जेमिनी टीवी को 150 मिलियन में खरीदे गए बेच दिया गया था। इस फिल्म के अधिकार को फिल्म को तेलुगु संस्करण टेलीविजन प्रीमियर 6 अक्टूबर 2019 को दशहरा के अवसर पर जेमिनी टीवी पर इसका प्रीमियर हुआ था। टेलीविजन पर इसके प्रीमियर ने टारगेट रेटिंग पॉइंट्स टीआरपी रेटिंग 9.3 दर्ज की थी जबकि चैनल पर इसके 5वीं बार प्रीमियर ने 10.28 की टीआरपी रेटिंग दर्ज की थी और औसतन अन्य प्रीमियर की टीआरपी रेटिंग भी 4 से अधिक है। फिल्म के डिजिटल अधिकार अमेजॉन प्राइम वीडियो द्वारा खरीदे गए थे लगभग 110 मिलियन द्वारा और इसका प्रीमियर फिल्म की नाटकीय रिलीज के 54 दिन बाद 3 जुलाई 2019 को किया गया था। फिल्म तमिल और कन्नड़ डब संस्करणों के साथ रिलीज हुई। सैटेलाइट अधिकार स्टार इंडिया द्वारा हासिल किए गए थे। फिल्म के तमिल कन्नड़ और मलयालम डब संस्करणों का प्रीमियर क्रमशः 18 अक्टूबर 2020 को स्टार विजय स्टार सुरोना और जी केरलम पर हुआ था। फिलहाल यह ऑफिशियली हिंदी में डब नहीं हुई है। बात करें स्टोरी में आपको के ऋषि कुमार संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित एक समृद्ध कंपनी ओरिजिन के मुख्य कार्यकारी के रूप में देखने को मिलते हैं। उनको घोषित किया जाता है। वह अपनी मां को अपने साथ रहने के लिए भारत से लाता है। निधि उसकी सहकर्मी उसे आश्चर्य करने के लिए एक पार्टी का आयोजन करती है। इसमें बचपन के उसके दोस्त कन्ना और जो कुछ वर्षों से उससे नहीं मिले थे प्रोफेसर चंद्रशेखर और कॉलेज के दोस्त भी शामिल होंगे। कहानी वापस फ्लैशबैक में आती है यानी पीछे चली जाती है। 7 साल पहले ऋषि हैदराबाद के एक मध्यम वर्गीय एकल परिवार से थे। उनके पिता सत्यनारायण जो एक निजी निगम के कलर्क थे और उनकी कम कमाई के कारण कर्जा हो गया था। उसकी विफलता के कारण ऋषि के उनके यानी अपने पिता के साथ संबंध अच्छे नहीं थे। ऋषि ने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन पूरी करने के लिए वाजा की स्थिति का प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय IIT में दाखिला लिया और इसलिए उन्हें वहां जाना पड़ा। ऋषि उनके रूममेट रविशंकर और पूजा सिया सभी सहपाठी होने के कारण सबसे अच्छे दोस्त बन जाते हैं और एक गरीब किसान का बेटा है रवि और जैसे अपने बेटे के बारे में मासूम विमोदन ने उसे अमेरिका में अच्छी कमाई वाली नौकरी पाने के लिए एक लक्ष्य के लिए प्रेरित किया है और वास्तव में दबाव भी डाला जाता है। उनका एक सहपाठी अजय ऋषि से ईर्ष्या करता है क्योंकि वह पढ़ाई में उसे आगे निकल गया होता है। आगे मूवी में क्या होता है मूवी में देख कर ही पता लगा। मूवी दोस्तों बहुत ही मूवी की स्टोरी भी बहुत ही बेहतरीन आगे कई सारे ट्विस्ट देखने को मिलते हैं आपको इस मूवी में। इस मूवी को आप फ्री में देख सकते हैं डीजी पर हॉटस्टार पे अमेजॉन प्राइम वीडियो पर सब्सक्रिप्शन के साथ। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं महर्षि एक बेहतरीन मूवी थी महेश बाबू की जो कि 2019 में आई थी। तो यह महर्षि मूवी थी कैसी और मूवी का स्टोरी कैसा था एक्सप्लेन करने वाले हैं और कुछ इस मूवी से इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों यह मूवी आई थी 2019 में और इस मूवी के डायरेक्टर थे वामसी पेड़पल्ली
और इस मूवी को लिखा था वामसी पेड़पल्ली और दीन और अहिशोर सुलेमान द्वारा इस मूवी को लिखा गया था। इस मूवी के बजट की बात करते हैं तो जहां तक इस मूवी का बजट था 100 से लेकर 130 करोड़ तक का, और इसमें बॉक्स ऑफिस 175 से लेकर 200 करोड़ की कमाई की थी। जैसे कि आप लोग जानते हैं ज़्यादातर महेश बाबू की मूवीज रिलीज होते ही ब्लॉकबस्टर हो जाती हैं, क्योंकि इनकी मूवी बहुत ही बेहतरीन होती हैं और यह उन्हीं की एक एक्शन ड्रामा फिल्म थी। इस मूवी की कास्टिंग की बात करें तो इसमें आपको महेश बाबू अमेरिका स्थित व्यवसायी ऋषि कुमार के रूप में देखने को मिलते हैं। पूजा हेगड़े अच्छा पूजा महालक्ष्मी ऋषि की गर्लफ्रेंड, और रविशंकर के रूप में अल्लारी नरेश ऋषि के सबसे अच्छे दोस्त, और जगपति बाबू आपको एज ए विवेक मित्तल यानी विलन के रूप में मुंबई बेल्ट एक बिजनेसमैन, और त्रिविक्रम पूजा के दादा के रूप में कैकला सत्यनारायण, और पूजा के नाना कस्तूरी राम के रूप में कोटा श्रीनिवास राव देखने को मिलते हैं। ऋषि के पिता सत्यनारायण के रूप में प्रकाश राज, जयसुदा यशोदा के रूप में ऋषि की माँ, और मीनाक्षी दीक्षित ऐसा निधि पल्लवी के रूप में अन्या रावी की प्रेमिका देखने को मिलती हैं। कुल मिलाकर मूवी बहुत बेहतरीन, इस मूवी में कई सारे लोग देखने को मिलते हैं और सहायक भूमिकाओं में। इस मूवी के साउंड ट्रैक की बात करें तो फिल्म का साउंड ट्रैक एल्बम और पश्चिमी संगीत देवी प्रसाद द्वारा तैयार किया गया था। संगीत सभी गीत श्री मणि द्वारा लिखे गए थे, और पूरा साउंड ट्रैक एल्बम 1 मई 2019 को फिल्म के प्री रिलीज इवेंट पर जारी किया गया था, जहाँ विभिन्न संगीत कलाकारों ने गाने प्रस्तुत किए थे। रिलीज की बात करें फिल्म मूल रूप से 25 अप्रैल 2019 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन 6 मार्च 2019 को दिल राजू ने घोषणा की कि पोस्ट प्रोडक्शन में देरी के कारण फिल्म को स्थगित कर दिया गया था। फिर 9 मई 2019 को नाटकीय रूप से मूवी को रिलीज किया गया था। महर्षि 8 मई 2019 को भारत में इसकी आधिकारिक रिलीज से एक दिन पहले संयुक्त राज्य अमेरिका में लगभग 2500 स्क्रीनों पर रिलीज हुई। बेंगलुरु में फिल्म को 400 स्क्रीनों पर रिलीज किया गया। इस प्रकार यह उस समय की उच्च स्क्रीन वाली पहली तेलुगु फिल्म बन गई थी। फिल्म को 2020 में तमिल में पुंगलुक्का और कन्नड़ में वीरा महर्षि और मलयालम में डब करके रिलीज किया गया था। फिलहाल हिंदी में इसका नाम महर्षि ही रखा गया। फिल्म के सैटेलाइट अधिकार सन टीवी नेटवर्क द्वारा लगभग 250 मिलियन द्वारा खरीदे गए थे, और तेलुगु संस्करण जेमिनी टीवी को 150 मिलियन में खरीदे गए बेच दिया गया था। इस फिल्म के अधिकार को फिल्म को तेलुगु संस्करण टेलीविजन प्रीमियर 6 अक्टूबर 2019 को दशहरा के अवसर पर जेमिनी टीवी पर इसका प्रीमियर हुआ था। टेलीविजन पर इसके प्रीमियर ने टारगेट रेटिंग पॉइंट्स टीआरपी रेटिंग 9.3 दर्ज की थी, जबकि चैनल पर इसके 5वीं बार प्रीमियर ने 10.28 की टीआरपी रेटिंग दर्ज की थी, और औसतन अन्य प्रीमियर की टीआरपी रेटिंग भी 4 से अधिक है। फिल्म के डिजिटल अधिकार अमेज़न प्राइम वीडियो द्वारा खरीदे गए थे लगभग 110 मिलियन द्वारा, और इसका प्रीमियर फिल्म की नाटकीय रिलीज के 54 दिन बाद 3 जुलाई 2019 को किया गया था। फिल्म तमिल और कन्नड़ डब संस्करणों के साथ रिलीज हुई। सैटेलाइट अधिकार स्टार इंडिया द्वारा हासिल किए गए थे। फिल्म के तमिल कन्नड़ और मलयालम डब संस्करणों का प्रीमियर क्रमशः 18 अक्टूबर 2020 को स्टार विजय स्टार सुरोना और जी केरलम पर हुआ था। फिलहाल यह ऑफिशियली हिंदी में डब नहीं हुई है। बात करें स्टोरी में आपको के ऋषि कुमार संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित एक समृद्ध कंपनी ओरिजिन के मुख्य कार्यकारी के रूप में देखने को मिलते हैं। उनको घोषित किया जाता है। वह अपनी माँ को अपने साथ रहने के लिए भारत से लाता है। निधि उसकी सहकर्मी उसे आश्चर्य करने के लिए एक पार्टी का आयोजन करती है। इसमें बचपन के उसके दोस्त कन्ना और जो कुछ वर्षों से उससे नहीं मिले थे प्रोफेसर चंद्रशेखर और कॉलेज के दोस्त भी शामिल होंगे। कहानी वापस फ्लैशबैक में आती है यानी पीछे चली जाती है। 7 साल पहले ऋषि हैदराबाद के एक मध्यम वर्गीय एकल परिवार से थे। उनके पिता सत्यनारायण जो एक निजी निगम के क्लर्क थे और उनकी कम कमाई के कारण कर्जा हो गया था। उसकी विफलता के कारण ऋषि के उनके यानी अपने पिता के साथ संबंध अच्छे नहीं थे। ऋषि ने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन पूरी करने के लिए वाजा की स्थिति का प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय IIT में दाखिला लिया, और इसलिए उन्हें वहाँ जाना पड़ा। ऋषि उनके रूममेट रविशंकर और पूजा सिया सभी सहपाठी होने के कारण सबसे अच्छे दोस्त बन जाते हैं। और एक गरीब किसान का बेटा है रवि, और जैसे अपने बेटे के बारे में मासूम विमोदन ने उसे अमेरिका में अच्छी कमाई वाली नौकरी पाने के लिए एक लक्ष्य के लिए प्रेरित किया है, और वास्तव में दबाव भी डाला जाता है। उनका एक सहपाठी अजय ऋषि से ईर्ष्या करता है क्योंकि वह पढ़ाई में उसे आगे निकल गया होता है। आगे मूवी में क्या होता है मूवी में देख कर ही पता लगा। मूवी दोस्तों बहुत ही मूवी की स्टोरी भी बहुत ही बेहतरीन, आगे कई सारे ट्विस्ट देखने को मिलते हैं आपको इस मूवी में। इस मूवी को आप फ्री में देख सकते हैं डिजी पर हॉटस्टार पर अमेजन प्राइम वीडियो पर सब्सक्रिप्शन के साथ। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं महर्षि एक बेहतरीन मूवी थी महेश बाबू की, जो कि 2019 में आई थी। तो यह महर्षि मूवी थी कैसी और मूवी का स्टोरी कैसा था एक्सप्लेन करने वाले हैं, और कुछ इस मूवी से इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों यह मूवी आई थी 2019 में, और इस मूवी के डायरेक्टर थे वामसी पेड़पल्ली, और इस मूवी को लिखा था वामसी पेड़पल्ली और दीन और अहिशोर
सुलेमान द्वारा इस मूवी को लिखा गया था। इस मूवी के बजट की बात करते हैं तो जहां तक इस मूवी का बजट था 100 से लेकर 130 करोड़ तक का, और इसमें बॉक्स ऑफिस 175 से लेकर 200 करोड़ की कमाई की थी। जैसे कि आप लोग जानते हैं ज्यादातर महेश बाबू की मूवीज रिलीज होते ही ब्लॉकबस्टर हो जाती हैं, क्योंकि इनकी मूवी बहुत ही बेहतरीन होती हैं और यह उन्हीं की एक एक्शन ड्रामा फिल्म थी। इस मूवी की कास्टिंग की बात करें तो इसमें आपको महेश बाबू अमेरिका स्थित व्यवसायी ऋषि कुमार के रूप में देखने को मिलते हैं। पूजा हेगड़े अच्छा पूजा महालक्ष्मी ऋषि की गर्लफ्रेंड, और रविशंकर के रूप में अल्लारी नरेश ऋषि के सबसे अच्छे दोस्त, और जगपति बाबू आपको ऐसे विवेक मित्तल यानी विलन के रूप में मुंबई बेल्ट एक बिजनेसमैन, और त्रिविक्रम पूजा के दादा के रूप में कैकला सत्यनारायण, और पूजा के नाना कस्तूरी राम के रूप में कोटा श्रीनिवास राव देखने को मिलते हैं। ऋषि के पिता सत्यनारायण के रूप में प्रकाश राज, जयसुदा यशोदा के रूप में ऋषि की माँ, और मीनाक्षी दीक्षित ऐसा निधि पल्लवी के रूप में अन्य रावी की प्रेमिका देखने को मिलती हैं। कुल मिलाकर मूवी बहुत बेहतरीन, इस मूवी में कई सारे लोग देखने को मिलते हैं और सहायक भूमिकाओं में। इस मूवी के साउंड ट्रैक की बात करें तो फिल्म का साउंड ट्रैक एल्बम और पश्चिमी संगीत देवी प्रसाद द्वारा तैयार किया गया था। संगीत सभी गीत श्री मणि द्वारा लिखे गए थे, और पूरा साउंड ट्रैक एल्बम 1 मई 2019 को फिल्म के प्री रिलीज इवेंट पर जारी किया गया था, जहाँ विभिन्न संगीत कलाकारों ने गाने प्रस्तुत किए थे। रिलीज की बात करें फिल्म मूल रूप से 25 अप्रैल 2019 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन 6 मार्च 2019 को दिल राजू ने घोषणा की कि पोस्ट प्रोडक्शन कार्य में देरी के कारण फिल्म को स्थगित कर दिया गया था। फिर 9 मई 2019 को नाटकीय रूप से मूवी को रिलीज किया गया था। महर्षि 8 मई 2019 को भारत में इसकी आधिकारिक रिलीज से एक दिन पहले संयुक्त राज्य अमेरिका में लगभग 2500 स्क्रीनों पर रिलीज हुई। बेंगलुरु में फिल्म को 400 स्क्रीनों पर रिलीज किया गया। इस प्रकार यह उस समय की उच्च स्क्रीन वाली पहली तेलुगु फिल्म बन गई थी। फिल्म को 2020 में तमिल में पुंगलुक्का और कन्नड़ में वीरा महर्षि और मलयालम में डब करके रिलीज किया गया था। फिलहाल हिंदी में इसका नाम महर्षि ही रखा गया था। फिल्म के सैटेलाइट अधिकार सन टीवी नेटवर्क द्वारा लगभग 250 मिलियन द्वारा खरीदे गए थे, और तेलुगु संस्करण जेमिनी टीवी को 150 मिलियन में खरीदे गए बेच दिया गया था। इस फिल्म के अधिकार को फिल्म को तेलुगु संस्करण टेलीविजन प्रीमियर 6 अक्टूबर 2019 को दशहरा के अवसर पर जेमिनी टीवी पर इसका प्रीमियर हुआ था। टेलीविजन पर इसके प्रीमियर ने टारगेट रेटिंग पॉइंट्स TRP रेटिंग 9.3 दर्ज की थी, जबकि चैनल पर इसके 5वीं बार प्रीमियर ने 10.28 की TRP रेटिंग दर्ज की थी, और औसतन अन्य प्रीमियर की TRP रेटिंग भी 4 से अधिक है। फिल्म के डिजिटल अधिकार Amazon प्राइम वीडियो द्वारा खरीदे गए थे लगभग 110 मिलियन द्वारा, और इसका प्रीमियर फिल्म की नाटकीय रिलीज के 54 दिन बाद 3 जुलाई 2019 को किया गया था। फिल्म तमिल और कन्नड़ डब संस्करणों के साथ रिलीज हुई। सैटेलाइट अधिकार स्टार इंडिया द्वारा हासिल किए गए थे। फिल्म के तमिल कन्नड़ और मलयालम डब संस्करणों का प्रीमियर क्रमशः 18 अक्टूबर 2020 को स्टार विजय स्टार सुरणा और जी केरलम पर हुआ था। फिलहाल यह ऑफिशियली हिंदी में डब नहीं हुई है। बात करें इसमें स्टोरी में आपको केरीसी कुमार संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित एक समृद्ध कंपनी ओरिजिन के मुख्य कार्यकारी के रूप में देखने को मिलते हैं। उनको घोषित किया जाता है। वह अपनी माँ को अपने साथ रहने के लिए भारत से लाता है। निधि उसकी सहकर्मी उसे आश्चर्यित करने के लिए एक पार्टी का आयोजन करती है। इसमें बचपन के उसके दोस्त कन्ना और जो कुछ वर्षों से उससे नहीं मिले थे प्रोफेसर चंद्रशेखर और कॉलेज के दोस्त भी शामिल होंगे। कहानी वापस फ्लैशबैक में आती है यानी पीछे चली जाती है। 7 साल पहले ऋषि हैदराबाद के एक मध्यम वर्गीय एकल परिवार से थे। उनके पिता सत्यनारायण जो एक निजी निगम के क्लर्क थे और उनकी कम कमाई के कारण कर्जा हो गया था। उसकी विफलता के कारण ऋषि के उनके यानी अपने पिता के साथ संबंध अच्छे नहीं थे। ऋषि ने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन पूरी करने के लिए वाजा की स्थिति का प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय IIT में दाखिला लिया, और इसलिए उन्हें वहां जाना पड़ा। ऋषि उनके रूममेट रविशंकर और पूजा सिया सभी सहपाठी होने के कारण सबसे अच्छे दोस्त बन जाते हैं। और एक गरीब किसान का बेटा है रवि, और जैसे अपने बेटे के बारे में मासूम विमोदन ने उसे अमेरिका में अच्छी कमाई वाली नौकरी पाने के लिए एक लक्ष्य के लिए प्रेरित किया है, और वास्तव में दबाव भी डाला जाता है। उनका एक सहपाठी अजय ऋषि से ईर्ष्या करता है क्योंकि वह पढ़ाई में उसे आगे निकल गया होता है। आगे मूवी में क्या होता है मूवी में देख कर ही पता लगा। मूवी दोस्तों बहुत ही मूवी की स्टोरी भी बहुत ही बेहतरीन, आगे कई सारे ट्विस्ट देखने को मिलते हैं आपको इस मूवी में। इस मूवी को आप फ्री में देख सकते हैं डिजी पर हॉटस्टार पर अमेजॉन प्राइम वीडियो पर सब्सक्रिप्शन के साथ। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं महर्षि एक बेहतरीन मूवी थी महेश बाबू की, जो कि 2019 में आई थी। तो यह महर्षि मूवी थी कैसी और मूवी का स्टोरी कैसा था एक्सप्लेन करने वाले हैं, और कुछ इस मूवी से इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों यह मूवी आई थी 2019 में, और इस मूवी के डायरेक्टर थे वामसी पिड़पल्ली, और इस मूवी को लिखा था वामसी पिड़पल्ली और दीन और अहिशोर सुलेमान द्वारा इस मूवी को लिखा गया था। इस मूवी के बजट की बात करते हैं तो जहां तक इस मूवी का बजट था 100 से लेकर 130 करोड़ तक का, और इसमें बॉक्स ऑफिस 175 से लेकर 200 करोड़ की कमाई की थी। जैसे कि आप लोग जानते हैं ज़्यादातर महेश बाबू की मूवीज रिलीज होते ही ब्लॉकबस्टर हो जाती हैं, क्योंकि इनकी मूवी बहुत ही बेहतरीन होती हैं और यह
उन्हीं की एक एक्शन ड्रामा फिल्म थी। इस मूवी की कास्टिंग की बात करें तो इसमें आपको महेश बाबू अमेरिका स्थित व्यवसायी ऋषि के ऋषि कुमार के रूप में देखने को मिलते हैं। पूजा हेगड़े एज अ पूजा महालक्ष्मी ऋषि की गर्लफ्रेंड और रविशंकर के रूप में अल्लारी नरेश ऋषि के सबसे अच्छे दोस्त। और जगपति बाबू आपको एज ए विवेक मित्तल यानी विलन के रूप में मुंबई बेल्ट एक बिजनेसमैन और त्रिविक्रम पूजा के दादा के रूप में कैकला सत्यनारायण और पूजा के नाना कस्तूरी राम के रूप में कोटा श्रीनिवास राव देखने को मिलते हैं। ऋषि के पिता सत्यनारायण के रूप में प्रकाश राज, यशोदा यशोदा के रूप में ऋषि की माँ और मीनाक्षी दीक्षित ऐसा निधि पल्लवी के रूप में अन्य रावी की प्रेमिका देखने को मिलती हैं। कुल मिलाकर मूवी बहुत बेहतरीन। इस मूवी में कई सारे लोग देखने को मिलते हैं और सहायक भूमिकाओं में। इस मूवी के साउंड ट्रैक की बात करें तो फिल्म का साउंड ट्रैक एल्बम और पृष्ठभूमि संगीत देवी प्रसाद द्वारा तैयार किया गया था। संगीत सभी गीत श्री मणि द्वारा लिखे गए थे और पूरा साउंड ट्रैक एल्बम 1 मई 2019 को फिल्म के प्री रिलीज इवेंट पर जारी किया गया था, जहाँ विभिन्न संगीत कलाकारों ने गाने प्रस्तुत किए थे। रिलीज की बात करें, फिल्म मूल रूप से 25 अप्रैल 2019 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन 6 मार्च 2019 को दिल राजू ने घोषणा की कि पोस्ट प्रोडक्शन कार्य में देरी के कारण फिल्म को स्थगित कर दिया गया था। फिर 9 मई 2019 को नाटकीय रूप से मूवी को रिलीज किया गया था। माही ऋषि 8 मई 2019 को भारत में इसकी आधिकारिक रिलीज से एक दिन पहले संयुक्त राज्य अमेरिका में लगभग 2500 स्क्रीनों पर रिलीज हुई। बेंगलुरु में फिल्म को 400 स्क्रीनों पर रिलीज किया गया। इस प्रकार यह उस समय की उच्च स्क्रीन वाली पहली तेलुगु फिल्म बन गई थी। फिल्म को 2020 में तमिल में उंगलुक्का और कन्नड़ में वीरा महर्षि और मलयालम में डब करके रिलीज किया गया था। फिलहाल हिंदी में इसका नाम महर्षि ही रखा गया था। फिल्म के सैटेलाइट अधिकार सन टीवी नेटवर्क द्वारा लगभग 250 मिलियन द्वारा खरीदे गए थे और तेलुगु संस्करण जेमिनी टीवी को 150 मिलियन में खरीदे गए बेच दिया गया था। इस फिल्म के अधिकार को फिल्म को तेलुगु संस्करण टेलीविजन प्रीमियर 6 अक्टूबर 2019 को दशहरा के अवसर पर जेमिनी टीवी पर इसका प्रीमियर हुआ था। टेलीविजन पर इसके प्रीमियर ने टारगेट रेटिंग पॉइंट्स टीआरपी रेटिंग 9.3 दर्ज की थी, जबकि चैनल पर इसके 5वीं बार प्रीमियर ने 10.28 की टीआरपी रेटिंग दर्ज की थी और औसतन अन्य प्रीमियर की टीआरपी रेटिंग भी 4 से अधिक है। फिल्म के डिजिटल अधिकार अमेज़न प्राइम वीडियो द्वारा खरीदे गए थे लगभग 110 मिलियन द्वारा और इसका प्रीमियर फिल्म की नाटकीय रिलीज के 54 दिन बाद 3 जुलाई 2019 को किया गया था। फिल्म तमिल और कन्नड़ डब संस्करणों के साथ रिलीज हुई। सैटेलाइट अधिकार स्टार इंडिया द्वारा हासिल किए गए थे। फिल्म के तमिल कन्नड़ और मलयालम डब संस्करणों का प्रीमियर क्रमशः 18 अक्टूबर 2020 को स्टार विजय स्टार सुरोना और जी केरलम पर हुआ था। फिलहाल यह ऑफिशियली हिंदी में डब नहीं हुई है। बात करें की स्टोरी में आपको के ऋषि कुमार संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित एक समृद्ध कंपनी ओरिजिन के मुख्य कार्यकारी के रूप में देखने को मिलते हैं। उनको घोषित किया जाता है। वह अपनी मां को अपने साथ रहने के लिए भारत से लाता है। निधि उसकी सहकर्मी उसे आश्चर्यित करने के लिए एक पार्टी का आयोजन करती है। इसमें बचपन के उसके दोस्त कन्ना और जो कुछ वर्षों से उससे नहीं मिले थे प्रोफेसर चंद्रशेखर और कॉलेज के दोस्त भी शामिल होंगे। कहानी वापस फ्लैशबैक में आती है यानी पीछे चली जाती है। 7 साल पहले ऋषि हैदराबाद के एक मध्यम वर्गीय एकल परिवार से थे। उनके पिता सत्यनारायण जो एक निजी निगम के क्लर्क थे और उनकी कम कमाई के कारण कर्जा हो गया था। उसकी विफलता के कारण ऋषि के अपने पिता के साथ संबंध अच्छे नहीं थे। ऋषि ने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन पूरी करने के लिए वाजा की स्थिति का प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय IIT में दाखिला लिया और इसलिए उन्हें वहां जाना पड़ा। ऋषि उनके रूममेट रविशंकर और पूजा सिया सभी सहपाठी होने के कारण सबसे अच्छे दोस्त बन जाते हैं और करीब एक गरीब किसान का बेटा है रवि और जैसे अपने बेटे के बारे में मासूम विमोद ने उसे अमेरिका में अच्छी कमाई वाली नौकरी पाने के लिए एक लक्ष्य के लिए प्रेरित किया है और वास्तव में दबाव भी डाला जाता है। उनका एक सहपाठी अजय ऋषि से ईर्ष्या करता है क्योंकि वह पढ़ाई में उसे आगे निकल गया होता है। आगे मूवी में क्या होता है मूवी में देखकर ही पता लगा। मूवी दोस्तों बहुत ही मूवी की स्टोरी भी बहुत ही बेहतरीन। आगे कई सारे ट्विस्ट देखने को मिलते हैं आपको इस मूवी में। इस मूवी को आप फ्री में देख सकते हैं डीजी पर हॉटस्टार पे अमेजॉन प्राइम वीडियो पर सब्सक्रिप्शन के साथ। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं महर्षि एक बेहतरीन मूवी थी महेश बाबू की जो कि 2019 में आई थी। तो यह महर्षि मूवी थी कैसी और मूवी का स्टोरी कैसा था एक्सप्लेन करने वाले हैं और कुछ इस मूवी से इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों यह मूवी आई थी 2019 में और इस मूवी के डायरेक्टर थे वामसी पिड़पल्ली और इस मूवी को लिखा था वामसी पिड़पल्ली और दीन और अहिशोर सुलेमान द्वारा इस मूवी को लिखा गया था। इस मूवी के बजट की बात करते हैं तो जहां तक इस मूवी का बजट था 100 से लेकर 130 करोड़ तक का और इसमें बॉक्स ऑफिस पर 175 से लेकर 200 करोड़ की कमाई की थी। जैसे कि आप लोग जानते हैं ज़्यादातर महेश बाबू की मूवीज रिलीज होते ही ब्लॉकबस्टर हो जाती हैं क्योंकि इनकी मूवी बहुत ही बेहतरीन होती हैं और यह उन्हीं की एक एक्शन ड्रामा फिल्म थी। इस मूवी की कास्टिंग की बात करें तो इसमें आपको महेश बाबू अमेरिका स्थित व्यवसायी ऋषि के ऋषि कुमार के रूप में देखने को मिलते हैं। पूजा हेगड़े एज अ पूजा महालक्ष्मी ऋषि की
गर्लफ्रेंड और रविशंकर के रूप में अल्लारी नरेश ऋषि के सबसे अच्छे दोस्त, और जगपति बाबू आपको एज ए विवेक मित्तल यानी विलन के रूप में मुंबई बेल्ट एक बिजनेसमैन, और त्रिविक्रम पूजा के दादा के रूप में कैकला सत्यनारायण और पूजा के नाना कस्तूरी राम के रूप में कोटा श्रीनिवास राव देखने को मिलते हैं। ऋषि के पिता सत्यनारायण के रूप में प्रकाश राज, यशोदा यशोदा के रूप में ऋषि की माँ, और मीनाक्षी दीक्षित ऐसा निधि पल्लवी के रूप में अन्या रावी की प्रेमिका देखने को मिलती हैं। कुल मिलाकर मूवी बहुत बेहतरीन, इस मूवी में कई सारे लोग देखने को मिलते हैं और सहायक भूमिकाओं में। इस मूवी के साउंड ट्रैक की बात करें तो फिल्म का साउंड ट्रैक एल्बम और पश्चिमी संगीत देवी प्रसाद द्वारा तैयार किया गया था। संगीत सभी गीत श्री मणि द्वारा लिखे गए थे, और पूरा साउंड ट्रैक एल्बम 1 मई 2019 को फिल्म के प्री रिलीज इवेंट पर जारी किया गया था, जहाँ विभिन्न संगीत कलाकारों ने गाने प्रस्तुत किए थे। रिलीज की बात करें, फिल्म मूल रूप से 25 अप्रैल 2019 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन 6 मार्च 2019 को दिल राजू ने घोषणा की कि पोस्ट प्रोडक्शन कार्य में देरी के कारण फिल्म को स्थगित कर दिया गया था। फिर 9 मई 2019 को नाटकीय रूप से मूवी को रिलीज किया गया था। माहिर ऋषि 8 मई 2019 को भारत में इसकी आधिकारिक रिलीज से एक दिन पहले संयुक्त राज्य अमेरिका में लगभग 2500 स्क्रीनों पर रिलीज हुई। बेंगलुरु में फिल्म को 400 स्क्रीनों पर रिलीज किया गया। इस प्रकार यह उस समय की उच्च स्क्रीन वाली पहली तेलुगु फिल्म बन गई थी। फिल्म को 2020 में तमिल में उंगलुक्का और कन्नड़ में वीरा महर्षि और मलयालम में डब करके रिलीज किया गया था। फिलहाल हिंदी में इसका नाम महर्षि ही रखा गया था। फिल्म के सैटेलाइट अधिकार सन टीवी नेटवर्क द्वारा लगभग 250 मिलियन द्वारा खरीदे गए थे, और तेलुगु संस्करण जेमिनी टीवी को 150 मिलियन में खरीदे गए बेच दिया गया था। इस फिल्म के अधिकार को फिल्म को तेलुगु संस्करण टेलीविजन प्रीमियर 6 अक्टूबर 2019 को दशहरा के अवसर पर जेमिनी टीवी पर इसका प्रीमियर हुआ था। टेलीविजन पर इसके प्रीमियर ने टारगेट रेटिंग पॉइंट्स टीआरपी रेटिंग 9.3 दर्ज की थी, जबकि चैनल पर इसके 5वीं बार प्रीमियर ने 10.28 की टीआरपी रेटिंग दर्ज की थी, और औसतन अन्य प्रीमियर की टीआरपी रेटिंग भी 4 से अधिक है। फिल्म के डिजिटल अधिकार अमेज़न प्राइम वीडियो द्वारा खरीदे गए थे लगभग 110 मिलियन द्वारा, और इसका प्रीमियर फिल्म की नाटकीय रिलीज के 54 दिन बाद 3 जुलाई 2019 को किया गया था। फिल्म तमिल और कन्नड़ डब संस्करणों के साथ रिलीज हुई। सैटेलाइट अधिकार स्टार इंडिया द्वारा हासिल किए गए थे। फिल्म के तमिल कन्नड़ और मलयालम डब संस्करणों का प्रीमियर क्रमशः 18 अक्टूबर 2020 को स्टार विजय, स्टार सुरोना और जी केरलम पर हुआ था। फिलहाल यह ऑफिशियली हिंदी में डब नहीं हुई है। बात करें स्टोरी में आपको के ऋषि कुमार संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित एक समृद्ध कंपनी ओरिजिन के मुख्य कार्यकारी के रूप में देखने को मिलते हैं। उनको घोषित किया जाता है। वो अपनी माँ को अपने साथ रहने के लिए भारत से लाता है। निधि उसकी सहकर्मी उसे आश्चर्यचकित करने के लिए एक पार्टी का आयोजन करती है। इसमें बचपन के उसके दोस्त कन्ना और जो कुछ वर्षों से उससे नहीं मिले थे प्रोफेसर चंद्रशेखर और कॉलेज के दोस्त भी शामिल होंगे। कहानी वापस फ्लैक्स बैक में आती है, यानी पीछे चली जाती है। 7 साल पहले ऋषि हैदराबाद के एक मध्यम वर्गीय एकल परिवार से थे। उनके पिता सत्यनारायण जो एक निजी निगम के कलर्क थे और उनकी कम कमाई के कारण कर्जा हो गया था। उसकी विफलता के कारण ऋषि के अपने पिता के साथ संबंध अच्छे नहीं थे। ऋषि ने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन पूरी करने के लिए बाजार की स्थिति का प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय IIT में दाखिला लिया, और इसलिए उन्हें वहां जाना पड़ा। ऋषि उनके रूममेट रविशंकर पूजा सिया सभी सहपाठी होने के कारण सबसे अच्छे दोस्त बन जाते हैं, और करीब एक गरीब किसान का बेटा है रवि, और जैसे अपने बेटे के बारे में मासूम विमोदन ने उसे अमेरिका में अच्छी कमाई वाली नौकरी पाने के लिए एक लक्ष्य के लिए प्रेरित किया है। और वास्तव में दबाव भी डाला जाता है। उनका एक सहपाठी अजय ऋषि से ईर्ष्या करता है, क्योंकि वह पढ़ाई में उसे आगे निकल गया होता है। आगे मूवी में क्या होता है मूवी में देख कर ही पता लगा। मूवी दोस्तों बहुत ही, मूवी की स्टोरी भी बहुत ही बेहतरीन, आगे कई सारे ट्विस्ट देखने को मिलते हैं आपको इस मूवी में। इस मूवी को आप फ्री में देख सकते हैं डीजी पे, हॉटस्टार पे, अमेजॉन प्राइम वीडियो पर सब्सक्रिप्शन के साथ। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं, महर्षि एक बेहतरीन मूवी थी महेश बाबू की, जो कि 2019 में आई थी। तो यह महर्षि मूवी थी कैसी और मूवी का स्टोरी कैसा था एक्सप्लेन करने वाले हैं, और कुछ इस मूवी से इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों यह मूवी आई थी 2019 में, और इस मूवी के डायरेक्टर थे वामसी पेड़पल्ली, और इस मूवी को लिखा था वामसी पेड़पल्ली और दीन और अहिशोर सुलेमान द्वारा इस मूवी को लिखा गया था। इस मूवी के बजट की बात करते हैं तो जहां तक इस मूवी का बजट था 100 से लेकर 130 करोड़ तक का, और इसमें बॉक्स ऑफिस 175 से लेकर 200 करोड़ की कमाई की थी। जैसा कि आप लोग जानते हैं, ज़्यादातर महेश बाबू की मूवीज रिलीज होते ही ब्लॉकबस्टर हो जाती हैं, क्योंकि इनकी मूवी बहुत ही बेहतरीन होती हैं, और यह उन्हीं की एक एक्शन ड्रामा फिल्म थी। इस मूवी की कास्टिंग की बात करें तो इसमें आपको महेश बाबू अमेरिका स्थित व्यवसायी ऋषि के ऋषि कुमार के रूप में देखने को मिलते हैं। पूजा हेगड़े एज ए पूजा महालक्ष्मी ऋषि की गर्लफ्रेंड, और रविशंकर के रूप में अल्लारी नरेश ऋषि के सबसे अच्छे दोस्त, और जगपति बाबू आपको एज ए विवेक मित्तल यानी विलन के रूप में मुंबई बेल्ट एक बिजनेसमैन, और त्रिविक्रम पूजा के दादा के रूप में कैकला सत्यनारायण और पूजा के नाना कस्तूरी राम के रूप में कोटा श्रीनिवास राव देखने को मिलते हैं।
ऋषि के पिता सत्यनारायण के रूप में प्रकाश राज, जयसुदा यशोदा के रूप में ऋषि की माँ और मीनाक्षी दीक्षित ऐसा निधि पल्लवी के रूप में अन्या रावी की प्रेमिका देखने को मिलती हैं। कुल मिलाकर मूवी बहुत बेहतरीन, मूवी में कई सारे लोग देखने को मिलते हैं और सहायक भूमिकाओं में। इस मूवी के साउंड ट्रैक की बात करें तो फिल्म का साउंड ट्रैक एल्बम और पश्चिमी संगीत देवी प्रसाद द्वारा तैयार किया गया था। संगीत सभी गीत श्री मणि द्वारा लिखे गए थे और पूरा साउंड ट्रैक एल्बम 1 मई 2019 को फिल्म के प्री रिलीज इवेंट पर जारी किया गया था, जहाँ विभिन्न संगीत कलाकारों ने गाने प्रस्तुत किए थे। रिलीज की बात करें, फिल्म मूल रूप से 25 अप्रैल 2019 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन 6 मार्च 2019 को दिल राजू ने घोषणा की कि पोस्ट प्रोडक्शन कार्य में देरी के कारण फिल्म को स्थगित कर दिया गया था। फिर 9 मई 2019 को नाटकीय रूप से मूवी को रिलीज किया गया था। माहिर ऋषि 8 मई 2019 को भारत में इसकी आधिकारिक रिलीज से एक दिन पहले संयुक्त राज्य अमेरिका में लगभग 2500 स्क्रीनों पर रिलीज हुई। बेंगलुरु में फिल्म को 400 स्क्रीनों पर रिलीज किया गया। इस प्रकार यह उस समय की उच्च स्क्रीन वाली पहली तेलुगु फिल्म बन गई थी। फिल्म को 2020 में तमिल में उंगलुक्का और कन्नड़ में वीरा महर्षि और मलयालम में डब करके रिलीज किया गया था। फिलहाल हिंदी में इसका नाम महर्षि ही रखा गया था। फिल्म के सैटेलाइट अधिकार सन टीवी नेटवर्क द्वारा लगभग 250 मिलियन द्वारा खरीदे गए थे और तेलुगु संस्करण जेमिनी टीवी को 150 मिलियन में खरीदे गए बेच दिया गया था। इस फिल्म के अधिकार को फिल्म को तेलुगु संस्करण टेलीविजन प्रीमियर 6 अक्टूबर 2019 को दशहरा के अवसर पर जेमिनी टीवी पर इसका प्रीमियर हुआ था। टेलीविजन पर इसके प्रीमियर ने टारगेट रेटिंग पॉइंट्स टीआरपी रेटिंग 9.3 दर्ज की थी, जबकि चैनल पर इसके पांचवी बार प्रीमियर ने 10.28 की टीआरपी रेटिंग दर्ज की थी और औसतन अन्य प्रीमियर की टीआरपी रेटिंग भी 4 से अधिक है। फिल्म के डिजिटल अधिकार अमेज़न प्राइम वीडियो द्वारा खरीदे गए थे लगभग 110 मिलियन द्वारा और इसका प्रीमियर फिल्म की नाटकीय रिलीज के 54 दिन बाद 3 जुलाई 2019 को किया गया था। फिल्म तमिल और कन्नड़ डब संस्करणों के साथ रिलीज हुई। सैटेलाइट अधिकार स्टार इंडिया द्वारा हासिल किए गए थे। फिल्म के तमिल कन्नड़ और मलयालम डब संस्करणों का प्रीमियर क्रमशः 18 अक्टूबर 2020 को स्टार विजय, स्टार सुरोना और जी केरलम पर हुआ था। फिलहाल यह ऑफिशियली हिंदी में डब नहीं हुई है। बात करें स्टोरी में आपको के ऋषि कुमार संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित एक समृद्ध कंपनी ओरिजिन के मुख्य कार्यकारी के रूप में देखने को मिलते हैं। उनको घोषित किया जाता है। वह अपनी मां को अपने साथ रहने के लिए भारत से लाता है। निधि उसकी सहकर्मी उसे आश्चर्यचकित करने के लिए एक पार्टी का आयोजन करती है। इसमें बचपन के उसके दोस्त कन्ना और जो कुछ वर्षों से उससे नहीं मिले थे प्रोफेसर चंद्रशेखर और कॉलेज के दोस्त भी शामिल होंगे। कहानी वापस फ्लैशबैक में आती है, यानी पीछे चली जाती है। 7 साल पहले ऋषि हैदराबाद के एक मध्यम वर्गीय एकल परिवार से थे। उनके पिता सत्यनारायण जो एक निजी निगम के कलर्क थे और उनकी कम कमाई के कारण कर्जा हो गया था। उसकी विफलता के कारण ऋषि के उनके यानी अपने पिता के साथ संबंध अच्छे नहीं थे। ऋषि ने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन पूरी करने के लिए वाजा की स्थिति का प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय IIT में दाखिला लिया और इसलिए उन्हें वहां जाना पड़ा। ऋषि उनके रूममेट रविशंकर और पूजा सिया सभी सहपाठी होने के कारण सबसे अच्छे दोस्त बन जाते हैं और करीब एक गरीब किसान का बेटा है रवि और जैसे अपने बेटे के बारे में मासूम विमोदन ने उसे अमेरिका में अच्छी कमाई वाली नौकरी पाने के लिए एक लक्ष्य के लिए प्रेरित किया है और वास्तव में दबाव भी डाला जाता है। उनका एक सहपाठी अजय ऋषि से ईर्ष्या करता है क्योंकि वह पढ़ाई में उसे आगे निकल गया होता है। आगे मूवी में क्या होता है मूवी में देख कर ही पता लगा। मूवी दोस्तों बहुत ही, मूवी की स्टोरी भी बहुत ही बेहतरीन, आगे कई सारे ट्विस्ट देखने को मिलते हैं आपको इस मूवी में। इस मूवी को आप फ्री में देख सकते हैं डिजिटल हॉटस्टार पे, अमेजॉन प्राइम वीडियो पर सब्सक्रिप्शन के साथ। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं महर्षि एक बेहतरीन मूवी थी महेश बाबू की, जो कि 2019 में आई थी। तो यह महर्षि मूवी थी कैसी और मूवी का स्टोरी कैसा था एक्सप्लेन करने वाले हैं और कुछ इस मूवी से इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों यह मूवी आई थी 2019 में और इस मूवी के डायरेक्टर थे वामसी पेड़पल्ली और इस मूवी को लिखा था वामसी पेड़पल्ली और दीन और अहिशोर सुलेमान द्वारा इस मूवी को लिखा गया था। इस मूवी के बजट की बात करते हैं तो जहां तक इस मूवी का बजट था 100 से लेकर 130 करोड़ तक का और इसमें बॉक्स ऑफिस 175 से लेकर 200 करोड़ की कमाई की थी। जैसा कि आप लोग जानते हैं ज़्यादातर महेश बाबू की मूवीज रिलीज होते ही ब्लॉकबस्टर हो जाती हैं क्योंकि इनकी मूवी बहुत ही बेहतरीन होती हैं और यह उन्हीं की एक एक्शन ड्रामा फिल्म थी। इस मूवी की कास्टिंग की बात करें तो इसमें आपको महेश बाबू अमेरिका स्थित व्यवसायी ऋषि के ऋषि कुमार के रूप में देखने को मिलते हैं। पूजा हेगड़े एज पूजा महालक्ष्मी ऋषि की गर्लफ्रेंड और रविशंकर के रूप में अल्लारी नरेश ऋषि के सबसे अच्छे दोस्त और जगपति बाबू आपको एज विवेक मित्तल यानी विलन के रूप में मुंबई बेस्ड एक बिजनेसमैन और त्रिविक्रम पूजा के दादा के रूप में कैकला सत्यनारायण और पूजा के नाना कस्तूरी राम के रूप में कोटा श्रीनिवास राव देखने को मिलते हैं। ऋषि के पिता सत्यनारायण के रूप में प्रकाश राज, जयसुदा यशोदा के रूप में ऋषि की माँ और मीनाक्षी दीक्षित ऐसा निधि पल्लवी के रूप में अन्या रावी की
प्रेमिका देखने को मिलती हैं। कुल मिलाकर मूवी बहुत बेहतरीन, इस मूवी में कई सारे लोग देखने को मिलते हैं और सहायक भूमिकाओं में। इस मूवी के साउंड ट्रैक की बात करें तो फिल्म का साउंड ट्रैक एल्बम और पश्चिमी संगीत देवी प्रसाद द्वारा तैयार किया गया था। संगीत सभी गीत श्री मणि द्वारा लिखे गए थे और पूरा साउंड ट्रैक एल्बम 1 मई 2019 को फिल्म के प्री रिलीज इवेंट पर जारी किया गया था, जहाँ विभिन्न संगीत कलाकारों ने गाने प्रस्तुत किए थे। रिलीज की बात करें, फिल्म मूल रूप से 25 फरवरी 2019 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन 6 मार्च 2019 को दिल राजू ने घोषणा की कि पोस्ट प्रोडक्शन कार्य में देरी के कारण फिल्म को स्थगित कर दिया गया था। फिर 9 मई 2019 को नाटकीय रूप से मूवी को रिलीज किया गया था। महर्षि 8 मई 2019 को भारत में इसकी आधिकारिक रिलीज से एक दिन पहले संयुक्त राज्य अमेरिका में लगभग 2500 स्क्रीनों पर रिलीज हुई। बेंगलुरु में फिल्म को 400 स्क्रीनों पर रिलीज किया गया। इस प्रकार यह उस समय की उच्च स्क्रीन वाली पहली तेलुगु फिल्म बन गई थी। फिल्म को 2020 में तमिल में उंगलुक्का और कन्नड़ में वीरा महर्षि और मलयालम में डब करके रिलीज किया गया था। फिलहाल हिंदी में इसका नाम महर्षि ही रखा गया था। फिल्म के सैटेलाइट अधिकार सन टीवी नेटवर्क द्वारा लगभग 250 मिलियन द्वारा खरीदे गए थे और तेलुगु संस्करण जेमिनी टीवी को 150 मिलियन में खरीदे गए बेच दिया गया था। इस फिल्म के अधिकार को फिल्म को तेलुगु संस्करण टेलीविजन प्रीमियर 6 अक्टूबर 2019 को दशहरा के अवसर पर जेमिनी टीवी पर इसका प्रीमियर हुआ था। टेलीविजन पर इसके प्रीमियर ने टारगेट रेटिंग पॉइंट्स टीआरपी रेटिंग 9.3 दर्ज की थी, जबकि चैनल पर इसके 5वीं बार प्रीमियर ने 10.28 की टीआरपी रेटिंग दर्ज की थी और औसतन अन्य प्रीमियर की टीआरपी रेटिंग भी 4 से अधिक है। फिल्म के डिजिटल अधिकार अमेज़न प्राइम वीडियो द्वारा खरीदे गए थे लगभग 110 मिलियन द्वारा और इसका प्रीमियर फिल्म की नाटकीय रिलीज के 54 दिन बाद 3 जुलाई 2019 को किया गया था। फिल्म तमिल और कन्नड़ डब संस्करणों के साथ रिलीज हुई। सैटेलाइट अधिकार स्टार इंडिया द्वारा हासिल किए गए थे। फिल्म के तमिल कन्नड़ और मलयालम डब संस्करणों का प्रीमियर क्रमशः 18 अक्टूबर 2020 को स्टार विजय स्टार सुरोना और जी केरलम पर हुआ था। फिलहाल यह ऑफिशियली हिंदी में डब नहीं हुई है। बात करें स्टोरी में आपको केरीसी कुमार संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित एक समृद्ध कंपनी ओरिजिन के मुख्य कार्यकारी के रूप में देखने को मिलते हैं। उनको घोषित किया जाता है। वह अपनी मां को अपने साथ रहने के लिए भारत से लाता है। निधि उसकी सहकर्मी उसे आश्चर्य करने के लिए एक पार्टी का आयोजन करती है। इसमें बचपन के उसके दोस्त कन्ना और जो कुछ वर्षों से उससे नहीं मिले थे प्रोफेसर चंद्रशेखर और कॉलेज के दोस्त भी शामिल होंगे। कहानी वापस फ्लैशबैक में आती है, यानी पीछे चली जाती है। 7 साल पहले ऋषि हैदराबाद के एक मध्यम वर्गीय एकल परिवार से थे। उनके पिता सत्यनारायण जो एक निजी निगम के कलर्क थे और उनकी कम कमाई के कारण कर्जा हो गया था। उसकी विफलता के कारण ऋषि के उनके यानी अपने पिता के साथ संबंध अच्छे नहीं थे। ऋषि ने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन पूरी करने के लिए वाजा की स्थिति का प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय IIT में दाखिला लिया और इसलिए उन्हें वहां जाना पड़ा। ऋषि उनके रूममेट रविशंकर और पूजा सिया सभी सहपाठी होने के कारण सबसे अच्छे दोस्त बन जाते हैं और एक गरीब किसान का बेटा है रवि और जैसे अपने बेटे के बारे में मासूम विमोदन ने उसे अमेरिका में अच्छी कमाई वाली नौकरी पाने के लिए एक लक्ष्य के लिए प्रेरित किया है और वास्तव में दबाव भी डाला जाता है। उनका एक सहपाठी अजय ऋषि से ईर्ष्या करता है क्योंकि वह पढ़ाई में उसे आगे निकल गया होता है। आगे मूवी में क्या होता है मूवी में देख कर ही पता लगा। मूवी दोस्तों बहुत ही मूवी की स्टोरी भी बहुत ही बेहतरीन, आगे कई सारे ट्विस्ट देखने को मिलते हैं आपको इस मूवी में। इस मूवी को आप फ्री में देख सकते हैं डिजी पर हॉटस्टार पर अमेजन प्राइम वीडियो पर सब्सक्रिप्शन के साथ। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं महर्षि एक बेहतरीन मूवी थी महेश बाबू की जो कि 2019 में आई थी। तो यह महर्षि मूवी थी कैसी और मूवी का स्टोरी कैसा था एक्सप्लेन करने वाले हैं और कुछ इस मूवी से इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों यह मूवी आई थी 2019 में और इस मूवी के डायरेक्टर थे वामसी पेड़पल्ली और इस मूवी को लिखा था वामसी पेड़पल्ली और दीन और अहिशोर सुलेमान द्वारा इस मूवी को लिखा गया था। इस मूवी के बजट की बात करते हैं तो जहां तक इस मूवी का बजट था 100 से लेकर 130 करोड़ तक का और इसमें बॉक्स ऑफिस 175 से लेकर 200 करोड़ की कमाई की थी। जैसा कि आप लोग जानते हैं ज़्यादातर महेश बाबू की मूवीज रिलीज होते ही ब्लॉकबस्टर हो जाती हैं क्योंकि इनकी मूवी बहुत ही बेहतरीन होती हैं और यह उन्हीं की एक एक्शन ड्रामा फिल्म थी। इस मूवी की कास्टिंग की बात करें तो इसमें आपको महेश बाबू अमेरिका स्थित व्यवसायी ऋषि कुमार के रूप में देखने को मिलते हैं। पूजा हेगड़े अच्छा पूजा महालक्ष्मी ऋषि की गर्लफ्रेंड और रविशंकर के रूप में अल्लारी नरेश ऋषि के सबसे अच्छे दोस्त और जगपति बाबू आपको अच्छा विवेक मित्तल यानी विलन के रूप में मुंबई बेल्ट एक बिजनेसमैन और त्रिविक्रम पूजा के दादा के रूप में कैकला सत्यनारायण और पूजा के नाना कस्तूरी राम के रूप में कोटा श्रीनिवास राव देखने को मिलते हैं। ऋषि के पिता सत्यनारायण के रूप में प्रकाश राज जयसुदा के रूप में ऋषि की माँ और मीनाक्षी दीक्षित ऐसा निधि पल्लवी के रूप में अन्य रावी की
प्रेमिका देखने को मिलते हैं। कुल मिलाकर मूवी बहुत बेहतरीन, इस मूवी में कई सारे लोग देखने को मिलते हैं और सहायक भूमिकाओं में। इस मूवी के साउंड ट्रैक की बात करें तो फिल्म का साउंड ट्रैक एल्बम और पश्चिमी संगीत देवी प्रसाद द्वारा तैयार किया गया था। संगीत सभी गीत श्री मणि द्वारा लिखे गए थे और पूरा साउंड ट्रैक एल्बम 1 मई 2019 को फिल्म के प्री रिलीज इवेंट पर जारी किया गया था, जहाँ विभिन्न संगीत कलाकारों ने गाने प्रस्तुत किए थे। रिलीज की बात करें, फिल्म मूल रूप से 25 अप्रैल 2019 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन 6 मार्च 2019 को दिल राजू ने घोषणा की कि पोस्ट प्रोडक्शन कार्य में देरी के कारण फिल्म को स्थगित कर दिया गया था। फिर 9 मई 2019 को नाटकीय रूप से मूवी को रिलीज किया गया था। महर्षि 8 मई 2019 को भारत में इसकी आधिकारिक रिलीज से एक दिन पहले संयुक्त राज्य अमेरिका में लगभग 2500 स्क्रीनों पर रिलीज हुई। बेंगलुरु में फिल्म को 400 स्क्रीनों पर रिलीज किया गया। इस प्रकार यह उस समय की उच्च स्क्रीन वाली पहली तेलुगु फिल्म बन गई थी। फिल्म को 2020 में तमिल में पोंगलुक्का और कन्नड़ में वीरा महर्षि और मलयालम में डब करके रिलीज किया गया था। फिलहाल हिंदी में इसका नाम महर्षि ही रखा गया था। फिल्म के सैटेलाइट अधिकार सन टीवी नेटवर्क द्वारा लगभग 250 मिलियन द्वारा खरीदे गए थे और तेलुगु संस्करण जेमिनी टीवी को 150 मिलियन में खरीदे गए बेच दिया गया था। इस फिल्म के अधिकार को फिल्म को तेलुगु संस्करण टेलीविजन प्रीमियर 6 अक्टूबर 2019 को दशहरा के अवसर पर जेमिनी टीवी पर इसका प्रीमियर हुआ था। टेलीविजन पर इसके प्रीमियर ने टारगेट रेटिंग पॉइंट्स टीआरपी रेटिंग 9.3 दर्ज की थी, जबकि चैनल पर इसके 5वीं बार प्रीमियर ने 10.28 की टीआरपी रेटिंग दर्ज की थी और औसतन अन्य प्रीमियर की टीआरपी रेटिंग भी 4 से अधिक है। फिल्म के डिजिटल अधिकार अमेजॉन प्राइम वीडियो द्वारा खरीदे गए थे लगभग 110 मिलियन द्वारा और इसका प्रीमियर फिल्म की नाटकीय रिलीज के 54 दिन बाद 3 जुलाई 2019 को किया गया था। फिल्म तमिल और कन्नड़ डब संस्करणों के साथ रिलीज हुई। सैटेलाइट अधिकार स्टार इंडिया द्वारा हासिल किए गए थे। फिल्म के तमिल कन्नड़ और मलयालम डब संस्करणों का प्रीमियर क्रमशः 18 अक्टूबर 2020 को स्टार विजय स्टार सुरोना और जी केरलम पर हुआ था। फिलहाल यह ऑफिशियली हिंदी में डब नहीं हुई है। बात करें स्टोरी में आपको केरीसी कुमार संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित एक समृद्ध कंपनी ओरिजिन के मुख्य कार्यकारी के रूप में देखने को मिलते हैं। उनको घोषित किया जाता है। वह अपनी माँ को अपने साथ रहने के लिए भारत से लाता है। निधि उसकी सहकर्मी उसे आश्चर्य करने के लिए एक पार्टी का आयोजन करती है। इसमें बचपन के उसके दोस्त कन्ना और जो कुछ वर्षों से उससे नहीं मिले थे प्रोफेसर चंद्रशेखर और कॉलेज के दोस्त भी शामिल होंगे। कहानी वापस फ्लैशबैक में आती है, यानी पीछे चली जाती है। 7 साल पहले ऋषि हैदराबाद के एक मध्यम वर्गीय एकल परिवार से थे। उनके पिता सत्यनारायण जो एक निजी निगम के क्लर्क थे और उनकी कम कमाई के कारण कर्जा हो गया था। उसकी विफलता के कारण ऋषि के उनके यानी अपने पिता के साथ संबंध अच्छे नहीं थे। ऋषि ने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन पूरी करने के लिए वाजा की स्थिति का प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय IIT में दाखिला लिया और इसलिए उन्हें वहाँ जाना पड़ा। ऋषि उनके रूममेट रविशंकर और पूजा सिया सभी सहपाठी होने के कारण सबसे अच्छे दोस्त बन जाते हैं और एक गरीब किसान का बेटा है रवि और जैसे अपने बेटे के बारे में मासूम विमोदन ने उसे अमेरिका में अच्छी कमाई वाली नौकरी पाने के लिए एक लक्ष्य के लिए प्रेरित किया है और वास्तव में दबाव भी डाला जाता है। उनका एक सहपाठी अजय ऋषि से ईर्ष्या करता है क्योंकि वह पढ़ाई में उसे आगे निकल गया होता है। आगे मूवी में क्या होता है मूवी में देख कर ही पता लगा। मूवी दोस्तों बहुत ही मूवी की स्टोरी भी बहुत ही बेहतरीन, आगे कई सारे ट्विस्ट देखने को मिलते हैं आपको इस मूवी में। इस मूवी को आप फ्री में देख सकते हैं डीजी पर हॉटस्टार पे अमेजॉन प्राइम वीडियो पर सब्सक्रिप्शन के साथ। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं महर्षि एक बेहतरीन मूवी थी महेश बाबू की, जो कि 2019 में आई थी। तो यह महर्षि मूवी थी कैसी और मूवी का स्टोरी कैसा था एक्सप्लेन करने वाले हैं और कुछ इस मूवी से इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों यह मूवी आई थी 2019 में और इस मूवी के डायरेक्टर थे वामसी पिड़पल्ली और इस मूवी को लिखा था वामसी पिड़पल्ली और दीन और अहिशोर सुलेमान द्वारा इस मूवी को लिखा गया था। इस मूवी के बजट की बात करते हैं तो जहां तक इस मूवी का बजट था 100 से लेकर 130 करोड़ तक का और इसमें बॉक्स ऑफिस पर 175 से लेकर 200 करोड़ की कमाई की थी। जैसा कि आप लोग जानते हैं ज़्यादातर महेश बाबू की मूवीज रिलीज होते ही ब्लॉकबस्टर हो जाती हैं क्योंकि इनकी मूवी बहुत ही बेहतरीन होती हैं और यह उन्हीं की एक एक्शन ड्रामा फिल्म थी। इस मूवी की कास्टिंग की बात करें तो इसमें आपको महेश बाबू अमेरिका स्थित व्यवसायी ऋषि कुमार के रूप में देखने को मिलते हैं। पूजा हेगड़े अच्छा पूजा महालक्ष्मी ऋषि की गर्लफ्रेंड और रविशंकर के रूप में अल्लारी नरेश ऋषि के सबसे अच्छे दोस्त और जगपति बाबू आपको अच्छा विवेक मित्तल यानी विलन के रूप में मुंबई बेल्ट एक बिजनेसमैन और त्रिविक्रम पूजा के दादा के रूप में कैकला सत्यनारायण और पूजा के नाना कस्तूरी राम के रूप में कोटा श्रीनिवास राव देखने को मिलते हैं। ऋषि के पिता सत्यनारायण के रूप में प्रकाश राज, जयसुदा के रूप में ऋषि की माँ और मीनाक्षी दीक्षित
अच्छा निधि पल्लवी के रूप में, अन्य रावी की प्रेमिका देखने को मिलती हैं। कुल मिलाकर मूवी बहुत बिजनेस मूवी में कई सारे लोग देखने को मिलते हैं और सहायक भूमिकाओं में। इस मूवी के साउंड ट्रैक की बात करें तो फिल्म का साउंड ट्रैक एल्बम और पृष्ठभूमि संगीत देवी प्रसाद द्वारा तैयार किया गया था। संगीत सभी गीत श्री मणि द्वारा लिखे गए थे और पूरा साउंड ट्रैक एल्बम 1 मई 2019 को फिल्म के प्री रिलीज इवेंट पर जारी किया गया था, जहाँ विभिन्न संगीत कलाकारों ने गाने प्रस्तुत किए थे। रिलीज की बात करें, फिल्म मूल रूप से 25 फरवरी 2019 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन 6 मार्च 2019 को दिल राजू ने घोषणा की कि पोस्ट प्रोडक्शन कार्य में देरी के कारण फिल्म को स्थगित कर दिया गया था। फिर 9 मई 2019 को नाटकीय रूप से मूवी को रिलीज किया गया था। महर्षि 8 मई 2019 को भारत में इसकी आधिकारिक रिलीज से एक दिन पहले संयुक्त राज्य अमेरिका में लगभग 2500 स्क्रीनों पर रिलीज हुई। बेंगलुरु में फिल्म को 400 स्क्रीनों पर रिलीज किया गया। इस प्रकार यह उस समय की उच्च स्क्रीन वाली पहली तेलुगु फिल्म बन गई थी। फिल्म को 2020 में तमिल में पुंगलुक्का और कन्नड़ में वीरा महर्षि और मलयालम में डब करके रिलीज किया गया था। फिलहाल हिंदी में इसका नाम महर्षि ही रखा गया था। फिल्म के सैटेलाइट अधिकार सन टीवी नेटवर्क द्वारा लगभग 250 मिलियन द्वारा खरीदे गए थे और तेलुगु संस्करण जेमिनी टीवी को 150 मिलियन में खरीदे गए बेच दिया गया था। इस फिल्म के अधिकार को फिल्म को तेलुगु संस्करण टेलीविजन प्रीमियर 6 अक्टूबर 2019 को दशहरा के अवसर पर जेमिनी टीवी पर इसका प्रीमियर हुआ था। टेलीविजन पर इसके प्रीमियर ने टारगेट रेटिंग पॉइंट्स TRP रेटिंग 9.3 दर्ज की थी, जबकि चैनल पर इसके 5वीं बार प्रीमियर ने 10.28 की TRP रेटिंग दर्ज की थी और औसतन अन्य प्रीमियर की TRP रेटिंग भी 4 से अधिक है। फिल्म के डिजिटल अधिकार Amazon प्राइम वीडियो द्वारा खरीदे गए थे लगभग 110 मिलियन द्वारा और इसका प्रीमियर फिल्म की नाटकीय रिलीज के 54 दिन बाद 3 जुलाई 2019 को किया गया था। फिल्म तमिल और कन्नड़ डब संस्करणों के साथ रिलीज हुई। सैटेलाइट अधिकार स्टार इंडिया द्वारा हासिल किए गए थे। फिल्म के तमिल कन्नड़ और मलयालम डब संस्करणों का प्रीमियर क्रमशः 18 अक्टूबर 2020 को स्टार विजय स्टार सुरणा और जी केरलम पर हुआ था। फिलहाल यह ऑफिशियली हिंदी में डब नहीं हुई है। बात करें इसमें स्टोरी में आपको केरीसी कुमार संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित एक समृद्ध कंपनी ओरिजिन के मुख्य कार्यकारी के रूप में देखने को मिलते हैं। उनको घोषित किया जाता है। वह अपनी माँ को अपने साथ रहने के लिए भारत से लाता है। निधि उसकी सहकर्मी उसे आश्चर्यित करने के लिए एक पार्टी का आयोजन करती है। इसमें बचपन के उसके दोस्त कन्ना और जो कुछ वर्षों से उससे नहीं मिले थे प्रोफेसर चंद्रशेखर और कॉलेज के दोस्त भी शामिल होंगे। कहानी वापस फ्लैशबैक में आती है यानी पीछे चली जाती है। 7 साल पहले ऋषि हैदराबाद के एक मध्यम वर्गीय एकल परिवार से थे। उनके पिता सत्यनारायण जो एक निजी निगम के क्लर्क थे और उनकी कम कमाई के कारण कर्जा हो गया था। उसकी विफलता के कारण ऋषि के अपने पिता के साथ संबंध अच्छे नहीं थे। ऋषि ने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन पूरी करने के लिए वाजा की स्थिति का प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय IIT में दाखिला लिया और इसलिए उन्हें वहां जाना पड़ा। ऋषि उनके रूममेट रविशंकर और पूजा सिया सभी सहपाठी होने के कारण सबसे अच्छे दोस्त बन जाते हैं और एक गरीब किसान का बेटा है रवि और जैसे अपने बेटे के बारे में मासूम विमोदन ने उसे अमेरिका में अच्छी कमाई वाली नौकरी पाने के लिए एक लक्ष्य के लिए प्रेरित किया है और वास्तव में दबाव भी डाला जाता है। उनका एक सहपाठी अजय ऋषि से ईर्ष्या करता है क्योंकि वह पढ़ाई में उसे आगे निकल गया होता है। आगे मूवी में क्या होता है मूवी में देख कर ही पता लगा। मूवी दोस्तों बहुत ही मूवी की स्टोरी भी बहुत ही बेहतरीन, आगे कई सारे ट्विस्ट देखने को मिलते हैं आपको इस मूवी में। इस मूवी को आप फ्री में देख सकते हैं डिजी पर हॉटस्टार पर अमेजॉन प्राइम वीडियो पर सब्सक्रिप्शन के साथ। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं महर्षि एक बेहतरीन मूवी थी महेश बाबू की जो कि 2019 में आई थी। तो यह महर्षि मूवी थी कैसी और मूवी का स्टोरी कैसा था एक्सप्लेन करने वाले हैं और कुछ इस मूवी से इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों यह मूवी आई थी 2019 में और इस मूवी के डायरेक्टर थे वामसी पिड़पल्ली और इस मूवी को लिखा था वामसी पिड़पल्ली और दीन और अहिशोर सुलेमान द्वारा इस मूवी को लिखा गया था। इस मूवी के बजट की बात करते हैं तो जहां तक इस मूवी का बजट था 100 से लेकर 130 करोड़ तक का और इसमें बॉक्स ऑफिस पर 175 से लेकर 200 करोड़ की कमाई की थी। जैसे कि आप लोग जानते हैं ज़्यादातर महेश बाबू की मूवीज रिलीज होते ही ब्लॉकबस्टर हो जाती हैं क्योंकि इनकी मूवी बहुत ही बेहतरीन होती हैं और यह उन्हीं की एक एक्शन ड्रामा फिल्म थी। इस मूवी की कास्टिंग की बात करें तो इसमें आपको महेश बाबू अमेरिका स्थित व्यवसायी ऋषि कुमार के रूप में देखने को मिलते हैं। पूजा हेगड़े अच्छा पूजा महालक्ष्मी ऋषि की गर्लफ्रेंड और रविशंकर के रूप में अल्लारी नरेश ऋषि के सबसे अच्छे दोस्त और जगपति बाबू आपको अच्छा विवेक मित्तल यानी विलन के रूप में मुंबई बेल्ट एक बिजनेसमैन और त्रिविक्रम पूजा के दादा के रूप में कैकला सत्यनारायण और पूजा के नाना कस्तूरी राम के रूप में कोटा श्रीनिवास राव देखने को मिलते हैं। ऋषि के पिता सत्यनारायण के रूप में प्रकाश राज यशोदा के रूप में ऋषि की माँ और मीनाक्षी दीक्षित अच्छा निधि पल्लवी के रूप में अन्य रावी की
प्रेमिका देखने को मिलती हैं। कुल मिलाकर मूवी बहुत बेहतरीन, इस मूवी में कई सारे लोग देखने को मिलते हैं और सहायक भूमिकाओं में। इस मूवी के साउंड ट्रैक की बात करें तो फिल्म का साउंड ट्रैक एल्बम और पृष्ठभूमि संगीत देवी प्रसाद द्वारा तैयार किया गया था। संगीत सभी गीत श्री मणि द्वारा लिखे गए थे और पूरा साउंड ट्रैक एल्बम 1 मई 2019 को फिल्म के प्री रिलीज इवेंट पर जारी किया गया था, जहाँ विभिन्न संगीत कलाकारों ने गाने प्रस्तुत किए थे। रिलीज की बात करें, फिल्म मूल रूप से 25 अप्रैल 2019 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन 6 मार्च 2019 को दिल राजू ने घोषणा की कि पोस्ट प्रोडक्शन कार्य में देरी के कारण फिल्म को स्थगित कर दिया गया था। फिर 9 मई 2019 को नाटकीय रूप से मूवी को रिलीज किया गया था। महर्षि 8 मई 2019 को भारत में इसकी आधिकारिक रिलीज से एक दिन पहले संयुक्त राज्य अमेरिका में लगभग 2500 स्क्रीनों पर रिलीज हुई। बेंगलुरु में फिल्म को 400 स्क्रीनों पर रिलीज किया गया। इस प्रकार यह उस समय की उच्च स्क्रीन वाली पहली तेलुगु फिल्म बन गई थी। फिल्म को 2020 में तमिल में उंगलुक्का और कन्नड़ में वीरा महर्षि और मलयालम में डब करके रिलीज किया गया था। फिलहाल हिंदी में इसका नाम महर्षि ही रखा गया था। फिल्म के सैटेलाइट अधिकार सन टीवी नेटवर्क द्वारा लगभग 250 मिलियन द्वारा खरीदे गए थे और तेलुगु संस्करण जेमिनी टीवी को 150 मिलियन में खरीदे गए बेच दिया गया था। इस फिल्म के अधिकार को फिल्म को तेलुगु संस्करण टेलीविजन प्रीमियर 6 अक्टूबर 2019 को दशहरा के अवसर पर जेमिनी टीवी पर इसका प्रीमियर हुआ था। टेलीविजन पर इसके प्रीमियर ने टारगेट रेटिंग पॉइंट्स टीआरपी रेटिंग 9.3 दर्ज की थी, जबकि चैनल पर इसके 5वीं बार प्रीमियर ने 10.28 की टीआरपी रेटिंग दर्ज की थी और औसतन अन्य प्रीमियर की टीआरपी रेटिंग भी 4 से अधिक है। फिल्म के डिजिटल अधिकार अमेज़न प्राइम वीडियो द्वारा खरीदे गए थे लगभग 110 मिलियन द्वारा और इसका प्रीमियर फिल्म की नाटकीय रिलीज के 54 दिन बाद 3 जुलाई 2019 को किया गया था। फिल्म तमिल और कन्नड़ डब संस्करणों के साथ रिलीज हुई। सैटेलाइट अधिकार स्टार इंडिया द्वारा हासिल किए गए थे। फिल्म के तमिल कन्नड़ और मलयालम डब संस्करणों का प्रीमियर क्रमशः 18 अक्टूबर 2020 को स्टार विजय स्टार सुरणा और जी केरलम पर हुआ था। फिलहाल यह ऑफिशियली हिंदी में डब नहीं हुई है। बात करें की स्टोरी की, स्टोरी में आपको केरीसी कुमार संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित एक समृद्ध कंपनी ओरिजिन के मुख्य कार्यकारी के रूप में देखने को मिलते हैं। उनको घोषित किया जाता है। वह अपनी मां को अपने साथ रहने के लिए भारत से लाता है। निधि उसकी सहकर्मी उसे आश्चर्यित करने के लिए एक पार्टी का आयोजन करती है। इसमें बचपन के उसके दोस्त कन्ना और जो कुछ वर्षों से उससे नहीं मिले थे प्रोफेसर चंद्रशेखर और कॉलेज के दोस्त भी शामिल होंगे। कहानी वापस फ्लैशबैक में आती है, यानी पीछे चली जाती है। 7 साल पहले ऋषि हैदराबाद के एक मध्यम वर्गीय एकल परिवार से थे। उनके पिता सत्यनारायण जो एक निजी निगम के क्लर्क थे और उनकी कम कमाई के कारण कर्जा हो गया था। उसकी विफलता के कारण ऋषि के अपने पिता के साथ संबंध अच्छे नहीं थे। ऋषि ने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन पूरी करने के लिए वाजा की स्थिति का प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय IIT में दाखिला लिया और इसलिए उन्हें वहां जाना पड़ा। ऋषि उनके रूममेट रविशंकर और पूजा सिया सभी सहपाठी होने के कारण सबसे अच्छे दोस्त बन जाते हैं और करीब एक गरीब किसान का बेटा है रवि, और जैसे अपने बेटे के बारे में मासूम विमोद ने उसे अमेरिका में अच्छी कमाई वाली नौकरी पाने के लिए एक लक्ष्य के लिए प्रेरित किया है और वास्तव में दबाव भी डाला जाता है। उनका एक सहपाठी अजय कृष्ण अजय ऋषि से ईर्ष्या करता है क्योंकि वह पढ़ाई में उसे आगे निकल गया होता है। आगे मूवी में क्या होता है मूवी में देखकर ही पता लगा। मूवी दोस्तों बहुत ही, मूवी की स्टोरी भी बहुत ही बेहतरीन, आगे कई सारे ट्विस्ट देखने को मिलते हैं आपको इस मूवी में। इस मूवी को आप फ्री में देख सकते हैं डीजी पर, हॉटस्टार पे, अमेजॉन प्राइम वीडियो पर सब्सक्रिप्शन के साथ। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं, महर्षि एक बेहतरीन मूवी थी महेश बाबू की, जो कि 2019 में आई थी। तो यह महर्षि मूवी थी कैसी और मूवी का स्टोरी कैसा था एक्सप्लेन करने वाले हैं और कुछ इस मूवी से इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों यह मूवी आई थी 2019 में और इस मूवी के डायरेक्टर थे वामसी पेड़पल्ली और इस मूवी को लिखा था वामसी पेड़पल्ली और दीन और अहिशोर सुलेमान द्वारा इस मूवी को लिखा गया था। इस मूवी के बजट की बात करते हैं तो जहां तक इस मूवी का बजट था 100 से लेकर 130 करोड़ तक का और इसमें बॉक्स ऑफिस पर 175 से लेकर 200 करोड़ की कमाई की थी। जैसे कि आप लोग जानते हैं ज़्यादातर महेश बाबू की मूवीज रिलीज होते ही ब्लॉकबस्टर हो जाती हैं क्योंकि इनकी मूवी बहुत ही बेहतरीन होती हैं और यह उन्हीं की एक एक्शन ड्रामा फिल्म थी। इस मूवी की कास्टिंग की बात करें तो इसमें आपको महेश बाबू अमेरिका स्थित व्यवसायी ऋषि कुमार के रूप में देखने को मिलते हैं। पूजा हेगड़े राजा पूजा महालक्ष्मी ऋषि की गर्लफ्रेंड और रविशंकर के रूप में अल्लारी नरेश ऋषि के सबसे अच्छे दोस्त और जगपति बाबू आपको एज ए विवेक मित्तल यानी विलन के रूप में मुंबई बेल्ट एक बिजनेसमैन और त्रिविक्रम पूजा के दादा के रूप में कैकला सत्यनारायण और पूजा के नाना कस्तूरी राम के रूप में कोटा श्रीनिवास राव देखने को मिलते हैं। ऋषि के पिता सत्यनारायण के रूप में प्रकाश राज, यशोदा के रूप में ऋषि की माँ और मीनाक्षी दीक्षित ऐसा निधि पल्लवी के रूप में अन्य रावी की
प्रेमिका देखने को मिलती हैं। कुल मिलाकर मूवी बहुत बेहतरीन, इस मूवी में कई सारे लोग देखने को मिलते हैं और सहायक भूमिकाओं में। इस मूवी के साउंड ट्रैक की बात करें तो फिल्म का साउंड ट्रैक एल्बम और पश्चिमी संगीत देवी प्रसाद द्वारा तैयार किया गया था। संगीत सभी गीत श्री मणि द्वारा लिखे गए थे और पूरा साउंड ट्रैक एल्बम 1 मई 2019 को फिल्म के प्री रिलीज इवेंट पर जारी किया गया था, जहाँ विभिन्न संगीत कलाकारों ने गाने प्रस्तुत किए थे। रिलीज की बात करें, फिल्म मूल रूप से 25 अप्रैल 2019 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन 6 मार्च 2019 को दिल राजू ने घोषणा की कि पोस्ट प्रोडक्शन कार्य में देरी के कारण फिल्म को स्थगित कर दिया गया था। फिर 9 मई 2019 को नाटकीय रूप से मूवी को रिलीज किया गया था। महर्षि 8 मई 2019 को भारत में इसकी आधिकारिक रिलीज से एक दिन पहले संयुक्त राज्य अमेरिका में लगभग 2500 स्क्रीनों पर रिलीज हुई। बेंगलुरु में फिल्म को 400 स्क्रीनों पर रिलीज किया गया। इस प्रकार यह उस समय की उच्च स्क्रीन वाली पहली तेलुगु फिल्म बन गई थी। फिल्म को 2020 में तमिल में उंगलुक्का और कन्नड़ में वीरा महर्षि और मलयालम में डब करके रिलीज किया गया था। फिलहाल हिंदी में इसका नाम महर्षि ही रखा गया था। फिल्म के सैटेलाइट अधिकार सन टीवी नेटवर्क द्वारा लगभग 250 मिलियन द्वारा खरीदे गए थे और तेलुगु संस्करण जेमिनी टीवी को 150 मिलियन में खरीदे गए बेच दिया गया था। इस फिल्म के अधिकार को फिल्म को तेलुगु संस्करण टेलीविजन प्रीमियर 6 अक्टूबर 2019 को दशहरा के अवसर पर जेमिनी टीवी पर इसका प्रीमियर हुआ था। टेलीविजन पर इसके प्रीमियर ने टारगेट रेटिंग पॉइंट्स टीआरपी रेटिंग 9.3 दर्ज की थी, जबकि चैनल पर इसके 5वीं बार प्रीमियर ने 10.28 की टीआरपी रेटिंग दर्ज की थी और औसतन अन्य प्रीमियर की टीआरपी रेटिंग भी 4 से अधिक है। फिल्म के डिजिटल अधिकार अमेज़न प्राइम वीडियो द्वारा खरीदे गए थे लगभग 110 मिलियन द्वारा और इसका प्रीमियर फिल्म की नाटकीय रिलीज के 54 दिन बाद 3 जुलाई 2019 को किया गया था। फिल्म तमिल और कन्नड़ डब संस्करणों के साथ रिलीज हुई। सैटेलाइट अधिकार स्टार इंडिया द्वारा हासिल किए गए थे। फिल्म के तमिल कन्नड़ और मलयालम डब संस्करणों का प्रीमियर क्रमशः 18 अक्टूबर 2020 को स्टार विजय, स्टार सुरोना और जी केरलम पर हुआ था। फिलहाल यह ऑफिशियली हिंदी में डब नहीं हुई है। बात करें स्टोरी की, स्टोरी में आपको के ऋषि कुमार संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित एक समृद्ध कंपनी ओरिजिन के मुख्य कार्यकारी के रूप में देखने को मिलते हैं। उनको घोषित किया जाता है। वो अपनी मां को अपने साथ रहने के लिए भारत से लाता है। निधि उसकी सहकर्मी उसे आश्चर्यचकित करने के लिए एक पार्टी का आयोजन करती है। इसमें बचपन के उसके दोस्त कन्ना और जो कुछ वर्षों से उससे नहीं मिले थे प्रोफेसर चंद्रशेखर और कॉलेज के दोस्त भी शामिल होंगे। कहानी वापस फ्लैक्स बैक में आती है, यानी पीछे चली जाती है। 7 साल पहले ऋषि हैदराबाद के एक मध्यम वर्गीय एकल परिवार से थे। उनके पिता सत्यनारायण जो एक निजी निगम के कलर्क थे और उनकी कम कमाई के कारण कर्जा हो गया था। उसकी विफलता के कारण ऋषि के अपने पिता के साथ संबंध अच्छे नहीं थे। ऋषि ने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन पूरी करने के लिए वाजा की स्थिति का प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय IIT में दाखिला लिया और इसलिए उन्हें वहां जाना पड़ा। ऋषि उनके रूममेट रविशंकर और पूजा सिया सभी सहपाठी होने के कारण सबसे अच्छे दोस्त बन जाते हैं और करीब एक गरीब किसान का बेटा है रवि और जैसे अपने बेटे के बारे में मासूम विमोद ने उसे अमेरिका में अच्छी कमाई वाली नौकरी पाने के लिए एक लक्ष्य के लिए प्रेरित किया है और वास्तव में दबाव भी डाला जाता है। उनका एक सहपाठी अजय ऋषि से ईर्ष्या करता है क्योंकि वह पढ़ाई में उसे आगे निकल गया होता है। आगे मूवी में क्या होता है मूवी में देख कर ही पता लगा। मूवी दोस्तों बहुत ही, मूवी की स्टोरी भी बहुत ही बेहतरीन, आगे कई सारे ट्विस्ट देखने को मिलते हैं आपको इस मूवी में। इस मूवी को आप फ्री में देख सकते हैं डीजी पे, हॉटस्टार पे, अमेजॉन प्राइम वीडियो पर सब्सक्रिप्शन के साथ। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं महर्षि एक बेहतरीन मूवी थी महेश बाबू की, जो कि 2019 में आई थी। तो यह महर्षि मूवी थी कैसी और मूवी का स्टोरी कैसा था एक्सप्लेन करने वाले हैं और कुछ इस मूवी से इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों यह मूवी आई थी 2019 में और इस मूवी के डायरेक्टर थे वामसी पेड़पल्ली और इस मूवी को लिखा था वामसी पेड़पल्ली और दीन और अहिशोर सुलेमान द्वारा इस मूवी को लिखा गया था। इस मूवी के बजट की बात करते हैं तो जहां तक इस मूवी का बजट था 100 से लेकर 130 करोड़ तक का और इसमें बॉक्स ऑफिस 175 से लेकर 200 करोड़ की कमाई की थी। जैसे कि आप लोग जानते हैं ज़्यादातर महेश बाबू की मूवीज रिलीज होते ही ब्लॉकबस्टर हो जाती हैं क्योंकि इनकी मूवी बहुत ही बेहतरीन होती हैं और यह उन्हीं की एक एक्शन ड्रामा फिल्म थी। इस मूवी की कास्टिंग की बात करें तो इसमें आपको महेश बाबू अमेरिका स्थित व्यवसायी ऋषि के ऋषि कुमार के रूप में देखने को मिलते हैं। पूजा हेगड़े एज पूजा महालक्ष्मी ऋषि की गर्लफ्रेंड और रविशंकर के रूप में अल्लारी नरेश ऋषि के सबसे अच्छे दोस्त और जगपति बाबू आपको एज विवेक मित्तल यानी विलन के रूप में मुंबई बेस्ड एक बिजनेसमैन और त्रिविक्रम पूजा के दादा के रूप में कैकला सत्यनारायण और पूजा के नाना कस्तूरी राम के रूप में कोटा श्रीनिवास राव देखने को मिलते हैं। ऋषि के पिता सत्यनारायण के रूप में प्रकाश राज, यशोदा के रूप में ऋषि की माँ और मीनाक्षी दीक्षित ऐसा निधि पल्लवी के रूप में अन्य रावी की
प्रेमिका देखने को मिलती हैं। कुल मिलाकर मूवी बहुत बेहतरीन है। इस मूवी में कई सारे लोग देखने को मिलते हैं और सहायक भूमिकाओं में। इस मूवी के साउंड ट्रैक की बात करें तो फिल्म का साउंड ट्रैक एल्बम और पश्चिमी संगीत देवी प्रसाद द्वारा तैयार किया गया था। संगीत सभी गीत श्री मणि द्वारा लिखे गए थे और पूरा साउंड ट्रैक एल्बम 1 मई 2019 को फिल्म के प्री रिलीज इवेंट पर जारी किया गया था, जहाँ विभिन्न संगीत कलाकारों ने गाने प्रस्तुत किए थे। रिलीज की बात करें, फिल्म मूल रूप से 25 अप्रैल 2019 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन 6 मार्च 2019 को दिल राजू ने घोषणा की कि पोस्ट प्रोडक्शन कार्य में देरी के कारण फिल्म को स्थगित कर दिया गया था। फिर 9 मई 2019 को नाटकीय रूप से मूवी को रिलीज किया गया था। महर्षि 8 मई 2019 को भारत में इसकी आधिकारिक रिलीज से एक दिन पहले संयुक्त राज्य अमेरिका में लगभग 2500 स्क्रीनों पर रिलीज हुई। बेंगलुरु में फिल्म को 400 स्क्रीनों पर रिलीज किया गया। इस प्रकार यह उस समय की उच्च स्क्रीन वाली पहली तेलुगु फिल्म बन गई थी। फिल्म को 2020 में तमिल में उंगलुक्का और कन्नड़ में वीरा महर्षि और मलयालम में डब करके रिलीज किया गया था। फिलहाल हिंदी में इसका नाम महर्षि ही रखा गया था। फिल्म के सैटेलाइट अधिकार सन टीवी नेटवर्क द्वारा लगभग 250 मिलियन द्वारा खरीदे गए थे और तेलुगु संस्करण जेमिनी टीवी को 150 मिलियन में खरीदे गए बेच दिया गया था। इस फिल्म के अधिकार को फिल्म को तेलुगु संस्करण टेलीविजन प्रीमियर 6 अक्टूबर 2019 को दशहरा के अवसर पर जेमिनी टीवी पर इसका प्रीमियर हुआ था। टेलीविजन पर इसके प्रीमियर ने टारगेट रेटिंग पॉइंट्स टीआरपी रेटिंग 9.3 दर्ज की थी, जबकि चैनल पर इसके 5वीं बार प्रीमियर ने 10.28 की टीआरपी रेटिंग दर्ज की थी और औसतन अन्य प्रीमियर की टीआरपी रेटिंग भी 4 से अधिक है। फिल्म के डिजिटल अधिकार अमेज़न प्राइम वीडियो द्वारा खरीदे गए थे लगभग 110 मिलियन द्वारा और इसका प्रीमियर फिल्म की नाटकीय रिलीज के 54 दिन बाद 3 जुलाई 2019 को किया गया था। फिल्म तमिल और कन्नड़ डब संस्करणों के साथ रिलीज हुई। सैटेलाइट अधिकार स्टार इंडिया द्वारा हासिल किए गए थे। फिल्म के तमिल कन्नड़ और मलयालम डब संस्करणों का प्रीमियर क्रमशः 18 अक्टूबर 2020 को स्टार विजय स्टार सुरोना और जी केरलम पर हुआ था। फिलहाल यह ऑफिशियली हिंदी में डब नहीं हुई है। बात करें स्टोरी में आपको के ऋषि कुमार संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित एक समृद्ध कंपनी ओरिजिन के मुख्य कार्यकारी के रूप में देखने को मिलते हैं। उनको घोषित किया जाता है। वह अपनी मां को अपने साथ रहने के लिए भारत से लाता है। निधि उसकी सहकर्मी उसे आश्चर्यचकित करने के लिए एक पार्टी का आयोजन करती है। इसमें बचपन के उसके दोस्त कन्ना और जो कुछ वर्षों से उससे नहीं मिले थे प्रोफेसर चंद्रशेखर और कॉलेज के दोस्त भी शामिल होंगे। कहानी वापस फ्लैशबैक में आती है, यानी पीछे चली जाती है। 7 साल पहले ऋषि हैदराबाद के एक मध्यम वर्गीय एकल परिवार से थे। उनके पिता सत्यनारायण जो एक निजी निगम के कलर्क थे और उनकी कम कमाई के कारण कर्जा हो गया था। उसकी विफलता के कारण ऋषि के उनके यानी अपने पिता के साथ संबंध अच्छे नहीं थे। ऋषि ने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन पूरी करने के लिए वाजा की स्थिति का प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय IIT में दाखिला लिया और इसलिए उन्हें वहां जाना पड़ा। ऋषि उनके रूममेट रविशंकर और पूजा सिया सभी सहपाठी होने के कारण सबसे अच्छे दोस्त बन जाते हैं और करीब एक गरीब किसान का बेटा है रवि और जैसे अपने बेटे के बारे में मासूम विमोदन ने उसे अमेरिका में अच्छी कमाई वाली नौकरी पाने के लिए एक लक्ष्य के लिए प्रेरित किया है और वास्तव में दबाव भी डाला जाता है। उनका एक सहपाठी अजय ऋषि से ईर्ष्या करता है क्योंकि वह पढ़ाई में उसे आगे निकल गया होता है। आगे मूवी में क्या होता है मूवी में देख कर ही पता लगा। मूवी दोस्तों बहुत ही मूवी की स्टोरी भी बहुत ही बेहतरीन, आगे कई सारे ट्विस्ट देखने को मिलते हैं आपको इस मूवी में। इस मूवी को आप फ्री में देख सकते हैं डिजिटल हॉटस्टार पे अमेजन प्राइम वीडियो पर सब्सक्रिप्शन के साथ। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं महर्षि एक बेहतरीन मूवी थी महेश बाबू की, जो कि 2019 में आई थी। तो यह महर्षि मूवी थी कैसी और मूवी का स्टोरी कैसा था एक्सप्लेन करने वाले हैं और कुछ इस मूवी से इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों यह मूवी आई थी 2019 में और इस मूवी के डायरेक्टर थे वामसी पिड़पल्ली और इस मूवी को लिखा था वामसी पिड़पल्ली और दीन और अहिशोर सुलेमान द्वारा इस मूवी को लिखा गया था। इस मूवी के बजट की बात करते हैं तो जहां तक इस मूवी का बजट था 100 से लेकर 130 करोड़ तक का और इसमें बॉक्स ऑफिस पर 175 से लेकर 200 करोड़ की कमाई की थी। जैसा कि आप लोग जानते हैं ज़्यादातर महेश बाबू की मूवीज रिलीज होते ही ब्लॉकबस्टर हो जाती हैं क्योंकि इनकी मूवी बहुत ही बेहतरीन होती हैं और यह उन्हीं की एक एक्शन ड्रामा फिल्म थी। इस मूवी की कास्टिंग की बात करें तो इसमें आपको महेश बाबू अमेरिका स्थित व्यवसायी ऋषि कुमार के रूप में देखने को मिलते हैं। पूजा हेगड़े आज पूजा महालक्ष्मी ऋषि की गर्लफ्रेंड और रविशंकर के रूप में अल्लारी नरेश ऋषि के सबसे अच्छे दोस्त और जगपति बाबू आपको एज ए विवेक मित्तल यानी विलन के रूप में मुंबई बेस्ड एक बिजनेसमैन और त्रिविक्रम पूजा के दादा के रूप में कैकला सत्यनारायण और पूजा के नाना कस्तूरी राम के रूप में कोटा श्रीनिवास राव देखने को मिलते हैं। ऋषि के पिता सत्यनारायण के रूप में प्रकाश राज, जयसुदा के रूप में ऋषि की माँ और मीनाक्षी दीक्षित
ऐसा निधि पल्लवी के रूप में अन्य रावी की प्रेमिका देखने को मिलती हैं। कुल मिलाकर मूवी बहुत बेहतरीन, इस मूवी में कई सारे लोग देखने को मिलते हैं और सहायक भूमिकाओं में। इस मूवी के साउंड ट्रैक की बात करें तो फिल्म का साउंड ट्रैक एल्बम और पश्चिमी संगीत देवी प्रसाद द्वारा तैयार किया गया था। संगीत सभी गीत श्री मणि द्वारा लिखे गए थे और पूरा साउंड ट्रैक एल्बम 1 मई 2019 को फिल्म के प्री रिलीज इवेंट पर जारी किया गया था, जहाँ विभिन्न संगीत कलाकारों ने गाने प्रस्तुत किए थे। रिलीज की बात करें, फिल्म मूल रूप से 25 फरवरी 2019 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन 6 मार्च 2019 को दिल राजू ने घोषणा की कि पोस्ट प्रोडक्शन कार्य में देरी के कारण फिल्म को स्थगित कर दिया गया था। फिर 9 मई 2019 को नाटकीय रूप से मूवी को रिलीज किया गया था। माहिर ऋषि 8 मई 2019 को भारत में इसकी आधिकारिक रिलीज से एक दिन पहले संयुक्त राज्य अमेरिका में लगभग 2500 स्क्रीनों पर रिलीज हुई। बेंगलुरु में फिल्म को 400 स्क्रीनों पर रिलीज किया गया। इस प्रकार यह उस समय की उच्च स्क्रीन वाली पहली तेलुगु फिल्म बन गई थी। फिल्म को 2020 में तमिल में उंगलुक्का और कन्नड़ में वीरा महर्षि और मलयालम में डब करके रिलीज किया गया था। फिलहाल हिंदी में इसका नाम महर्षि ही रखा गया था। फिल्म के सैटेलाइट अधिकार सन टीवी नेटवर्क द्वारा लगभग 250 मिलियन द्वारा खरीदे गए थे और तेलुगु संस्करण जेमिनी टीवी को 150 मिलियन में खरीदे गए बेच दिया गया था। इस फिल्म के अधिकार को फिल्म को तेलुगु संस्करण टेलीविजन प्रीमियर 6 अक्टूबर 2019 को दशहरा के अवसर पर जेमिनी टीवी पर इसका प्रीमियर हुआ था। टेलीविजन पर इसके प्रीमियर ने टारगेट रेटिंग पॉइंट्स टीआरपी रेटिंग 9.3 दर्ज की थी, जबकि चैनल पर इसके 5वीं बार प्रीमियर ने 10.28 की टीआरपी रेटिंग दर्ज की थी और औसतन अन्य प्रीमियर की टीआरपी रेटिंग भी 4 से अधिक है। फिल्म के डिजिटल अधिकार अमेजॉन प्राइम वीडियो द्वारा खरीदे गए थे लगभग 110 मिलियन द्वारा और इसका प्रीमियर फिल्म की नाटकीय रिलीज के 54 दिन बाद 3 जुलाई 2019 को किया गया था। फिल्म तमिल और कन्नड़ डब संस्करणों के साथ रिलीज हुई। सैटेलाइट अधिकार स्टार इंडिया द्वारा हासिल किए गए थे। फिल्म के तमिल कन्नड़ और मलयालम डब संस्करणों का प्रीमियर क्रमशः 18 अक्टूबर 2020 को स्टार विजय स्टार सुरोना और जी केरलम पर हुआ था। फिलहाल यह ऑफिशियली हिंदी में डब नहीं हुई है। बात करें स्टोरी में आपको केरीसी कुमार संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित एक समृद्ध कंपनी ओरिजिन के मुख्य कार्यकारी के रूप में देखने को मिलते हैं। उनको घोषित किया जाता है। वह अपनी मां को अपने साथ रहने के लिए भारत से लाता है। निधि उसकी सहकर्मी उसे आश्चर्य करने के लिए एक पार्टी का आयोजन करती है। इसमें बचपन के उसके दोस्त कन्ना और जो कुछ वर्षों से उससे नहीं मिले थे प्रोफेसर चंद्रशेखर और कॉलेज के दोस्त भी शामिल होंगे। कहानी वापस फ्लैशबैक में आती है, यानी पीछे चली जाती है। 7 साल पहले ऋषि हैदराबाद के एक मध्यम वर्गीय एकल परिवार से थे। उनके पिता सत्यनारायण जो एक निजी निगम के कलर्क थे और उनकी कम कमाई के कारण कर्जा हो गया था। उसकी विफलता के कारण ऋषि के उनके यानी अपने पिता के साथ संबंध अच्छे नहीं थे। ऋषि ने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन पूरी करने के लिए वाजा की स्थिति का प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय IIT में दाखिला लिया और इसलिए उन्हें वहां जाना पड़ा। ऋषि उनके रूममेट रविशंकर और पूजा सिया सभी सहपाठी होने के कारण सबसे अच्छे दोस्त बन जाते हैं और एक गरीब किसान का बेटा है रवि और जैसे अपने बेटे के बारे में मासूम विमोदन ने उसे अमेरिका में अच्छी कमाई वाली नौकरी पाने के लिए एक लक्ष्य के लिए प्रेरित किया है और वास्तव में दबाव भी डाला जाता है। उनका एक सहपाठी अजय ऋषि से ईर्ष्या करता है क्योंकि वह पढ़ाई में उसे आगे निकल गया होता है। आगे मूवी में क्या होता है मूवी में देख कर ही पता लगा। मूवी दोस्तों बहुत ही मूवी की स्टोरी भी बहुत ही बेहतरीन, आगे कई सारे ट्विस्ट देखने को मिलते हैं आपको इस मूवी में। इस मूवी को आप फ्री में देख सकते हैं डीजी पर हॉटस्टार पर अमेजॉन प्राइम वीडियो पर सब्सक्रिप्शन के साथ। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं महर्षि एक बेहतरीन मूवी थी महेश बाबू की जो कि 2019 में आई थी। तो यह महर्षि मूवी थी कैसी और मूवी का स्टोरी कैसा था एक्सप्लेन करने वाले हैं और कुछ इस मूवी से इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों यह मूवी आई थी 2019 में और इस मूवी के डायरेक्टर थे वामसी पेड़पल्ली और इस मूवी को लिखा था वामसी पेड़पल्ली और दीन और अहिशोर सुलेमान द्वारा इस मूवी को लिखा गया था। इस मूवी के बजट की बात करते हैं तो जहां तक इस मूवी का बजट था 100 से लेकर 130 करोड़ तक का और इसमें बॉक्स ऑफिस 175 से लेकर 200 करोड़ की कमाई की थी। जैसे कि आप लोग जानते हैं ज़्यादातर महेश बाबू की मूवीज रिलीज होते ही ब्लॉकबस्टर हो जाती हैं क्योंकि इनकी मूवी बहुत ही बेहतरीन होती हैं और यह उन्हीं की एक एक्शन ड्रामा फिल्म थी। इस मूवी की कास्टिंग की बात करें तो इसमें आपको महेश बाबू अमेरिका स्थित व्यवसायी ऋषि कुमार के रूप में देखने को मिलते हैं। पूजा हेगड़े अच्छा पूजा महालक्ष्मी ऋषि की गर्लफ्रेंड और रविशंकर के रूप में अल्लारी नरेश ऋषि के सबसे अच्छे दोस्त और जगपति बाबू आपको अच्छा विवेक मित्तल यानी विलन के रूप में मुंबई बेल्ट एक बिजनेसमैन और त्रिविक्रम पूजा के दादा के रूप में कैकला सत्यनारायण और पूजा के नाना कस्तूरी राम के रूप में कोटा श्रीनिवास राव देखने को मिलते हैं। ऋषि के पिता सत्यनारायण के रूप में प्रकाश राज जयसुदा के रूप में ऋषि की माँ और मीनाक्षी दीक्षित
ऐसा निधि पल्लवी के रूप में अन्य रावी की प्रेमिका देखने को मिलती हैं। कुल मिलाकर मूवी बहुत बिजनेस मूवी में कई सारे लोग देखने को मिलते हैं और सहायक भूमिकाओं में। इस मूवी के साउंड ट्रैक की बात करें तो फिल्म का साउंड ट्रैक एल्बम और पश्चिमी संगीत देवी प्रसाद द्वारा तैयार किया गया था। संगीत सभी गीत श्री मणि द्वारा लिखे गए थे और पूरा साउंड ट्रैक एल्बम 1 मई 2019 को फिल्म के प्री रिलीज इवेंट पर जारी किया गया था, जहाँ विभिन्न संगीत कलाकारों ने गाने प्रस्तुत किए थे। रिलीज की बात करें, फिल्म मूल रूप से 25 फरवरी 2019 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन 6 मार्च 2019 को दिल राजू ने घोषणा की कि पोस्ट प्रोडक्शन कार्य में देरी के कारण फिल्म को स्थगित कर दिया गया था। फिर 9 मई 2019 को नाटकीय रूप से मूवी को रिलीज किया गया था। महर्षि 8 मई 2019 को भारत में इसकी आधिकारिक रिलीज से एक दिन पहले संयुक्त राज्य अमेरिका में लगभग 2500 स्क्रीनों पर रिलीज हुई। बेंगलुरु में फिल्म को 400 स्क्रीनों पर रिलीज किया गया। इस प्रकार यह उस समय की उच्च स्क्रीन वाली पहली तेलुगु फिल्म बन गई थी। फिल्म को 2020 में तमिल में पुंगलुक्का और कन्नड़ में वीरा महर्षि और मलयालम में डब करके रिलीज किया गया था। फिलहाल हिंदी में इसका नाम महर्षि ही रखा गया था। फिल्म के सैटेलाइट अधिकार सन टीवी नेटवर्क द्वारा लगभग 250 मिलियन द्वारा खरीदे गए थे और तेलुगु संस्करण जेमिनी टीवी को 150 मिलियन में खरीदे गए बेच दिया गया था। इस फिल्म के अधिकार को फिल्म को तेलुगु संस्करण टेलीविजन प्रीमियर 6 अक्टूबर 2019 को दशहरा के अवसर पर जेमिनी टीवी पर इसका प्रीमियर हुआ था। टेलीविजन पर इसके प्रीमियर ने टारगेट रेटिंग पॉइंट्स टीआरपी रेटिंग 9.3 दर्ज की थी, जबकि चैनल पर इसके 5वीं बार प्रीमियर ने 10.28 की टीआरपी रेटिंग दर्ज की थी और औसतन अन्य प्रीमियर की टीआरपी रेटिंग भी 4 से अधिक है। फिल्म के डिजिटल अधिकार अमेज़न प्राइम वीडियो द्वारा खरीदे गए थे लगभग 110 मिलियन द्वारा और इसका प्रीमियर फिल्म की नाटकीय रिलीज के 54 दिन बाद 3 जुलाई 2019 को किया गया था। फिल्म तमिल और कन्नड़ डब संस्करणों के साथ रिलीज हुई। सैटेलाइट अधिकार स्टार इंडिया द्वारा हासिल किए गए थे। फिल्म के तमिल कन्नड़ और मलयालम डब संस्करणों का प्रीमियर क्रमशः 18 अक्टूबर 2020 को स्टार विजय स्टार सुरोना और जी केरलम पर हुआ था। फिलहाल यह ऑफिशियली हिंदी में डब नहीं हुई है। बात करें स्टोरी में आपको केरीसी कुमार संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित एक समृद्ध कंपनी ओरिजिन के मुख्य कार्यकारी के रूप में देखने को मिलते हैं। उनको घोषित किया जाता है। वह अपनी माँ को अपने साथ रहने के लिए भारत से लाता है। निधि उसकी सहकर्मी उसे आश्चर्य करने के लिए एक पार्टी का आयोजन करती है। इसमें बचपन के उसके दोस्त कन्ना और जो कुछ वर्षों से उससे नहीं मिले थे प्रोफेसर चंद्रशेखर और कॉलेज के दोस्त भी शामिल होंगे। कहानी वापस फ्लैशबैक में आती है, यानी पीछे चली जाती है। 7 साल पहले ऋषि हैदराबाद के एक मध्यम वर्गीय एकल परिवार से थे। उनके पिता सत्यनारायण जो एक निजी निगम के क्लर्क थे और उनकी कम कमाई के कारण कर्जा हो गया था। उसकी विफलता के कारण ऋषि के उनके यानी अपने पिता के साथ संबंध अच्छे नहीं थे। ऋषि ने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन पूरी करने के लिए वाजा की स्थिति का प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय IIT में दाखिला लिया और इसलिए उन्हें वहाँ जाना पड़ा। ऋषि उनके रूममेट रविशंकर और पूजा सिया सभी सहपाठी होने के कारण सबसे अच्छे दोस्त बन जाते हैं और एक गरीब किसान का बेटा है रवि और जैसे अपने बेटे के बारे में मासूम विमोदन ने उसे अमेरिका में अच्छी कमाई वाली नौकरी पाने के लिए एक लक्ष्य के लिए प्रेरित किया है और वास्तव में दबाव भी डाला जाता है। उनका एक सहपाठी अजय ऋषि से ईर्ष्या करता है क्योंकि वह पढ़ाई में उसे आगे निकल गया होता है। आगे मूवी में क्या होता है मूवी में देख कर ही पता लगा। मूवी दोस्तों बहुत ही मूवी की स्टोरी भी बहुत ही बेहतरीन, आगे कई सारे ट्विस्ट देखने को मिलते हैं आपको इस मूवी में। इस मूवी को आप फ्री में देख सकते हैं डीजी पर हॉटस्टार पे अमेजन प्राइम वीडियो पर सब्सक्रिप्शन के साथ। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं महर्षि एक बेहतरीन मूवी थी महेश बाबू की जो कि 2019 में आई थी। तो यह महर्षि मूवी थी कैसी और मूवी का स्टोरी कैसा था एक्सप्लेन करने वाले हैं और कुछ इस मूवी से इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों यह मूवी आई थी 2019 में और इस मूवी के डायरेक्टर थे वामसी पिड़पल्ली और इस मूवी को लिखा था वामसी पिड़पल्ली और दीन और अहिशोर सुलेमान द्वारा इस मूवी को लिखा गया था। इस मूवी के बजट की बात करते हैं तो जहां तक इस मूवी का बजट था 100 से लेकर 130 करोड़ तक का और इसमें बॉक्स ऑफिस पर 175 से लेकर 200 करोड़ की कमाई की थी। जैसा कि आप लोग जानते हैं ज़्यादातर महेश बाबू की मूवीज रिलीज होते ही ब्लॉकबस्टर हो जाती हैं क्योंकि इनकी मूवी बहुत ही बेहतरीन होती हैं और यह उन्हीं की एक एक्शन ड्रामा फिल्म थी। इस मूवी की कास्टिंग की बात करें तो इसमें आपको महेश बाबू अमेरिका स्थित व्यवसायी ऋषि कुमार के रूप में देखने को मिलते हैं। पूजा हेगड़े अच्छा पूजा महालक्ष्मी ऋषि की गर्लफ्रेंड और रविशंकर के रूप में अल्लारी नरेश ऋषि के सबसे अच्छे दोस्त और जगपति बाबू आपको अच्छा विवेक मित्तल यानी विलन के रूप में मुंबई बेल्ट एक बिजनेसमैन और त्रिविक्रम पूजा के दादा के रूप में कैकला सत्यनारायण और पूजा के नाना कस्तूरी राम के रूप में कोटा श्रीनिवास राव देखने को मिलते हैं। ऋषि के पिता सत्यनारायण के रूप में प्रकाश राज जयसुदा यशोदा के रूप में ऋषि की माँ और मीनाक्षी दीक्षित ऐसा निधि पल्लवी के रूप में अन्य रावी की
प्रेमिका देखने को मिलती हैं। कुल मिलाकर मूवी बहुत बेहतरीन, इस मूवी में कई सारे लोग देखने को मिलते हैं और सहायक भूमिकाओं में। इस मूवी के साउंड ट्रैक की बात करें तो फिल्म का साउंड ट्रैक एल्बम और पृष्ठभूमि संगीत देवी प्रसाद द्वारा तैयार किया गया था। संगीत सभी गीत श्री मणि द्वारा लिखे गए थे और पूरा साउंड ट्रैक एल्बम 1 मई 2019 को फिल्म के प्री रिलीज इवेंट पर जारी किया गया था, जहाँ विभिन्न संगीत कलाकारों ने गाने प्रस्तुत किए थे। रिलीज की बात करें, फिल्म मूल रूप से 25 अप्रैल 2019 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन 6 मार्च 2019 को दिल राजू ने घोषणा की कि पोस्ट प्रोडक्शन कार्य में देरी के कारण फिल्म को स्थगित कर दिया गया था। फिर 9 मई 2019 को नाटकीय रूप से मूवी को रिलीज किया गया था। महर्षि 8 मई 2019 को भारत में इसकी आधिकारिक रिलीज से एक दिन पहले संयुक्त राज्य अमेरिका में लगभग 2500 स्क्रीनों पर रिलीज हुई। बेंगलुरु में फिल्म को 400 स्क्रीनों पर रिलीज किया गया। इस प्रकार यह उस समय की उच्च स्क्रीन वाली पहली तेलुगु फिल्म बन गई थी। फिल्म को 2020 में तमिल में पोंगलुक्का और कन्नड़ में वीरा महर्षि और मलयालम में डब करके रिलीज किया गया था। फिलहाल हिंदी में इसका नाम महर्षि ही रखा गया था। फिल्म के सैटेलाइट अधिकार सन टीवी नेटवर्क द्वारा लगभग 250 मिलियन द्वारा खरीदे गए थे और तेलुगु संस्करण जेमिनी टीवी को 150 मिलियन में खरीदे गए बेच दिया गया था। इस फिल्म के अधिकार को फिल्म को तेलुगु संस्करण टेलीविजन प्रीमियर 6 अक्टूबर 2019 को दशहरा के अवसर पर जेमिनी टीवी पर इसका प्रीमियर हुआ था। टेलीविजन पर इसके प्रीमियर ने टारगेट रेटिंग पॉइंट्स TRP रेटिंग 9.3 दर्ज की थी, जबकि चैनल पर इसके 5वीं बार प्रीमियर ने 10.28 की TRP रेटिंग दर्ज की थी और औसतन अन्य प्रीमियर की TRP रेटिंग भी 4 से अधिक है। फिल्म के डिजिटल अधिकार Amazon प्राइम वीडियो द्वारा खरीदे गए थे लगभग 110 मिलियन द्वारा और इसका प्रीमियर फिल्म की नाटकीय रिलीज के 54 दिन बाद 3 जुलाई 2019 को किया गया था। फिल्म तमिल और कन्नड़ डब संस्करणों के साथ रिलीज हुई। सैटेलाइट अधिकार स्टार इंडिया द्वारा हासिल किए गए थे। फिल्म के तमिल कन्नड़ और मलयालम डब संस्करणों का प्रीमियर क्रमशः 18 अक्टूबर 2020 को स्टार विजय स्टार सुरणा और जी केरलम पर हुआ था। फिलहाल यह ऑफिशियली हिंदी में डब नहीं हुई है। बात करें इसमें स्टोरी में आपको केरीसी कुमार संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित एक समृद्ध कंपनी ओरिजिन के मुख्य कार्यकारी के रूप में देखने को मिलते हैं। उनको घोषित किया जाता है। वह अपनी माँ को अपने साथ रहने के लिए भारत से लाता है। निधि उसकी सहकर्मी उसे आश्चर्यित करने के लिए एक पार्टी का आयोजन करती है। इसमें बचपन के उसके दोस्त कन्ना और जो कुछ वर्षों से उससे नहीं मिले थे प्रोफेसर चंद्रशेखर और कॉलेज के दोस्त भी शामिल होंगे। कहानी वापस फ्लैशबैक में आती है, यानी पीछे चली जाती है। 7 साल पहले ऋषि हैदराबाद के एक मध्यम वर्गीय एकल परिवार से थे। उनके पिता सत्यनारायण जो एक निजी निगम के क्लर्क थे और उनकी कम कमाई के कारण कर्जा हो गया था। उसकी विफलता के कारण ऋषि के उनके यानी अपने पिता के साथ संबंध अच्छे नहीं थे। ऋषि ने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन पूरी करने के लिए वाजा की स्थिति का प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय IIT में दाखिला लिया और इसलिए उन्हें वहां जाना पड़ा। ऋषि उनके रूममेट रविशंकर और पूजा सिया सभी सहपाठी होने के कारण सबसे अच्छे दोस्त बन जाते हैं और एक गरीब किसान का बेटा है रवि और जैसे अपने बेटे के बारे में मासूम विमोदन ने उसे अमेरिका में अच्छी कमाई वाली नौकरी पाने के लिए एक लक्ष्य के लिए प्रेरित किया है और वास्तव में दबाव भी डाला जाता है। उनका एक सहपाठी अजय ऋषि से ईर्ष्या करता है क्योंकि वह पढ़ाई में उसे आगे निकल गया होता है। आगे मूवी में क्या होता है मूवी में देख कर ही पता लगा। मूवी दोस्तों बहुत ही मूवी की स्टोरी भी बहुत ही बेहतरीन, आगे कई सारे ट्विस्ट देखने को मिलते हैं आपको इस मूवी में। इस मूवी को आप फ्री में देख सकते हैं डिजी पर हॉटस्टार पर अमेजॉन प्राइम वीडियो पर सब्सक्रिप्शन के साथ। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं महर्षि एक बेहतरीन मूवी थी महेश बाबू की, जो कि 2019 में आई थी। तो यह महर्षि मूवी थी कैसी और मूवी का स्टोरी कैसा था एक्सप्लेन करने वाले हैं और कुछ इस मूवी से इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों यह मूवी आई थी 2019 में और इस मूवी के डायरेक्टर थे वामसी पिड़पल्ली और इस मूवी को लिखा था वामसी पिड़पल्ली और दीन और अहिशोर सुलेमान द्वारा इस मूवी को लिखा गया था। इस मूवी के बजट की बात करते हैं तो जहां तक इस मूवी का बजट था 100 से लेकर 130 करोड़ तक का और इसमें बॉक्स ऑफिस पर 175 से लेकर 200 करोड़ की कमाई की थी। जैसे कि आप लोग जानते हैं ज़्यादातर महेश बाबू की मूवीज रिलीज होते ही ब्लॉकबस्टर हो जाती हैं क्योंकि इनकी मूवी बहुत ही बेहतरीन होती हैं और यह उन्हीं की एक एक्शन ड्रामा फिल्म थी। इस मूवी की कास्टिंग की बात करें तो इसमें आपको महेश बाबू अमेरिका स्थित व्यवसायी ऋषि कुमार के रूप में देखने को मिलते हैं। पूजा हेगड़े अच्छा पूजा महालक्ष्मी ऋषि की गर्लफ्रेंड और रविशंकर के रूप में अल्लारी नरेश ऋषि के सबसे अच्छे दोस्त और जगपति बाबू आपको अच्छा विवेक मित्तल यानी विलन के रूप में मुंबई बेल्ट एक बिजनेसमैन और त्रिविक्रम पूजा के दादा के रूप में कैकला सत्यनारायण और पूजा के नाना कस्तूरी राम के रूप में कोटा श्रीनिवास राव देखने को मिलते हैं। ऋषि के पिता सत्यनारायण के रूप में प्रकाश राज यशोदा के रूप में ऋषि की माँ और मीनाक्षी दीक्षित ऐसा निधि पल्लवी के रूप में अन्य रावी की
प्रेमिका देखने को मिलती हैं। कुल मिलाकर मूवी बहुत बेहतरीन, इस मूवी में कई सारे लोग देखने को मिलते हैं और सहायक भूमिकाओं में। इस मूवी के साउंड ट्रैक की बात करें तो फिल्म का साउंड ट्रैक एल्बम और पृष्ठभूमि संगीत देवी प्रसाद द्वारा तैयार किया गया था। संगीत सभी गीत श्री मणि द्वारा लिखे गए थे और पूरा साउंड ट्रैक एल्बम 1 मई 2019 को फिल्म के प्री रिलीज इवेंट पर जारी किया गया था, जहाँ विभिन्न संगीत कलाकारों ने गाने प्रस्तुत किए थे। रिलीज की बात करें, फिल्म मूल रूप से 25 अप्रैल 2019 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन 6 मार्च 2019 को दिल राजू ने घोषणा की कि पोस्ट प्रोडक्शन कार्य में देरी के कारण फिल्म को स्थगित कर दिया गया था। फिर 9 मई 2019 को नाटकीय रूप से मूवी को रिलीज किया गया था। महर्षि 8 मई 2019 को भारत में इसकी आधिकारिक रिलीज से एक दिन पहले संयुक्त राज्य अमेरिका में लगभग 2500 स्क्रीनों पर रिलीज हुई। बेंगलुरु में फिल्म को 400 स्क्रीनों पर रिलीज किया गया। इस प्रकार यह उस समय की उच्च स्क्रीन वाली पहली तेलुगु फिल्म बन गई थी। फिल्म को 2020 में तमिल में उंगलुक्का और कन्नड़ में वीरा महर्षि और मलयालम में डब करके रिलीज किया गया था। फिलहाल हिंदी में इसका नाम महर्षि ही रखा गया था। फिल्म के सैटेलाइट अधिकार सन टीवी नेटवर्क द्वारा लगभग 250 मिलियन द्वारा खरीदे गए थे और तेलुगु संस्करण जेमिनी टीवी को 150 मिलियन में खरीदे गए बेच दिया गया था। इस फिल्म के अधिकार को फिल्म को तेलुगु संस्करण टेलीविजन प्रीमियर 6 अक्टूबर 2019 को दशहरा के अवसर पर जेमिनी टीवी पर इसका प्रीमियर हुआ था। टेलीविजन पर इसके प्रीमियर ने टारगेट रेटिंग पॉइंट्स टीआरपी रेटिंग 9.3 दर्ज की थी, जबकि चैनल पर इसके 5वीं बार प्रीमियर ने 10.28 की टीआरपी रेटिंग दर्ज की थी और औसतन अन्य प्रीमियर की टीआरपी रेटिंग भी 4 से अधिक है। फिल्म के डिजिटल अधिकार अमेज़न प्राइम वीडियो द्वारा खरीदे गए थे लगभग 110 मिलियन द्वारा और इसका प्रीमियर फिल्म की नाटकीय रिलीज के 54 दिन बाद 3 जुलाई 2019 को किया गया था। फिल्म तमिल और कन्नड़ डब संस्करणों के साथ रिलीज हुई। सैटेलाइट अधिकार स्टार इंडिया द्वारा हासिल किए गए थे। फिल्म के तमिल कन्नड़ और मलयालम डब संस्करणों का प्रीमियर क्रमशः 18 अक्टूबर 2020 को स्टार विजय स्टार सुरोना और जी केरलम पर हुआ था। फिलहाल यह ऑफिशियली हिंदी में डब नहीं हुई है। बात करें की स्टोरी की, स्टोरी में आपको केरीसी कुमार संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित एक समृद्ध कंपनी ओरिजिन के मुख्य कार्यकारी के रूप में देखने को मिलते हैं। उनको घोषित किया जाता है। वह अपनी मां को अपने साथ रहने के लिए भारत से लाता है। निधि उसकी सहकर्मी उसे आश्चर्यित करने के लिए एक पार्टी का आयोजन करती है। इसमें बचपन के उसके दोस्त कन्ना और जो कुछ वर्षों से उससे नहीं मिले थे प्रोफेसर चंद्रशेखर और कॉलेज के दोस्त भी शामिल होंगे। कहानी वापस फ्लैशबैक में आती है, यानी पीछे चली जाती है। 7 साल पहले ऋषि हैदराबाद के एक मध्यम वर्गीय एकल परिवार से थे। उनके पिता सत्यनारायण जो एक निजी निगम के क्लर्क थे और उनकी कम कमाई के कारण कर्जा हो गया था। उसकी विफलता के कारण ऋषि के अपने पिता के साथ संबंध अच्छे नहीं थे। ऋषि ने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन पूरी करने के लिए वाजा की स्थिति का प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय IIT में दाखिला लिया और इसलिए उन्हें वहां जाना पड़ा। ऋषि उनके रूममेट रविशंकर और पूजा सिया सभी सहपाठी होने के कारण सबसे अच्छे दोस्त बन जाते हैं और करीब एक गरीब किसान का बेटा है रवि और जैसे अपने बेटे के बारे में मासूम विमोद ने उसे अमेरिका में अच्छी कमाई वाली नौकरी पाने के लिए एक लक्ष्य के लिए प्रेरित किया है और वास्तव में दबाव भी डाला जाता है। उनका एक सहपाठी अजय ऋषि से ईर्ष्या करता है क्योंकि वह पढ़ाई में उसे आगे निकल गया होता है। आगे मूवी में क्या होता है मूवी में देखकर ही पता लगा। मूवी दोस्तों बहुत ही मूवी की स्टोरी भी बहुत ही बेहतरीन, आगे कई सारे ट्विस्ट देखने को मिलते हैं आपको इस मूवी में। इस मूवी को आप फ्री में देख सकते हैं डीजी पर, हॉटस्टार पे, अमेजॉन प्राइम वीडियो पर सब्सक्रिप्शन के साथ। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं महर्षि एक बेहतरीन मूवी थी महेश बाबू की, जो कि 2019 में आई थी। तो यह महर्षि मूवी थी कैसी और मूवी का स्टोरी कैसा था एक्सप्लेन करने वाले हैं और कुछ इस मूवी से इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों यह मूवी आई थी 2019 में और इस मूवी के डायरेक्टर थे वामसी पिड़पल्ली और इस मूवी को लिखा था वामसी पिड़पल्ली और दीन और अहिशोर सुलेमान द्वारा इस मूवी को लिखा गया था। इस मूवी के बजट की बात करते हैं तो जहां तक इस मूवी का बजट था 100 से लेकर 130 करोड़ तक का और इसमें बॉक्स ऑफिस पर 175 से लेकर 200 करोड़ की कमाई की थी। जैसे कि आप लोग जानते हैं ज़्यादातर महेश बाबू की मूवीज रिलीज होते ही ब्लॉकबस्टर हो जाती हैं क्योंकि इनकी मूवी बहुत ही बेहतरीन होती हैं और यह उन्हीं की एक एक्शन ड्रामा फिल्म थी। इस मूवी की कास्टिंग की बात करें तो इसमें आपको महेश बाबू अमेरिका स्थित व्यवसायी ऋषि कुमार के रूप में देखने को मिलते हैं। पूजा हेगड़े राजा पूजा महालक्ष्मी ऋषि की गर्लफ्रेंड और रविशंकर के रूप में अल्लारी नरेश ऋषि के सबसे अच्छे दोस्त और जगपति बाबू आपको एज ए विवेक मित्तल यानी विलन के रूप में मुंबई बेल्ट एक बिजनेसमैन और त्रिविक्रम पूजा के दादा के रूप में कैकला सत्यनारायण और पूजा के नाना कस्तूरी राम के रूप में कोटा श्रीनिवास राव देखने को मिलते हैं। ऋषि के पिता सत्यनारायण के रूप में प्रकाश राज यशोदा के रूप में ऋषि की माँ और मीनाक्षी दीक्षित ऐसा निधि पल्लवी के रूप में अन्य रावी की
प्रेमिका देखने को मिलती हैं। कुल मिलाकर मूवी बहुत बेहतरीन, इस मूवी में कई सारे लोग देखने को मिलते हैं और सहायक भूमिकाओं में। इस मूवी के साउंड ट्रैक की बात करें तो फिल्म का साउंड ट्रैक एल्बम और पश्चिमी संगीत देवी प्रसाद द्वारा तैयार किया गया था। संगीत सभी गीत श्री मणि द्वारा लिखे गए थे और पूरा साउंड ट्रैक एल्बम 1 मई 2019 को फिल्म के प्री रिलीज इवेंट पर जारी किया गया था, जहाँ विभिन्न संगीत कलाकारों ने गाने प्रस्तुत किए थे। रिलीज की बात करें, फिल्म मूल रूप से 25 अप्रैल 2019 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन 6 मार्च 2019 को दिल राजू ने घोषणा की कि पोस्ट प्रोडक्शन कार्य में देरी के कारण फिल्म को स्थगित कर दिया गया था। फिर 9 मई 2019 को नाटकीय रूप से मूवी को रिलीज किया गया था। महर्षि 8 मई 2019 को भारत में इसकी आधिकारिक रिलीज से एक दिन पहले संयुक्त राज्य अमेरिका में लगभग 2500 स्क्रीनों पर रिलीज हुई। बेंगलुरु में फिल्म को 400 स्क्रीनों पर रिलीज किया गया। इस प्रकार यह उस समय की उच्च स्क्रीन वाली पहली तेलुगु फिल्म बन गई थी। फिल्म को 2020 में तमिल में उंगलुक्का और कन्नड़ में वीरा महर्षि और मलयालम में डब करके रिलीज किया गया था। फिलहाल हिंदी में इसका नाम महर्षि ही रखा गया था। फिल्म के सैटेलाइट अधिकार सन टीवी नेटवर्क द्वारा लगभग 250 मिलियन द्वारा खरीदे गए थे और तेलुगु संस्करण जेमिनी टीवी को 150 मिलियन में खरीदे गए बेच दिया गया था। इस फिल्म के अधिकार को फिल्म को तेलुगु संस्करण टेलीविजन प्रीमियर 6 अक्टूबर 2019 को दशहरा के अवसर पर जेमिनी टीवी पर इसका प्रीमियर हुआ था। टेलीविजन पर इसके प्रीमियर ने टारगेट रेटिंग पॉइंट्स टीआरपी रेटिंग 9.3 दर्ज की थी, जबकि चैनल पर इसके 5वीं बार प्रीमियर ने 10.28 की टीआरपी रेटिंग दर्ज की थी और औसतन अन्य प्रीमियर की टीआरपी रेटिंग भी 4 से अधिक है। फिल्म के डिजिटल अधिकार अमेज़न प्राइम वीडियो द्वारा खरीदे गए थे लगभग 110 मिलियन द्वारा और इसका प्रीमियर फिल्म की नाटकीय रिलीज के 54 दिन बाद 3 जुलाई 2019 को किया गया था। फिल्म तमिल और कन्नड़ डब संस्करणों के साथ रिलीज हुई। सैटेलाइट अधिकार स्टार इंडिया द्वारा हासिल किए गए थे। फिल्म के तमिल कन्नड़ और मलयालम डब संस्करणों का प्रीमियर क्रमशः 18 अक्टूबर 2020 को स्टार विजय, स्टार सुरोना और जी केरलम पर हुआ था। फिलहाल यह ऑफिशियली हिंदी में डब नहीं हुई है। बात करें स्टोरी की स्टोरी में आपको के ऋषि कुमार संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित एक समृद्ध कंपनी ओरिजिन के मुख्य कार्यकारी के रूप में देखने को मिलते हैं। उनको घोषित किया जाता है। वो अपनी माँ को अपने साथ रहने के लिए भारत से लाता है। निधि उसकी सहकर्मी उसे आश्चर्यचकित करने के लिए एक पार्टी का आयोजन करती है। इसमें बचपन के उसके दोस्त कन्ना और जो कुछ वर्षों से उससे नहीं मिले थे प्रोफेसर चंद्रशेखर और कॉलेज के दोस्त भी शामिल होंगे। कहानी वापस फ्लैक्स बैक में आती है, यानी पीछे चली जाती है। 7 साल पहले ऋषि हैदराबाद के एक मध्यम वर्गीय एकल परिवार से थे। उनके पिता सत्यनारायण जो एक निजी निगम के कलर्क थे और उनकी कम कमाई के कारण कर्जा हो गया था। उसकी विफलता के कारण ऋषि के अपने पिता के साथ संबंध अच्छे नहीं थे। ऋषि ने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन पूरी करने के लिए वाजा की स्थिति का प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय IIT में दाखिला लिया और इसलिए उन्हें वहां जाना पड़ा। ऋषि उनके रूममेट रविशंकर और पूजा सिया सभी सहपाठी होने के कारण सबसे अच्छे दोस्त बन जाते हैं और करीब एक गरीब किसान का बेटा है रवि और जैसे अपने बेटे के बारे में मासूम विमोद ने उसे अमेरिका में अच्छी कमाई वाली नौकरी पाने के लिए एक लक्ष्य के लिए प्रेरित किया है और वास्तव में दबाव भी डाला जाता है। उनका एक सहपाठी अजय ऋषि से ईर्ष्या करता है क्योंकि वह पढ़ाई में उसे आगे निकल गया होता है। आगे मूवी में क्या होता है मूवी में देख कर ही पता लगा। मूवी दोस्तों बहुत ही मूवी की स्टोरी भी बहुत ही बेहतरीन, आगे कई सारे ट्विस्ट देखने को मिलते हैं आपको इस मूवी में। इस मूवी को आप फ्री में देख सकते हैं डीजी पर, हॉटस्टार पे, अमेजॉन प्राइम वीडियो पर सब्सक्रिप्शन के साथ। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं महर्षि एक बेहतरीन मूवी थी महेश बाबू की, जो कि 2019 में आई थी। तो यह महर्षि मूवी थी कैसी और मूवी का स्टोरी कैसा था एक्सप्लेन करने वाले हैं और कुछ इस मूवी से इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों यह मूवी आई थी 2019 में और इस मूवी के डायरेक्टर थे वामसी पेड़पल्ली और इस मूवी को लिखा था वामसी पेड़पल्ली और दीन और अहिशोर सुलेमान द्वारा इस मूवी को लिखा गया था। इस मूवी के बजट की बात करते हैं तो जहां तक इस मूवी का बजट था 100 से लेकर 130 करोड़ तक का और इसमें बॉक्स ऑफिस 175 से लेकर 200 करोड़ की कमाई की थी। जैसे कि आप लोग जानते हैं ज़्यादातर महेश बाबू की मूवीज रिलीज होते ही ब्लॉकबस्टर हो जाती हैं क्योंकि इनकी मूवी बहुत ही बेहतरीन होती हैं और यह उन्हीं की एक एक्शन ड्रामा फिल्म थी। इस मूवी की कास्टिंग की बात करें तो इसमें आपको महेश बाबू अमेरिका स्थित व्यवसायी ऋषि के ऋषि कुमार के रूप में देखने को मिलते हैं। पूजा हेगड़े एज पूजा महालक्ष्मी ऋषि की गर्लफ्रेंड और रविशंकर के रूप में अल्लारी नरेश ऋषि के सबसे अच्छे दोस्त और जगपति बाबू आपको एज विवेक मित्तल यानी विलन के रूप में मुंबई बेस्ड एक बिजनेसमैन और त्रिविक्रम पूजा के दादा के रूप में कैकला सत्यनारायण और पूजा के नाना कस्तूरी राम के रूप में कोटा श्रीनिवास राव देखने को मिलते हैं। ऋषि के पिता सत्यनारायण के रूप में प्रकाश राज, यशोदा के रूप में ऋषि की माँ और मीनाक्षी दीक्षित ऐसा निधि पल्लवी के रूप में अन्य रावी की
प्रेमिका देखने को मिलती हैं। कुल मिलाकर मूवी बहुत बेहतरीन है। इस मूवी में कई सारे लोग देखने को मिलते हैं और सहायक भूमिकाओं में। इस मूवी के साउंड ट्रैक की बात करें तो फिल्म का साउंड ट्रैक एल्बम और पश्चिमी संगीत देवी प्रसाद द्वारा तैयार किया गया था। संगीत सभी गीत श्री मणि द्वारा लिखे गए थे और पूरा साउंड ट्रैक एल्बम 1 मई 2019 को फिल्म के प्री रिलीज इवेंट पर जारी किया गया था, जहाँ विभिन्न संगीत कलाकारों ने गाने प्रस्तुत किए थे। रिलीज की बात करें, फिल्म मूल रूप से 25 अप्रैल 2019 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन 6 मार्च 2019 को दिल राजू ने घोषणा की कि पोस्ट प्रोडक्शन कार्य में देरी के कारण फिल्म को स्थगित कर दिया गया था। फिर 9 मई 2019 को नाटकीय रूप से मूवी को रिलीज किया गया था। महर्षि 8 मई 2019 को भारत में इसकी आधिकारिक रिलीज से एक दिन पहले संयुक्त राज्य अमेरिका में लगभग 2500 स्क्रीनों पर रिलीज हुई। बेंगलुरु में फिल्म को 400 स्क्रीनों पर रिलीज किया गया। इस प्रकार यह उस समय की उच्च स्क्रीन वाली पहली तेलुगु फिल्म बन गई थी। फिल्म को 2020 में तमिल में उंगलुक्का और कन्नड़ में वीरा महर्षि और मलयालम में डब करके रिलीज किया गया था। फिलहाल हिंदी में इसका नाम महर्षि ही रखा गया था। फिल्म के सैटेलाइट अधिकार सन टीवी नेटवर्क द्वारा लगभग 250 मिलियन द्वारा खरीदे गए थे और तेलुगु संस्करण जेमिनी टीवी को 150 मिलियन में खरीदे गए बेच दिया गया था। इस फिल्म के अधिकार को फिल्म को तेलुगु संस्करण टेलीविजन प्रीमियर 6 अक्टूबर 2019 को दशहरा के अवसर पर जेमिनी टीवी पर इसका प्रीमियर हुआ था। टेलीविजन पर इसके प्रीमियर ने टारगेट रेटिंग पॉइंट्स टीआरपी रेटिंग 9.3 दर्ज की थी, जबकि चैनल पर इसके 5वीं बार प्रीमियर ने 10.28 की टीआरपी रेटिंग दर्ज की थी और औसतन अन्य प्रीमियर की टीआरपी रेटिंग भी 4 से अधिक है। फिल्म के डिजिटल अधिकार अमेज़न प्राइम वीडियो द्वारा खरीदे गए थे लगभग 110 मिलियन द्वारा और इसका प्रीमियर फिल्म की नाटकीय रिलीज के 54 दिन बाद 3 जुलाई 2019 को किया गया था। फिल्म तमिल और कन्नड़ डब संस्करणों के साथ रिलीज हुई। सैटेलाइट अधिकार स्टार इंडिया द्वारा हासिल किए गए थे। फिल्म के तमिल कन्नड़ और मलयालम डब संस्करणों का प्रीमियर क्रमशः 18 अक्टूबर 2020 को स्टार विजय स्टार सुरोना और जी केरलम पर हुआ था। फिलहाल यह ऑफिशियली हिंदी में डब नहीं हुई है। बात करें स्टोरी में आपको के ऋषि कुमार संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित एक समृद्ध कंपनी ओरिजिन के मुख्य कार्यकारी के रूप में देखने को मिलते हैं। उनको घोषित किया जाता है। वह अपनी मां को अपने साथ रहने के लिए भारत से लाता है। निधि उसकी सहकर्मी उसे आश्चर्यचकित करने के लिए एक पार्टी का आयोजन करती है। इसमें बचपन के उसके दोस्त कन्ना और जो कुछ वर्षों से उससे नहीं मिले थे प्रोफेसर चंद्रशेखर और कॉलेज के दोस्त भी शामिल होंगे। कहानी वापस फ्लैशबैक में आती है, यानी पीछे चली जाती है। 7 साल पहले ऋषि हैदराबाद के एक मध्यम वर्गीय एकल परिवार से थे। उनके पिता सत्यनारायण जो एक निजी निगम के कलर्क थे और उनकी कम कमाई के कारण कर्जा हो गया था। उसकी विफलता के कारण ऋषि के उनके यानी अपने पिता के साथ संबंध अच्छे नहीं थे। ऋषि ने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन पूरी करने के लिए वाजा की स्थिति का प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय IIT में दाखिला लिया और इसलिए उन्हें वहां जाना पड़ा। ऋषि उनके रूममेट रविशंकर और पूजा सिया सभी सहपाठी होने के कारण सबसे अच्छे दोस्त बन जाते हैं और करीब एक गरीब किसान का बेटा है रवि और जैसे अपने बेटे के बारे में मासूम विमोदन ने उसे अमेरिका में अच्छी कमाई वाली नौकरी पाने के लिए एक लक्ष्य के लिए प्रेरित किया है और वास्तव में दबाव भी डाला जाता है। उनका एक सहपाठी अजय ऋषि से ईर्ष्या करता है क्योंकि वह पढ़ाई में उसे आगे निकल गया होता है। आगे मूवी में क्या होता है मूवी में देख कर ही पता लगा। मूवी दोस्तों बहुत ही मूवी की स्टोरी भी बहुत ही बेहतरीन, आगे कई सारे ट्विस्ट देखने को मिलते हैं आपको इस मूवी में। इस मूवी को आप फ्री में देख सकते हैं डिजी पर हॉटस्टार पर अमेजन प्राइम वीडियो पर सब्सक्रिप्शन के साथ।